हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द GST, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये GST बहुत डिफिकल्ट है, GST की अकाउंटिंग कैसे करें, पर मैं आपको बताता हूं सबसे इजी चैप्टर है अगर आप इसको फंडामेंटली समझो। तो ये जो पूरा जो वीडियो है ये एक वन शॉट वीडियो है, यह स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी GST में टॉपिक्स हैं कि भाई GST होता क्या है, GST का स्लैब क्या है, GST लगती कैसी है, इनपुट GST, CGST, SGST सेट ऑफ कैसे होता है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। और ये वीडियो के एंड तक आप GST के अंदर चैंपियन बन जाओगे। बस मेरे से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर पूरा देखना, एक भी मिनट मिस मत करना, बिकॉज अगर आपने कोई भी कंसेप्ट मिस कर दिया तो आपको GST में प्रॉब्लम होगी। सो डोंट मिस अ सिंगल मिनट एंड यस, ये लेक्चर देखने के बाद आप GST में चैंपियन बन जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो देखो, मैंने पूरा जो वीडियो है ना वो ऐसे डिवाइड किया हुआ, इंडेक्स बना रखा है कि भाई पहले मैं बताऊंगा GST होता क्या है, फिर इनपुट GST, आउटपुट GST क्या होता है, भाई GST का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और अकाउंटिंग कैसे करते हैं, परचेज और सेल्स की जनरल एंट्री कैसे करेंगे, फिर ट्रीटमेंट क्या होगा अगर कैश डिस्काउंट हुआ या ट्रेड डिस्काउंट हुआ उसमें हम GST कैसे करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट GST को सेट ऑफ कैसे करेंगे, CGST एंड IGST एंड द SGST, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। So let's start with the very first part, the introduction to a GST, कि भाई ये GST होती क्या है और ये क्यों बनाया हमने। So ये GST है क्या? देखो, GST का full form है the goods and a service tax। ये एक indirect tax है, indirect tax का मतलब क्या होता है? देखो, दो tax होते हैं, एक होता है direct, एक होता है indirect। direct tax क्या होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते हो। आपने लेट सपोज 10 लाख की इनकम हुई, 30% आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिए 3 लाख रुपए, इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट टैक्स, जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करते हो, जमा कराते हो। नॉर्मल कंज्यूमर जमा कराता है, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप जैसे रेस्टोरेंट में गए, आपने 100 रुपए का खाना खाया और उसने 5 रुपए आपका GST भी लगा दिया, तो आपने कितना रुपए बिल पे किया, 105 रुपए। आपने 5 रुपए गवर्नमेंट को पे नहीं किए, 5 रुपए कौन पे करेगा, वो बिजनेस पे करेगा। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली आप GST भर रहे हो, पे बिजनेस वाला करेगा, जो रेस्टोरेंट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, पर दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते हो, आपकी इनकम हुई आपने जमा कराया, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स में जहां पे आप जमा नहीं करा रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो, पर अल्टीमेटली बिजनेस गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट इज लेविड ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, मतलब जितनी भी हम गुड्स बेचेंगे या सर्विस रेंडर करेंगे सब में GST अप्लाई होगा। कुछ एक एग्जम्पशंस है वो आपको बताऊंगा, बट अब गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब सब चीजों पे GST है। यस, आप कुछ भी बेचो, क्या पेन बेचो, शर्ट बेचो, कैमरा बेचो, कार बेचो, कैमरा कुछ भी बेचो, सब पे GST लगेगा। तो इट इज लेविड ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का मतलब होता है जब मैं सामान बेच रहा हूं, पेन। सर्विस का मतलब होता है मैं किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं। सपोज करो मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, ऐसा काम करना है, मैंने कहा कि मेरी फीस है 5,000 रुपए, तो गवर्नमेंट ने बोला 5,000 रुपए GST भी लगाओ, जो भी GST है, लेट्स सपोज अगर 6% GST है तो 300 रुपए, तो मैं 5,300 चार्ज करूंगा, तो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। हाँ, कुछ एक चीजों पे एग्जम्पशन है जो मैं बाद में डील करूंगा। एक एग्जम्पशन बता रहा हूं, पेट्रोल एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में गवर्नमेंट ने एक अलग चार्जेस लगा रखे हैं, उस पर GST नहीं लगता एज पर द करंट लॉ। कि भाई पेट्रोलियम और उस पर जो हम ह्यूमन कंजम्पशन है, जैसे मान लो मैं पेट्रोल बनाने गया, उस पर GST नहीं लगता, उस पर एक अलग गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। क्लियर है? तो इट इज लेविड ऑन एवरी गुड्स एंड द सर्विसेज। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ नेशन वाइड टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मतलब अब
मैं ये पेन बना रहा हूं, ये पेन बना रहा हूं, तो अब इस पेन पे जीएसटी कितना है? लेट सपोज 5% जीएसटी है, 100 रुपए का पेन बनाता हूं, 5% जीएसटी। अब वो 5% जीएसटी कहां कहां पे होगी? जयपुर में भी 5 रुपए होगी, मुंबई में भी 5 रुपए हो गई, चेन्नई में भी 5 रुपए होगी, मतलब हर जगह 5% है। पूरी इंडिया में जो जीएसटी की जो रेट है ना वो एक ही है, मतलब हर प्रोडक्ट पे जो जीएसटी का रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, 5 डिफरेंट रेट्स हैं, बट प्रोडक्ट वाइज वो रेट पूरी इंडिया में सेम रहेगा। मतलब अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सामान जयपुर में बेचूं या मुंबई में बेचूं, मुंबई में क्या ज्यादा टैक्स लगेगा क्या, जयपुर में कम टैक्स लगेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आपको अगर कंपीट करना है, पूरा देश आपका है, तो अगर आपको मुंबई वाले से कंपीट करना है या दिल्ली वाले से कंपीट करना है, तो अब आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंपीट करना है, आपको टैक्स का नहीं सोचना। टैक्स उसका भी 5% है, आपका भी 5% है। पहले क्या होता था, मुंबई का अलग टैक्स है, दिल्ली का अलग टैक्स है, चेन्नई का अलग टैक्स लग रहा है, तो भैया मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो है ही मेरी अलग, पर मुझे टैक्स पे भी कंपीट करना पड़ता था, मेरी प्राइस मुंबई में अलग जा रही है, दिल्ली में अलग जा रही है, तो वहां पर दिक्कत हो रही थी। पर अब ये सब गवर्नमेंट ने हटा दिया कि भाई बोला भाई पूरा देश एक ही है, तो भाई साहब एक ही टैक्स होना चाहिए ना, और इसको मैं बोलता हूं वन नेशन वन टैक्स। अब आपको ये पता है कि ये जीएसटी ने कितने सारे टैक्स को रिप्लेस कर लिया? यस, बहुत सारे। पहले कितने टैक्स होते थे आपको पता है? पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ऑक्ट्राई ड्यूटी होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, हजारों हजारों टैक्स। आप खुद ही सोचो, मुझे एक बिजनेस करना है, मैंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अब पेन बनाने के लिए, बिजनेस के लिए मुझे सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, मुझे एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ेगा, मुझे ऑक्ट्राई ड्यूटी भी देना पड़ेगा, तो यार मतलब सोचो मुझे कितनी जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने का मुझे आइडिया है कि मैं अच्छा पेन बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे 5-6 जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जयपुर में बेचना है तो जयपुर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मुंबई में बेचना है तो मुंबई के एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अरे भाई, तो मैं बिजनेस करूं या टैक्स के झमेलों में फंसूं? आप खुद ही सोचो ना, मैं बिजनेस पे ध्यान दूं या टैक्स पे भी? मुझे सर्विस टैक्स भी देना है क्या, उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे मुझे एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना है, उस पर भी कराओ। अरे मुझे एक्साइज ड्यूटी भी देना है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं पागल हो जाऊंगा, काम पे ध्यान कम रहेगा, टैक्सेशन पे ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर ऐसा सिस्टम चलता रहा तो भाई साहब जो नए स्टार्टअप कैसे आएंगे, जो नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्स का सिस्टम ना थोड़ा सिंपलीफाई कर लो और लोगों को क्या करो, एकदम इजी बिजनेस, एकदम इजी तरीके से ना दो। और उन्होंने सारे के सारे टैक्स स्क्रैप कर दिए। कौन कौन से टैक्स स्क्रैप किए आपको पता है? देखो, ये पहले टैक्स होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मेन जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो पूरी इंडिया की एक गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी जो भी गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग, जैसे राजस्थान की अलग गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट, तमिलनाडु की अलग गवर्नमेंट, सबका अलग अलग गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल क्या चार्ज करती थी? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CST, सेंट्रल स्टेट टैक्स, फिर स्टेट गवर्नमेंट परचे, ऑक्ट्राई समझते हो ना? अरे भाई, ऑक्ट्राई जो एंट्री नाका, टोल नाका पे जो पहले ट्रक खड़ी होती थी, याद है ना, पहले टोल नाका पे हजारों ट्रक खड़ी होती थी, ऑक्ट्राई पे करो। हमारी स्टेट में आ रहे हो आप, राजस्थान से महाराष्ट्र में आयो, महाराष्ट्र को क्या करो, टैक्स पे करो। पहले वो होता था, फिर वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने गए 200 रुपए की 30% टैक्स लगा दिया एंटरटेनमेंट टैक्स। दिल्ली में अलग, बॉम्बे में अलग, चेन्नई में अलग, सब जगह टैक्स अलग। तो एक ही मूवी का टिकट यहाँ पे 200 रुपए, 260 रुपए, वहां पे 300, कहीं पे 350। अरे भैया ये क्या सिस्टम है, टैक्स पूरा देश एक है तो टैक्स भी तो एक ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया, लग्जरी टैक्स भी हटा दिया जो लग्जरी आइटम पे लगता था, जैसे कि बड़ी बड़ी होटलों के चार्जेस एक्सेट्रा, लॉटरी टैक्स सब हटा दिया। सब गवर्नमेंट ने कहा ये सब हटा दो, सब के सब बोला गवर्नमेंट ने हटा दो, खत्म करो इन चीजों को। और इन सब चीजों को रिप्लेस करके उन्होंने बनाया द जीएसटी और सिंपलीफाई कर लिया। और आपने देखा भी होगा इंडिया के अंदर स्टार्टअप की बूम आ गई है। क्यों आ गई है? अब जिसको बिजनेस करना है सिर्फ
जीएसटी में रजिस्टर करो और बिजनेस स्टार्ट करो, खत्म। एक टैक्स में रजिस्टर करो, स्टार्ट करो, कितना इजी हो गया। टैक्स पे ध्यान ही नहीं, मुझे किस पे ध्यान है, मुझे ध्यान अपने बिजनेस पे लगाना है। तो वन नेशन वन टैक्स, और हमारा इंडिया ग्रो होने वाला है इसके कारण। जीएसटी कब पास हुआ था? 24 मार्च 2017 को। मुझे आज भी वो रात याद है जब ये पास हुआ था, मैंने भी रात को देखा था जब वो एक्ट जो रात को मिडनाइट में पास हुआ था, एंड इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द 1st जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ था। इट रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको बता चुका हूं, इन सब को रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया, द जीएसटी बना दिया। ओके, और ये मैं बता चुका हूं, जीएसटी हर सिटी में, हर स्टेट में एक है। अगर यहाँ 5% है तो मुंबई में 5% होगा, चेन्नई में, कश्मीर में, सब जगह क्या होगा, 5% ही होगा। जो भी रेट है, पर वो रेट हर अक्रॉस प्रोडक्ट सेम रहेगी। अब रेट अलग अलग सिटी में डिफर नहीं होगी। अब मुझे कम्पीट अपने क्वालिटी के हिसाब से करना है, टैक्स का मुझे वरी नहीं करना। एक टैक्स में रजिस्टर करो और बिजनेस स्टार्ट करो, तभी तो स्टार्टअप की बूम आ रही है। समझ में आ गया? तो दिस इज द टैक्स मर्ज। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जीएसटी की स्लैब रेट्स कितनी है, स्लैब रेट्स कितनी है। तो देखो यार, स्लैब रेट्स है ना, नॉर्मली ये 5 स्लैब रेट है, एज पर द करंट लॉ 5 स्लैब रेट है। हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट मैं आपको एज पर द करंट सिस्टम, फ्यूचर तो मैं देख नहीं सकता, तो एज पर द करंट सिस्टम आपकी ये 5 डिफरेंट रेट्स है। कौन सी है? एसेंशियल आइटम की 0% है। 0% का मतलब होता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, या ये सब तो कॉमन इंसान को चाहिए, इस पर क्यों टैक्स लगाए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने कहा इस पर मैं टैक्स नहीं लगा रहा। अभी सिस्टम फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, पैकेट आइटम पे फिर भी टैक्स लग गया है, पर लूज आइटम पे अभी भी कितना है? 0% है। वो आपको लॉ के साथ देखना पड़ेगा करंट लॉ क्या है, ये चेंज होता रहता है, पर एसेंशियल आइटम जैसे दूध दही पे 0% टैक्स है। फिर आ गया कॉमन यूज आइटम, जैसे शुगर हो गई, उस पे गवर्नमेंट ने कहा 5%। रेस्टोरेंट जा रहे हो, यार हर कोई रेस्टोरेंट जाता है यार, तो रेस्टोरेंट पे तो 5% ही लगाओ, तो गवर्नमेंट ने कहा उस पे 5%। जो एसेंशियल नहीं है पर कॉमनली यूज है, हर कोई यूज करता है, हर कोई रेस्टोरेंट जाता है, हर कोई शुगर यूज करता है। शुगर के बिना हम जी सकते हैं, पर दूध के बिना हम नहीं जी सकते, आटे के बिना हम नहीं जी सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया हुआ है कि कॉमन यूज आइटम पे 5%। अब सर किस पे 0 लगेगा, किस पे 5% लगेगा, वो सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी वरी नहीं करो, वो तो अपन लॉ पे। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपने सीए से बात करोगे भाई ये किस पे टैक्स लगता है, वो सब डिफरेंट थिंग है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि स्लैब्स कितनी है, और स्लैब्स चेंज होती रहती है जैसे जैसे लॉ हमारा बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। फिर होता है स्टैंडर्ड रेट 12%, जैसे घी पे लग गया, बटर पे लग गया, 12% उस पे है स्टैंडर्ड, धीरे धीरे बढ़ रहा है 12%, घी बटर पे 12%, एज्यूम है, मुझे नहीं पता भी कितना एग्जैक्ट रेट है, पर ये 12% चल रहा है घी और बटर पे। फिर आ गया अगर कोई प्रोडक्ट किसी में भी नहीं आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा, तो उसको 18%। दिस इज अ नॉर्मल रेट 18%। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज इसी में ही आती है। जो भी आप सामान खरीदते हो, मोटर खरीदते हो, कैलकुलेटर खरीदते हो, ये सब किस पे आती है? 18% पे आती है। ओके, मैक्स कोई चीज अगर कहीं पे भी नहीं आ रही, ना यहां फिट हो रही, ना यहां, ना यहां, ना यहां, तो वो 18% पे ही हो जाएगी। कोई नया आइटम आपने इंट्रोड्यूस किया और वो गवर्नमेंट ने क्लासिफाई नहीं किया, भाई साहब 18% आपको देना है। तो 18% इज अ नॉर्मल, एजुकेशन सर्विस पे भी 18% ही है। ओके, लग्जरी आइटम एंड टबैको पे भाई साहब गवर्नमेंट ने कहा 28% लगाऊंगा, मैं 28% लगाऊंगा लग्जरी आइटम पे। क्यों भाई 28% क्यों लगाओगे? अरे भाई ये तो यार लग्जरी है, आपको जरूरत नहीं है पर आपको शौक है, शौक बड़ी चीज है बोलते हैं ना, तो आपको शौक है तो पे करो। सिगरेट पीनी है, टबाको पीना है, अरे भाई क्यों पी रहे हो, हेल्थ खराब हो रही है, चलो पीना है, पे करो, टैक्स पे करो, 28% टैक्स पे करो, शौक है ना, तो कहते ना शौक बड़ी चीज है, तो टैक्स भी बड़ी हो गया ना। तो यहाँ पे आपको लग्जरी शिप में जाना है, एकदम शिप के अंदर आपका शौक है भाई, तो करो भाई, ज्यादा टैक्स पे करो। तो यहाँ पे जो जो बड़ी चीजें होते हैं, जैसे बड़े बड़े कैमराज होते हैं, उन पे 28% लगता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंबाइन किया हुआ है, आप बड़ी गाड़ी लेते हो 28% टैक्स हो गया उसमें। तो ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं, गवर्नमेंट ने क्लासीफाई कर दिया बेस्ड ऑन द भी लोगों को क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं है। तो बेसिकली देर आर द 5 रेट, 0%, 5%, 12%, 18% एंड द 28%। ये लॉ के हिसाब से चेंज होता रहेगा, अगर जो भी आपका करंट लॉ है उसके हिसाब से आप देख लेना। ओके, समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं,
कि GFT इज पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड एंड GFT इज कटेड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑन द गुड। पर इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक चीजों में GFT एग्जेम्प्ट होता है, कुछ एक चीजों में GFT क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट ने कहा इस पे GFT नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, वेजेस, सैलरी अगर आप किसी को दोगे तो उस पर GFT नहीं लगेगा। ओके भाई, वो तो खर्चा है आपका, वो आप उस पर GFT मत दो। सप्लाई अगर आप कोई गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रहे हो, अगर मैं अपने करंट गवर्नमेंट को सर्विस देता हूं, गवर्नमेंट को सर्विस देने पे क्या काय का टैक्स? अल्टीमेटली वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आने वाला है, चार्जेस भी गवर्नमेंट क्यों पे करे। तो ये है, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, ये सब ना देखो चेंज होता रहेगा। एजुकेशन सर्विस, कुछ एक एजुकेशन सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं है, हेल्थ सर्विस पे, ट्रैवलिंग, इंटरेस्ट, अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, आप बैंक से कैश निकालते हो उस पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि जिन पे हम GFT क्या करते हैं, हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, हमारा एग्जेम्प्ट होता है। पर मैं आपको फिर बताता हूं, ये चेंज होता रहता है, पर एज पर द करंट लॉ दिस इज द सिचुएशन जहां पे हमारा टैक्स नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया, GFT होता क्या, वन नेशन वन टैक्स बता दिया आपको, मैंने स्लैब रेट बता दी, जीरो से लेके आपका 28% तक रहती, 5 स्लैब रेट ही है और GFT आपका एग्जेम्प्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि GFT इनपुट GFT क्या होता है और आउटपुट GFT क्या होता है, और यही सबसे पूरे GFT का क्या है, क्रक्स है। बच्चों, ये इनपुट GFT क्या होता है और ये आउटपुट GFT क्या होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मैंने सोचा यार क्यों ना कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट करूं। अब कैलकुलेटर का बिजनेस, मैं रहता हूं, सपोज करो जयपुर रहता हूं और मैं हूं, दिस इज मी। ओके, अब मैंने बोला कि कैलकुलेटर बनाता हूं। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लास्टिक चाहिए। बिना प्लास्टिक के कैलकुलेटर बनेगा? नहीं बनेगा सर। तो मैंने सोचा प्लास्टिक तो यार कहाँ अच्छा मिलता है, मुंबई में अच्छा मिलता है, मैं रहता हूं जयपुर, मैंने मुंबई से प्लास्टिक खरीदा, कितने का प्लास्टिक, और ये रहा मुंबई वाला इंसान, उसने कहा प्लास्टिक चाहिए, हाँ कितना प्लास्टिक चाहिए, मैंने कहा चलो एक बताओ कितना, एक कैलकुलेटर में कितना प्लास्टिक लगता है, उसने कहा 100 रुपए का, अच्छा, और प्लस उसने कहा GST, मतलब मुंबई वाले ने कहा 100 रुपए का प्लास्टिक और प्लस जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा GST। मैंने कहा कितना GST है तेरा बता, तो उसने देखा प्लास्टिक का गवर्नमेंट ने कितना लगा रखा है, सपोज करो एग्जांपल के केस में 18% लगा रखा है, तो 100 का 18% कितना हुआ, 18 रुपए, 18% लगा रखा है तो 18%, सपोज करो 18% GST है तो 100 का 18% कितना हुआ, तो मैंने उसको कितना पे किया, 118 रुपए। मतलब मुंबई वाले को मैंने 100 रुपए का कैलकुलेटर लिया, नहीं मैंने प्लास्टिक लिया, बोला प्लास्टिक कितने का, 100 रुपए का, प्लस GST 18 रुपए, तो मैंने मुंबई वाले को क्या पे कर दिया, 118 रुपए कर दिया, और ये उसने मुझे दे दिया, ये मेरे जयपुर में पहुंच चुका। तो मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा खर्चा 118 रुपए हो गया। कैसे, 100 रुपए तो प्लास्टिक के लग गए और 18 रुपए क्या लग गए, मेरे GST के लग गए। पर आपको GST पे करना पड़ता है? नहीं, ये मैंने तो उस मुंबई वाले को पे किया है। आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, 100 रुपए का बिल आता है, 5 रुपए का टैक्स देते हो तो आप 105 देते हो ना। सिमिलरली मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कहा 100 रुपए का ये कैलकुलेटर है, सॉरी प्लास्टिक है, 18 रुपए GST है, तो 118 रुपए मैं उसको देने वाला हूं। यहां तक समझ में आया? चलो अब आया, चलो ठीक है, मैं जयपुर, अब मैं कैलकुलेटर, मैंने एक शानदार कैलकुलेटर बनाया और मैंने कहा चलो मैं उसको बाजार में बेचने जाता हूं, और फिर मैं उसको बाजार में बेचने गया। मैंने कहा कैलकुलेटर कितने का बिकेगा, 500 में बिक रहेगा, ये शानदार कैलकुलेटर बनाया, और सर कैलकुलेटर मैंने बेचा अपने कस्टमर को, ये मेरा प्यारा सा कस्टमर जिसको मैं बेचता हूं 500 रुपए में। सुनो, मैंने कस्टमर को बेचा 500 रुपए में, प्लस मैंने बोला भाई साहब GST भी लगेगी। ओके, कितनी GST है, सपोज करो मेरे प्रोडक्ट में भी 18% GST, एज्यूम करते हैं, तो मैंने कहा भाई 18% GST लगेगी। ओके, तो मैंने जब कस्टमर को बेचा, अब सोचो मेरे एंगल से मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ कैलकुलेटर 500 रुपये प्लस GST, तो 500 पे 18% कितना होता है सर, 500 पे 18% होता है 90 रुपये। 500 पे 18% कितना होता है, 90 रुपए।
तो मैंने 90 रुपए जीएसटी भी लगा दिया, तो टोटल मैंने कस्टमर से कितने कलेक्ट किए, 590, कितने कलेक्ट किए 590। बात समझा रहा हूं, जब मैंने मैंने कस्टमर को बेचा 500 में प्लस 90, तो मुझे कस्टमर कितना पे करेगा, मुझे पे करेगा 590 पे करेगा, ही विल पे मी 590। तो ये जो 590 रुपए है ये मुझे पे करेगा 590 रुपए। यहां तक कंसेप्ट समय में आ गया, नहीं आ गया, आगे बढ़ू क्या? देखो वापिस बता रहा हूं, मुंबई से 100 का प्लास्टिक लिया, 18% जीएसटी, तो मैंने उस मुंबई वाले को 118 रुपए दे दिया। फिर मैंने कैलकुलेटर बनाया 500 रुपए का, 500 प्लस जीएसटी, कस्टमर ने मुझे 590 रुपए दे दिया, बिकॉज मेरे 500 पे 18%, मेरा भी जीएसटी 18% लगता है, और मैंने 590 रुपए दे दिया। अब एक बात बताओ, मुझे मैंने कस्टमर से कितने लिए, फिर 590, तो 90 रुपए गवर्नमेंट का है, मेरा है, मेरा पैसा कितना है? अरे मैंने मैंने कैलकुलेटर 500 में बेचा ना, तो मेरा मेरा 500 है, मेरा कितना है, मेरा शेयर इसमें से कितना है, इसके दो पार्ट डिवाइड करूंगा, 500 रुपए मेरा है, दिस इज माइन शेयर, मेरा शेयर है, और 90 रुपए मैं गवर्नमेंट को दूंगा। क्यों? अरे भैया मैंने कस्टमर को बेचा 500 प्लस जीएसटी, कैलकुलेटर उसने कहा ये 500 का है प्लस 90 का जीएसटी है, तो मैंने उससे 590 लिए, तो 500 तो मेरे हो गए, 500 तो मेरा कैलकुलेटर बिका ना, 90 रुपए मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो इसको मैं बोलता हूं आउटपुट जीएसटी, इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको मैं बोलता हूं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट मतलब जब मैं कोई सामान बेचता हूं, जब मैं कोई सर्विस देता हूं और मैं कोई कस्टमर से कलेक्ट करता हूं पैसा, अल्टीमेटली ये मुझे गवर्नमेंट को देना है, 90 रुपए मेरे नहीं है, कस्टमर ने 590 दिए, 500 तो मेरे हैं भाई साहब, वो तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, 90 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देना है। बट अब पता है ये हो गया 90। अच्छा दूसरा, ये जो 18% मैंने जो दिया जीएसटी जब मैंने प्लास्टिक खरीदा था, इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी मतलब जब मैंने प्लास्टिक खरीदा था तब मैंने 18 रुपए टैक्स पे किया था, हाँ किया था, तो टोटल 118 दिए थे। तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूं और उस पर टैक्स पे करता हूं तो वो इनपुट जीएसटी 18, और जब मैं कोई सामान बेचता हूं और लोगों से पैसा कलेक्ट करता हूं क्योंकि वो मुझे गवर्नमेंट को देना है तो वो आउटपुट जीएसटी। वापिस समझा रहा हूं, जब मैं कोई सामान खरीदूंगा उस पर जो टैक्स लग के आएगा वो मेरा इनपुट जीएसटी होगा, पर जब मैं वो कोई सामान बेचूंगा और कस्टमर मुझे पैसे देगा तो वो मेरे लिए आउटपुट जीएसटी, बिकॉज वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में, सिंपल केस में, मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है, हाँ पे करना है। अच्छा अब मेरे एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई आपको पता है इसमें फ्लॉ क्या है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, मैंने टोटल टैक्स पता कितना पे कर दिया, मैंने टोटल टैक्स पे किया 90 रुपए गवर्नमेंट को पे किया, और भाई साहब 18 रुपए यहां पर भी पे कर चुका हूं, 108 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं, जो कि गलत है यार। क्यों गलत है सर? अरे यार मेरे को, मैंने टोटल 500 का माल बेचा, जब मैंने सामान खरीदा तब मैंने 18 पे किया, जब मैं सामान बेचता हूं तो 90, अल्टीमेटली दोनों में टैक्स नहीं भर रहा हूं ना, यहां पे 18 पे भरा, कस्टमर से 90 लिया, तो 90 और प्लस 18, तो फिर मैं तो ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट को कहा तो गलत है यार। मैंने अल्टीमेटली मेहनत कितनी की है, एक बात बताओ, मैंने कैलकुलेटर बनाने में मेहनत कितनी की है, 100 रुपए का मैंने 100 रुपए का विदाउट जीएसटी सामान लिया, अभी जीएसटी को इग्नोर करो, और मैंने 500 में बेचा, तो मैंने मेरा वैल्यू एडिशन कितना है, 400 रुपए, मेरा वैल्यू एडिशन कितना है, 400 रुपए, क्योंकि मैंने 100 का सामान लिया 500 में बेचा, टैक्स को हटाते हैं, 100 का सामान 500 बेचा, 400 का मैंने फायदा, मैंने 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 वैल्यू इंक्रीज की, मैंने प्रॉफिट कमाया, तो भाई साहब मुझे 400 पे प्रॉफिट लगना चाहिए ना, 400 पे लगना चाहिए ना, और 400 पे अगर सपोज करो 18% है तो कितना होता है सर, 400 पे 18% 72 होता है मेरे ख्याल से, तो 72 टैक्स लगना चाहिए। मैंने कहा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जी मुझे आपको 72 टैक्स देना है, मैं आपको आपको 400 मैंने कितना हेल्प किया है, 400, तो मैं आपको कितना दूंगा, आपको 72 टैक्स दूंगा।
गवर्नमेंट ने कहा बात तो तू सही कह रहा है, बिकॉज जो मैंने जो मेहनत की है वो 100 रुपए की है, सॉरी 400 रुपए की है, 100 का सामान लिया 500 बेचा, मेरा फायदा कितना 400 का, तो मुझे 400 भी टैक्स देना चाहिए ना। पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पहले गवर्नमेंट मुझे 500 पे टैक्स दे रही थी। मैंने कहा ये एकदम गलत है, क्योंकि मैंने तो मेहनत तो की है, 400 रुपए में मुझे प्रॉफिट हुआ है, और आप 500 पे कैसे टैक्स ले रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा एकदम सही बात बोल रहे हो तुम, ये एक फ्लॉ है हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। और गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, आपकी हम बातें सुनते हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको इनपुट जीएसटी का फायदा आउटपुट जीएसटी में मिल जाएगा। मतलब समझा नहीं, अभी समझाता हूं। मतलब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, यू हैव टू पे पेबल टू गवर्नमेंट। अभी मैंने देखो पेबल लिखा हुआ है, पेबल टू गवर्नमेंट कितना पे करना है, 90 रुपए। बिकॉज जब मैंने ये कैलकुलेटर बेचा था, मैंने 500 पे 90 रुपए लिया था कस्टमर से, तो मुझे 90 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप पहले कितना पे कर चुके हो। मैंने कहा देखो यार, मैं गवर्नमेंट जी, मैं आपको 18 रुपए पहले पे कर चुका हूँ, 18 रुपए पहले पे कर चुका हूँ। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा 18 पे कर चुके हो, एक काम करो, लेस पेड जीएस। कितना पे कर दिया आपने, 18 पे कर चुके हो, तो नेट टैक्स पेबल, मतलब मुझे नेट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 72। क्यों, क्योंकि मुझे कस्टमर से 90 रुपए आए, 18 का मुझे इनपुट मिलेगा, 90 माइनस 18, तो मैं गवर्नमेंट को 72 दूंगा। अब मैं खुश, क्योंकि मैंने मेहनत 100 से 500 में 400 कमाए, तो मुझे 400 पे 18% के टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट को मैं 72 दूंगा, तो यहां पे मेरा देखो 72 आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो आप पहले जब आप सामान खरीद रहे हो टैक्स पे कर रहे हो, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो कस्टमर ने मुझे 90 रुपए दिए टैक्स के हिसाब से, पर मैं गवर्नमेंट को 90 नहीं भरूंगा, 90 माइनस 18, 72 दूंगा। अरे गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों नुकसान नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को 90 मिल गए, अल्टीमेटली सामान कितने का बिका, 500 रुपए मार्केट में, 90, 18 रुपए मुंबई वाला दे चुका है, 18 रुपए मुंबई वाला गवर्नमेंट को जमा करा रुका है, और 72 मैंने जमा कराया, मुंबई वाले ने 18 जमा कराया, गवर्नमेंट को 90 रुपए आ गए। तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा, मेरा भी नुकसान नहीं हो रहा, यही तो जीएसटी का फायदा है, सिंप्लीफाइड टैक्स, कि भैया मेरा कॉस्ट बच गया, मेरा एक तरफ से टैक्सेशन बच गया, क्योंकि मुझे 90 देना था, पर गवर्नमेंट ने कहा अब इसको आपका इनपुट मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया कि इनपुट जीएसटी मैं एडजस्ट कर सकता हूं आउटपुट जीएसटी से। तो यहां पे लिखो आप, इनपुट जीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना, यहां पे समझ में आ गया आपको। ओके, तो ये अब मैंने एक लाइन लिखी, इनपुट जीएसटी पेड ऑन द परचेज इज इनपुट जीएसटी, जो मैंने यहां पे आपका 18 रुपए पे किया वो मेरा क्या है, इनपुट जीएसटी है। ओके, इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द परचेजर, इट इज एन एसेट, एसेट है। अरे भाई मैं देखो वापिस बताता हूं, क्या इनपुट जीएसटी एसेट है, अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये जो मैंने जब मैंने 100 रुपए का जब मैंने कैलकुलेटर मैंने लिया था बाजार से लिया था, तो मुझे 100 रुपए की मैं 18 रुपए टैक्स पे करना पड़ा, हाँ 18 रुपए टैक्स पे करना पड़ा, तो इसका मतलब है 18 रुपए मैं फाइनल प्रोडक्ट पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो 18 रुपए है, ये जो 18 रुपए जीएसटी है, ये मेरे लिए एक तरह से एसेट है। एसेट क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है या जिसका मैं यूज कर सकता हूं या जो मुझे वापस लेना है गवर्नमेंट से। तो यहां पे मुझे 18 रुपए गवर्नमेंट से वापस लेना है, 90 रुपए देना है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 90 दे रहा हूं 18 ले रहा हूं, 90 दे रहा हूं 18 ले रहा हूं। तो जो चीज मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो उसको एसेट बोलता हूं। तो मुझे ये 18 रुपए एडजस्टेबल अगेन द फाइनल प्रोडक्ट है, तो 18 रुपए मेरा इनपुट जीएसटी हो गया, 18 रुपए मेरा क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। तो यह बात समझ में आई, तो इनपुट जीएसटी इज नॉट अ खर्चा, मेरा खर्चा नहीं है, ये बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मुझे इनपुट जो मुझे मिला, ये अल्टीमेटली
अल्टीमेटली ये एडजस्टेबल है अगेंस्ट द आउटपुट जीएफटी। तो इनपुट जीएफटी 18 रुपए मेरा एडजस्टेबल है, आउटपुट जीएफटी क्योंकि मैं इसको यूज कर सकता हूं, मैंने 18 जो मैंने 100+18 पे किया ना गवर्नमेंट उस मुंबई वाले को, 100 तो मेरा खर्चा है ही पर 18 मेरा खर्चा नहीं है, 18 मैं फाइनल प्रोडक्ट में यूज करूंगा, वो मुझे वापस 18 रुपए गवर्नमेंट से वापस लेने हैं। कैसे लेने हैं? वो गवर्नमेंट कैश नहीं देगी, बोलेगी सेट ऑफ करो, तो भाई मुझे 90 रुपए सेट ऑफ करूंगा, 90-18 72 रुपी। तो मेरा ये मैं कहां दिखाऊंगा, मेरा एसेट में दिखाऊंगा, ये मैं कहां दिखाऊंगा, एसेट में दिखाऊंगा। और ये आउटपुट जीएफटी क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है। सर क्यों लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है लायबिलिटी। जब किसी को पे करना होता है लायबिलिटी होती है ना, भाई क्या कर रहे हो, 90 रुपये करना है और 18 लेना है गवर्नमेंट से 18 लेना है, 90 देना है, तो मैं एडजस्ट करके गवर्नमेंट को 72 दूंगा। तो ये 90 लायबिलिटी, ये एसेट। तो 90 मुझे गवर्नमेंट को देना है लायबिलिटी, 18 मुझे गवर्नमेंट से लेना है, वापस लेना है, तो एसेट। तो टोटल मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 72 पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इनपुट जीएफटी इज द एसेट ऑन द बुक फॉर द परचेवर, यू विल नॉट गेट रिफंड, पैसे नहीं मिलेंगे वापस, एडजस्ट होगा। ऐसे नहीं गवर्नमेंट पैसे दे दो मेरे को, मेरा सामान बिका नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आउटपुट जीएफटी क्या होता है? आउटपुट जीएफटी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ द गुड, इट इज नॉट अ इनकम, मेरी इनकम नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी। क्वेश्चन आएगा कि आउटपुट जीएफटी आपकी इनकम है क्या, बताओ मुझे आप, आउटपुट जीएफटी इनकम है क्या? अरे नहीं भैया, इनकम तो रही है मुझे, मैंने 500 रुपए का कैलकुलेटर बेचा, 90 का जीएफटी लगाया, 90 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, वो मेरे नहीं है, मुझे कस्टमर ने 590 रुपए पे किए, तो मेरी इनकम 500 रुपए है, 90 गवर्नमेंट को पे करने हैं, जीएसटी के नाम से कलेक्ट किया ना, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो ये 90 रुपए मेरी इनकम नहीं है, इसको इनकम मत मानो आप। तो 90 रुपए इज नॉट माई इनकम। सिमिलरली ये मेरा खर्चा नहीं है, 18% खर्चा नहीं है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, 90 रुपए लाइबिलिटी और 80 रुपए एसेट है, तो इसको इनकम मत मानो। आपकी इनकम तो 500 रुपए है, टैक्स आपकी इनकम तो नहीं, टैक्स तो गवर्नमेंट की इनकम है। समझ में आ गया? तो मैं आपको बता चुका हूं व्हाई इनपुट जीएसटी विन एसेट, इट इज अ, ये क्वेश्चन बता चुका हूं, इट इज नॉट ऑन द कॉस्ट, इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट एन एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेन द जीएसटी। अगर मैं आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकता हूं, इसलिए मैं इनपुट जीएसटी को हम एसेट मानता हूं, खर्चा नहीं मानता। क्लियर है? पर कुछ एक केस के अंदर इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है एज पर द अलग लॉ। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक बताया कि भैया कि ये इसका इनपुट मिलेगा, 90 गवर्नमेंट को दूंगा, 18 गवर्नमेंट से लूंगा, 72 दूंगा। पर कुछ एक केसेस गवर्नमेंट ने बोल दिए, भाई साहब तुम्हें 18 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने का नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट ने का बिल्कुल नहीं मिलेगा, 18 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको 90 भी देने हैं, यहाँ पे भी 18 है। कुछ एक केसेस में गवर्नमेंट ने बोल दिया इसका आपका नहीं मिलेगा, तो उस केस में खर्चा हो जाएगा, मैंने पे कर दिया। तो जब आपको टैक्स का फायदा ही नहीं मिलेगा भाई, अल्टीमेटली कुछ एक एक्सेप्शन होंगे जहां पे मुझे गवर्नमेंट को 90 ही भरने पड़ेंगे, 72 नहीं 90, गवर्नमेंट ने बोला 90 भरो, पूरे भरो भाई साहब। तो कुछ एक एक्सेप्शन हैं, क्या क्या एक्सेप्शन हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। जैसे रेस्टोरेंट बिल है, रेस्टोरेंट का जो मैं बिल जो मैं जो पे करता हूँ 100 रुपए का प्लस 5 रुपए का जो टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट का, उसका इनपुट नहीं मिलेगा, आपका गया वो खर्चा है, वो खर्चा हो गया आपका, वो खत्म। हेल्थ इंश्योरेंस ये देखो अभी चेंज होता रहेगा, हेल्थ मेंबरशिप फीस ऑफ द क्लब, आपने कोई क्लब व्लब ज्वाइन किया, जिम विम ज्वाइन किया, आपको लगा वो अच्छा उसका भी मैं फाइनल में अपना कैलकुलेटर यूज करूंगा। मैं एक अपनी मेरी अगर बिजनेस है और मैंने एक एम्प्लॉय को मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय चल जिम बॉडी बना, बॉडी शॉडी बना, ये जिम के मेंबरशिप के पैसे देता हूं, जिम के मेंबरशिप ने 200 रुपए लेट सपोज टैक्स लगा दिया, तो भैया गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब तुम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय के बॉडी बॉडी बना रहे हो, उसके लिए 200 रुपए का बेनिफिट हम आगे नहीं देंगे, हम तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। मेंबरशिप फी, क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, रेस्टोरेंट, खाना खा रहे हो, घर से खाना लाओ, रेस्टोरेंट का पैसा दे रहे हो, कोई नहीं मिलेगा आपको, क्या घर से खाना मंगाओ ना लोगों का, क्यों आप भाई, गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली नुकसान भी तो हो ही रहा है ना यार, क्या वो इनपुट जीएसटी भी क्लेम कर रहे हैं और आउटपुट में एडजस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा ये सब नहीं चलेगा। कुछ एक केसेस में रेस्टोरेंट बिल पे आपको इनपुट नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट मिलता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग जो जो गवर्नमेंट ने किया, व्हीकल परचेज, मैंने गाड़ी खरीदी उसका कुछ इनपुट नहीं मिलता, मैंने कोई स्टाफ को गिफ्ट दे दिया फ्री में, अरे लो खरीदो, लो तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, लो गिफ्ट लो,
कोई उस पे जो टैक्स उस पे इनपुट जीएसटी नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में आया? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ वो देखना है कि आपको इसमें नहीं है, पर ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। गवर्नमेंट कभी भी कोई चीज हटा सकती है, कोई चीज डाल सकती है। ये एज पर द टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है, हर महीने भी चेंज होती है। ओके, अब मैं आपको बता चुका हूं, जीएसटी अगर हमने पे कर दिया तो वो रिवर्स भी होती है इस केस में। रिवर्स मतलब, मैं बताता हूं, रिवर्स का मतलब हो गया, मैंने आपको यहां पे कितना पे किया था, प्लास्टिक पे 100 रुपए पे 18 पे किया था। अब सपोज करो कि मैंने 100 रुपए का प्लास्टिक और 18 रुपए का जीएसटी पे किया, तो 118 पे कर लिया मुंबई वाले को। मैंने प्लास्टिक घर पे आया, मैंने कहा यार मेरे ऑफिस आया, अरे बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक है यार, क्या गंदी क्वालिटी का प्लास्टिक है। मैंने मुंबई वाले को फोन किया, भाई साहब वापिस रख ये प्लास्टिक। मुंबई वाले में ओके, उसको भी मेरे साथ डील करना है। मुंबई वाले बोले सॉरी माफ़ कर लो। मैंने कहा वापिस रख, खराब है, मुंबई में आपको बाद में वापिस नया भिजवाऊंगा एकदम A1 क्वालिटी का। मैंने कहा बाद की बात देखेंगे, अभी तो ये प्लास्टिक वापिस रख। प्लास्टिक वापिस दे दिया, अगर मैं प्लास्टिक वापिस करूंगा तो ये मुझे इनपुट जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस जब मैंने पे किया था 18 रुपये, तो जब मैं मुझे वापिस पैसा जो वो देगा कस्टमर, जो मुंबई वाला मुझे 118 देगा, क्योंकि मैंने 118 रुपए प्लास्टिक का दिया था। जब मैं उसको प्लास्टिक वापस करूंगा तो मुझे 118 देगा, तो वो मेरा जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इस केस में जीएसटी रिवर्स हो जाएगा कब, जब मैं परचेज रिटर्न करता हूं, या फिर अगर मेरा गुड्स अपना ओनर लेके जाता है, गुड्स अगर मेरा चोरी हो जाता है, जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो उसका जीएसटी क्या करना, गुड डिस्ट्रॉय एंड अनसेलेबल हो गया, गुड डिस्ट्रॉय फ्री सैंपल, गुड्स ऑफ चैरिटी। आप खुद ही सोचो कि मैंने एक प्लास्टिक लिया, आप सिंपल सा एग्जांपल, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने प्लास्टिक का लिया ये अपने क्या कहते हैं मुंबई से, अच्छा लगा, मैंने यूज़ कर लिया, तो मैंने कहा यार छोड़ यार प्लास्टिक, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर लेता हूँ, उसे घर में काम आएगा, प्लास्टिक बच्चे यूज़ करेंगे, प्लास्टिक अच्छा प्लास्टिक था, मैंने यूज़ करेंगे कोई ना कोई। या जब मैंने कोई, मैं गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना, क्यों, वो बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा तुम तो बेच ही नहीं रहे हो सामान, और 18 रुपये का तुमने जीएसटी, मैंने 100 रुपये 18 रुपये का मैंने एफर्ट दिखा दिया, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा आपने प्लास्टिक बेचा क्या। मैंने कहा मैंने बेचा नहीं, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर लिया। मैंने कहा अच्छा गिफ्ट क्या कर लिया, अपने एम्प्लॉय को बच्चों को गिफ्ट कर दिया। बेचोगे तो आपको इनपुट मिलेगा, बेच रहे हो कस्टमर को नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा बेचोगे नहीं तो काय का इनपुट, कोई इनपुट नहीं मिलेगा, हटा दो इनपुट। तो यहाँ पे जब मैं अपने कोई जब अपना कोई क्या कहते हैं सामान किसी को गिफ्ट देता हूँ, चैरिटी देता हूँ, डोनेशन देता हूँ अपने एम्प्लॉय को, या मेरा जो ओनर को ड्राइंग करता हूँ, या परचेज रिटर्न होता है, उस केस में मुझे 18 रुपये का इनपुट नहीं मिलेगा। मुझे गवर्नमेंट को जब भी मैं कोई सामान बेचूंगा मुझे 90 देना पड़ेगा। क्लियर है आपको, समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको रिवर्स हो जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। चलो जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूं मैं आपको, वापस बता रहा हूं, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता हूं, 10 लाख की इनकम हुई, 3 लाख गवर्नमेंट को मैंने बैंक से चेक पे के लिया, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जो मैं पे नहीं करता, पर वो जिसको मैं पे कर रहा हूं वो पे करेगा। मैंने रेस्टोरेंट को पे किया 5 रुपये, उसने 5 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इट रिप्लेस ऑल द टैक्स, बता चुका हूं, यूनिफॉर्म रेट है, यहां पे 5% है, तो मुंबई में 5% है, चेन्नई में 5% है, सब जगह 5%, जो भी रेट है 5, 18, 28 जो भी है। इट इज नॉट अ कॉस्ट, बता चुका हूं, जब मैं कोई जीएसटी पे करता हूं 18 रुपए, वो मेरी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरा एसेट बन जाता है, मैं इसको आउटपुट में यूज कर सकता हूं। इट इज जो मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूं लोगों से, कैलकुलेटर बेचा 500 का, 90 का मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, तो 90 मेरी इनकम नहीं, मेरी इनकम 500 रुपए है, तो 90 मेरी इनकम नहीं है, तो इट इज नॉट अ इनकम। एंड जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब हुआ, मैं आपको बता चुका हूं, मैंने 100 रुपए का सामान कहां गया 100 रुपए का सामान खरीदा, 500 में बेचा, मैंने वैल्यू कितनी ऐड की सामान के अंदर। मैंने एक सुंदर से प्लास्टिक, एक बेकार से प्लास्टिक से गजब का कैलकुलेटर बना दिया, तो 100 रुपए के सामान से मैंने 500 का सामान बना दिया, तो 400 का क्या बन गया, मस्त 400 का मैंने वैल्यू किया, तो मेरा वैल्यू पे टैक्स कितना होता है 72, और उतना ही मैं पे कर रहा हूं, 90 माइनस 18 72 मैं पे करूंगा। बात समझ में आ गई? तो जीएसटी क्या होता है, इट इज अ वैल्यू एडेड, इट इज अ कहां गया, इट इज अ वैल्यू एडेड, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, आपको बता चुका हूं। ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, आप देख लेना, ठीक है। एडवांटेज क्या है जीएसटी का, मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया, बिकॉज अब मेरे पर टैक्स नहीं लग रहा, पहले मुझे 90 देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, अब मुझे 72 देना है, तो मेरे लिए फायदा हो गया ना, तो मेरे लिए फायदा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा बन गया, और ईज हो गया डूइंग ऑफ बिजनेस में। मुझे ना सर्विस टैक्स, ना एंटरटेनमेंट टैक्स, ना लग्जरी टैक्स, मुझे तो एक
एक टैक्स में रजिस्टर करना है और बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टार्टअप क्यों बढ़ गए इतने जल्दी? क्योंकि इसलिए बढ़े बिकॉज एक टैक्स में रजिस्टर करो, बिजनेस करो। आप तो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो, टैक्स पे ध्यान सिर्फ एक टैक्स पे ध्यान देना है आपको। ओके, टैक्स एविजन रिड्यूस हो गया बिकॉज सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, तो टैक्स एविजन हो गया। गुड्स थोड़े चीपर हो गए जीएसटी के, किसी को 0, किसी को 5, किसी को 10, पहले तो 30 लगता था। फिर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरनर्स होते हैं ना, जो अमेरिका, जो यूरोप के लोग, वो इंडिया में इन्वेस्ट तभी करेंगे जब उनको लगेगा यार हम आराम से इस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो इंडिया बिजनेस करें बोले भाई साहब 10 टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सालाना ढिलाना, अरे भाई साहब वो पागल हैं, बोले इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, अपने को नहीं करना, छोड़ो। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आ जाओ हमारे, हमारे यहाँ मफ्त एक ही टैक्स है, तो यार वो बोलेंगे हाँ ये सही है, एक ही टैक्स रजिस्टर करो, बिजनेस करो। तो फॉरेन जो पैसा, अब हमारा इंडिया में जो पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा बहुत आ रहा है क्योंकि अब इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया इज द नेक्स्ट, इंडिया का डिकेड चल रहा है आपका, कॉमन नेशनल मार्केट हो गया। अब मेरे को कहीं कंपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं कंपीट कहीं पर भी करूँ दुनिया, इंडिया के अंदर, क्योंकि सब जगह एक ही टैक्स है, सब जगह 5%, इंडिया में जयपुर में 5%, मुंबई के अंदर है। समझ में आ गया? तो Now you are a champion, किसके अंदर बन गए? इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जो जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है ना, कि वो कैसे करेंगे, कि ये क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, एफजीएसटी क्या होता है। सो वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी क्लासिफिकेशन। ये जीएसटी का मतलब क्लासिफाई कैसे करेंगे? देखो, पूरे जीएसटी को मैं 3 में क्लासिफाई करता हूं। यस, एक है सेंट्रल जीएसटी जिसको मैं बोलता हूं CGST, एक है स्टेट जीएसटी जिसको मैं बोलता हूं SGST, और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको मैं बोलता हूं IGST। सर ये क्या, सर ये तो जीएसटी तो था ही, अब ये 3 अलग अलग जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अरे भाई बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज करो कि मैं रहता हूँ जयपुर, मैं रहता हूँ जयपुर, ठीक है ना, जैसा कि मैं जयपुर में रहता हूँ। ओके, अब मैं जयपुर रहता हूं, मैंने क्या बनाया था, कैलकुलेटर बनाता हूं। अब ये कैलकुलेटर मैं कहां कहां बेच सकता हूं, आप मुझे बताओ। देखो, या तो मैं ये कैलकुलेटर जोधपुर बेच सकता हूं, हां, या मैं ये कैलकुलेटर जयपुर खुद लोकल बेच सकता हूं, हां, या मैं ये कैलकुलेटर मुंबई में भी बेच सकता हूं, हां, या मैं कैलकुलेटर चेन्नई बेच सकता हूं, हाँ। मतलब मैं अपना जो प्रोडक्ट है कहां कहां बेच सकता हूं, भाई इंडिया में कहीं भी बेच सकता हूं, मैं अभी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में ये मैं प्रोडक्ट कहीं पे बेच सकता हूं, जयपुर में लोकल में बेच सकता हूं, जोधपुर में बेच सकता हूं, उदयपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कहीं पे भी मैं बेच सकता हूं, राइट। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर आप सेम स्टेट में बेचते हो, सेम स्टेट का मतलब है राजस्थान में अगर आप हो, आपका बिजनेस किधर है, रजिस्टर्ड का है आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस राजस्थान में जयपुर में है, तो अगर आप राजस्थान में ही सेल करते हो अपनी स्टेट में, मैंने सिटी नहीं बोला है, स्टेट में सेल करते हो, तब आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे। घबराओ मत, पूरा समझाऊंगा कि 2 टैक्स क्यों आ गए। अगर आप सेम स्टेट में करते हो तो आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे। जैसा कि अगर आप, ये जोधपुर कहां पे आता है, सर ये राजस्थान में आता है। जयपुर कहां आता है, सर ये भी राजस्थान में आता है। और मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, सर वो भी राजस्थान है। तो मतलब अगर मैं सेम अपना प्रोडक्ट मेरे स्टेट में बेचता हूं तो मेरे को 2 टैक्स लगेंगे। कौन से टैक्स लगेंगे, सुनो, अगर मैं सेम स्टेट में बेचता हूं, सेम स्टेट के अंदर बेचता हूं, तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, एक लगेगा CGST जिसको मैं बोलता हूं सेंट्रल GST, और एक लगेगा FGST। लिख दूं यहां पे सेंट्रल GST और इसको मैं बोलता हूं स्टेट GST। क्लियर है? तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे अगर मैं सेम स्टेट में बेचता हूं, मतलब विद इन सिटी, अरे विद इन स्टेट, मतलब
एग्जाम्पल के लिए सपोज करो जयपुर में मैं हूं, जयपुर का माल मैंने बेचा जोधपुर, जयपुर का माल मैंने बेचा जयपुर के अंदर, जयपुर का माल मैंने बेचा उदयपुर, जयपुर का माल मैं कहीं पे भी अपने स्टेट में बेचता हूं, तो वो क्या होगा, उसको मैं दो टैक्स लगाऊंगा, एक लगाऊंगा CGST और एक लगाऊंगा SGST। ओके, तो अब ये CGST और SGST क्या है, सुनो, मेरा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने कैलकुलेटर बेचने के लिए कितना लगा रखा है, गवर्नमेंट ने कहा कैलकुलेटर पे GST लगेगा 18%। तो क्या आपको लगता है कि ये, अभी लिखना मत, क्या आपको लगता है ये भी 18% होगा, ये भी 18% होगा? क्योंकि सर दो दो टैक्स कर दिए, गवर्नमेंट ने कहा आपका जीएसटी का जो स्लैब है कैलकुलेटर, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग स्लैब होता है भाई, 0, 5, 12, 18, 28। तो मैं, गवर्नमेंट ने बोला आप कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो इस पर 18% है। अब 18% आपको क्या लगता है कि मुझे दो बार 18% पे करना पड़ेगा? मतलब अगर मैं अपना माल जयपुर में बेचूं या उदयपुर में बेचूं या जोधपुर में बेचूं या राजस्थान में कहीं भी बेचूं, तो क्या मुझे 18% पे करना पड़ेगा दो बार, 18, 36%? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा परेशान मत हो। तो मैंने कहा क्या करूं, फिर आपने दो दो टैक्स तो लगा दिया, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट ने कहा आपका रेट कितना है, मैंने कहा मेरा रेट 18% है। तो सुनो तो सही, हम आपके लिए ही तो हैं, हम जनता के लिए बने हैं, 18% है ना, तो उसको दो में डिवाइड कर लो, 9% ये और 9% ये, मतलब आधा आधा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब अगर मैं अपने स्टेट में राजस्थान में माल बेचता हूँ, अगर मेरा प्लेस ऑफ, मेरी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, मेरी फैक्ट्री तो राजस्थान में जयपुर में है ये, अब अगर मैं जयपुर का माल जयपुर में, जयपुर का माल जोधपुर या उदयपुर या बीकानेर कहीं पे भी मैं बेचता हूँ, तो मेरा कौन सा टैक्स लगेगा, CGST एंड SGST। मेरा स्लैब क्या है, 18% है, तो ये कितना होगा, 9 और ये 9। अगर मेरा स्लैब 12% है तो ये 6, ये 6। मेरा स्लैब है 5% तो ये 2.5, ये 2.5, आधा कर लेना। आपका टैक्स तो 18% लगेगा, पर आपको टैक्स का क्लासिफिकेशन दो में करना पड़ेगा, CGST एंड SGST, 9, 9%, 18 तो 28 होगा, तो 14% ये, 14% ये, ऐसा नहीं 28, 28, बात समझ में आ गई? तो आपका टैक्स तो टोटल 18 लग रहा है, बट आपको अकाउंटिंग में दो टैक्स दिखाने पड़ेंगे। ये दो टैक्स किए क्यों गवर्नमेंट ने, मतलब ये क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी बना दी? मैं आपको रीजन बताता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, हाँ फर मैं जयपुर का माल, लेट सपोज जयपुर ही बेचता हूं या जोधपुर बेचता हूं, तो भाई साहब उसमें जो टैक्स आया, सपोज करो 100 रुपए का माल है और 18 रुपए टैक्स है, तो टैक्स कितना आया, 18 रुपए। तो मैंने जयपुर का माल जोधपुर में बेचा, हाँ बेचा, अब 18% किसको गया? अगर मैं एक ही टैक्स लगाऊंगा तो वो मेरी राजस्थान गवर्नमेंट को मिल जाएगा भाई, राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है, जो बजट डिसाइड करती है, जो डिसाइड करती है कि डिफेंस में इतना जाएगा, रोड्स इतनी बनेंगी, ये इतना करेगी, सेंट्रल के पास पैसे चाहिए सब्सिडीज देने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। राजस्थान गवर्नमेंट का काम है राजस्थान की स्टेट के जो भी टैक्स लगाना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाराष्ट्र का टैक्स लगाना, क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने देखा होगा सेंट्रल में लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की, और आपकी स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस या बीजेपी कोई भी होगी, और सेंट्रल में कौन सी है, बीजेपी है। तो यहां पे यही सिस्टम रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना पैसा कैसे लेगी, वो अपना अपना एक्सपेंडिचर कैसे मीट करेगी। वो बोलेगा आपने जयपुर का माल जयपुर में बेचा, तो आपका कितने में बेचा, 100 रुपए का मैंने माल बनाया, 18 बेचा, 18 रुपए मैंने टैक्स दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा राजस्थान गवर्नमेंट को तुम 9 रुपए दोगे, 9 रुपए मैं राजस्थान गवर्नमेंट को दूंगा, और 9 रुपए किसको दूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा, मतलब सेंट्रल मेन गवर्नमेंट को दूंगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपए जा रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट को 9 रुपए जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ ना, क्योंकि उसको भी तो पैसा चाहिए ना बिजनेस चलाने, बिजनेस क्या, कंट्री चलाने के लिए, हाँ, तो इसलिए 9 रुपए और 9 रुपए यहां पे हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो अगर आप सेम स्टेट में बेचते हो, आपका जो भी स्लैब है उसका आधा आधा कर लेना, तो दो टैक्स लगेंगे। अगर आप सेम स्टेट में हो, जयपुर का
माल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं भी बेचो सेम स्टेट के अंदर, ठीक है ना, तो आपका दो लगेंगे। बट अगर सर मैं डिफरेंट जगह बेचता हूं, तो सपोज करो मैं जयपुर में मेरा बिजनेस है और मैंने माल बेचा चेन्नई, सपोज करो, तो क्या करूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आपको एक ही टैक्स देना है, IGST इंटीग्रेटेड GST। ये क्या होता है सर, इसका मतलब है आपका स्लैब क्या है, मेरा स्लैब है 18%, मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं ना, मैं अगर जयपुर में बेचूंगा तो भी 18% है, मैंने कहा ना वन नेशन वन टैक्स 18% ही होगा, पर मैंने माल, मेरा बिजनेस कहाँ पे है, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है सर, जयपुर है। अच्छा, तो जयपुर का माल मैंने मुंबई बेचा, जयपुर का माल मुंबई बेचा, अलग अलग स्टेट हो गए ना, ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, तो भैया अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा आपको एक टैक्स पे करना है IGST। तो सर आपको कितना, आधा करेंगे, अरे आधा नहीं करेंगे, 18% पे करेंगे, यार मेरा टैक्स अगर एक है तो 18% ही लगेगा, टोटल मुझे गवर्नमेंट को 18 पे करना है। अगर मैं सेम स्टेट में जयपुर का माल, जोधपुर, उदयपुर सेम स्टेट में, तो मेरा 18% क्या रहेगा, दो में हो जाएगा 9-9 CGST और SGST। पर अगर मैं डिफरेंट स्टेट में, अगर मैं मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में माल बेच रहा हूं, तो मेरा लग जाएगा IGST इंटीग्रेटेड GST, जिसको मैं बोलता हूं 18% का रेट लग जाएगा। अगर मेरे प्रोडक्ट का है 28 तो 28%। बट सर एक बात बताओ, इसमें सर एक टैक्स क्यों, उसमें दो टैक्स, क्योंकि मैंने माल बेचा मुंबई। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि ये जो माल का पैसा किसको मिलेगा, अगर राजस्थान को मिलेगा या मुंबई को मिलेगा, किसको मिलेगा पैसा जो टैक्स दे रहा हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये पूरा टैक्स तो मेरे को मिलेगा। सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 100 रुपए का माल दूसरे स्टेट में बेचते हो, सपोज करो 18% रेट है, तो आपका 18% टैक्स आप पे करोगे IGST, और ये जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारी मेन गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की, एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल पर इससे राजस्थान को क्या फायदा, मुंबई वाले का भी कोई फायदा नहीं, महाराष्ट्र को भी हमने बेचा कोई फायदा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो सर उनको क्या मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठंडन गोपाल, नहीं भाई साहब उनको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी कोई भी पॉलिसीज है, रेट्स है, उसमें से वो पैसा कुछ अपने पास रखेगी और कुछ स्टेट को दे देगी। पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो क्या करेगी, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1,00,000 रुपए टैक्स आया, तो वो बोलेगी राजस्थान तुम्हारा हिस्सा 30,000, लेट सपोज, और मेरा हिस्सा 70,000, या बोलेगी तुम्हारा हिस्सा 20,000, महाराष्ट्र तुम्हारा हिस्सा 40,000, मेरा हिस्सा 40,000। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर साल, अलग अलग रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करती है, उसमें हमें नहीं पढ़ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी हम नहीं बना रहे, हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम अकाउंटिंग एनालिस्ट, सोचो कि हमें ये बताना है, कोई कंसेप्ट पूछे कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा 18%, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र को डिवाइड कर देगी, अपने हिसाब से डिवाइड कर देगी, वो उसका रेट होगा, वो 50-50% नहीं होगा, जरूरी नहीं, वो अपना रेट पॉलिसी के हिसाब से होता है। पर अब आपको समझ में आया, अगर मैं सेम स्टेट में माल बेचूंगा तो मेरे दो टैक्स लगेंगे, CGST और SGST, सेंट्रल और स्टेट 9-9%, मेरा अगर माल 18% 18 9 और 9, और अगर मैं डिफरेंट स्टेट में माल बेचूंगा तो मेरा स्टॉक लग जाएगा 18, डायरेक्ट IGST लगेगा। ओके, समझ में आ गया, अगर आपको यह समझ में आया, एक काम चलो, मैं आपको पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, नीचे आंसर दो ना, प्लीज लेट अस नो द रेट ऑफ द CGST एंड SGST इफ द एप्लीकेबल रेट इज 18%। बताओ, मैं जयपुर में ही रहता हूं, ठीक है ना, नहीं जयपुर में नहीं रहता, अभी आपको यहां पे लिखा हुआ है, जयपुर का माल उदयपुर में बेचा, दोनों राजस्थानी है, तो आपका क्या लगेगा, ये मैंने यहां पे लाल कर लेता हूं, ओके, 9% ये, 9% ये, क्यों सर, राजस्थान का माल राजस्थान में ही है तो दो टैक्स लगेंगे। ओके, जयपुर का माल जयपुर में, सर दो टैक्स लगेंगे, IGST नहीं लगेगा। मुंबई का माल ठाणे में, दोनों महाराष्ट्र में,
मुंबई का माल थाने में, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है ना, दोनों महाराष्ट्र में है ना, मुंबई भी महाराष्ट्र में, आपको स्टेट याद नहीं होती है, मेन मेन तो याद हो जाएंगे आपको, तो मुंबई का माल थाने में, दोनों महाराष्ट्र में है, SGST और IGST दोनों, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का माल अगर चेन्नई जाएगा, महाराष्ट्र का माल दिल्ली जाएगा या राजस्थान आएगा या तो तमिलनाडु आएगा, तो दिल्ली का माल मुंबई में, दिल्ली का माल मुंबई में, सेम स्टेट है अलग स्टेट है, सर अलग स्टेट है, तो आपका 18% लग जाएगा। क्यों? दिल्ली अलग यूनियन टेरिटरी है और बॉम्बे अलग यूनियन, बॉम्बे अलग स्टेट है, दो अलग अलग हो गए ना, स्टेट हो गए ना, तो यहाँ पे 18% CGST नहीं, एक टैक्स लगेगा 18%, लगेगा 18%, टोटल 18% ही लग रहा है। ओके, जयपुर का माल मुंबई में, जल्दी बताओ जयपुर का माल मुंबई में, अरे अलग स्टेट हो गया, 18%। मुंबई का माल मुंबई में, भाई साहब 9 और 9, CGST और SGST दोनों सेम लगेंगे, और 9 9 लगेंगे, आधा कर लो, क्योंकि आपका माल सेम स्टेट के अंदर है। मुंबई का माल गुजरात के अंदर, स्टेट चेंज हो गया, 18%, स्टेट चेंज हो गया ना, 18%, समझ में आ गया, अगर स्टेट चेंज हो गया तो 18% मतलब आपका IGST, अगर स्टेट सेम है तो CGST एंड SGST सब केस में देखो मेरा 18% ही मेरा लग रहा है। आपको बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रल GST और स्टेट GST, और अगर वो दिल्ली है या कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसको UT GST बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी GST, अगर स्टेट है तो स्टेट या फिर राजस्थान है, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। दीज आर लेविड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है राजस्थान, मुंबई का माल मुंबई में, या मुंबई का माल थाने में, मुंबई का माल गोवा में, वो सब राजस्थान है। इफ डीलर इन जयपुर सेल द गुड्स टू डीलर इन उदयपुर, देन ही विल लेवी, मैं आपको बता चुका हूं, GST CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा, SGST राजस्थान गवर्नमेंट को दूंगा, क्लियर है? एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड GST का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब हो गया मुंबई का माल राजस्थान, मुंबई का माल दिल्ली में, मुंबई का माल चेन्नई में, ओके, डीलर इन मुंबई, देन जयपुर का माल मुंबई गया तो ये होगा, ठीक है ना? दो पार्ट में डिवाइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, एक 5% GST लगेगा, एदर विल गो, हम पूरा का पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एज पर द रेट स्टेटेड बाय अपने गवर्नमेंट को बांट देगी। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको, मैं समझा चुका हूं, तो नाउ यू आर, मैंने सब बता दिए, तो आपको बता दिया GST, इंटर स्टेट, इंट्रा और इंटर, इंट्रा विद इन द स्टेट दो टैक्स लगेंगे, और यहाँ पे दोनों में 18% ही लगेगा, क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप क्या बन गए, क्लासिफिकेशन में एक्सपर्ट बन गए हो कि GST क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, CGST क्या, SGST क्या है, अकाउंटिंग कराऊंगा, डोंट वरी, अभी ये तो हमें आ गया ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? चलो, तो अब मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, आपको मैंने करा दिया ये, करा दिया ये, करा दिया GST क्लासिफिकेशन करा दिया, अब मैं आऊंगा आपके क्रक्स में, द GST अकाउंटिंग ऑन द परचेज एंड सेल, परचेज और सेल में GST की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो मैं आपको अब मैं कराऊंगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट विद द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर, द अकाउंटिंग फॉर परचेज एंड सेल, पूरे जो चैप्टर का जो क्रक्स है वो अकाउंटिंग फॉर परचेज और सेल में होगा। सो लेट स्टार्ट विद कि भाई GST में अकाउंटिंग कैसे करते हैं परचेज और सेल की। सो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि GST तीन टाइप की होती है, फटाफट रिवाइज करते हैं, एक होता है FGST, एक होता है CGST और एक होता है IGST। ये तीनों में फर्क क्या है, बहुत सिंपल है, अगर मैं कोई माल राजस्थान का माल राजस्थान में बेचता हूं, सेम स्टेट में, बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है, जयपुर का माल जयपुर में, जयपुर का माल उदयपुर में, जयपुर का माल जोधपुर में, तो ये सेम स्टेट में होगा, अगर सेम स्टेट में होगा तो हमारा दो टैक्स लगेंगे, एक लगेगा FGST और एक लगेगा सेंट्रल GST CGST। तो अगर सपोज करो मेरा जो कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, उस पे लेट सपोज टैक्स है 18%, तो 18 को मैं 2 में डिवाइड करूंगा, यहां पे 9%, यहां पे 9%, दोनों का कितना 9 9%, 18 को 2 में डिवाइड करूंगा, 9 और 9 9, CGST 9 FGST। बट अगर मैंने स्टेट चेंज कर दिया, मतलब जयपुर का माल मैं मुंबई बेच रहा हूं, जयपुर का माल चेन्नई बेच रहा हूं, दो अलग अलग स्टेट हो गई ना, बायर एक स्टेट में, सेलर एक स्टेट में है, तो मेरा क्या लगेगा, IGST लगेगा, और IGST क्या लगेगा, अगर मेरा रेट है 18% तो मेरा 18% ही
लगेगा। समझ में आया नहीं आया तो यहां पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सेम स्टेट में होगा तो दो टैक्स, टैक्स दोनों में सेम रहेगा 18 और 18, पर यहां पे दो बार लग रहे हैं 9 और 9, यहां पे 18 लग रहा है, यहां पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 9 और 9 के अंदर। क्लियर है? अगर हमारा टैक्स रेट 12% है तो यहां पे 12% या 6 और 6। ओके, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब हम स्टार्ट करते हैं द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर परचेज। और मैं वापिस बोल देता हूं, एक भी मिनट मिस मत करना, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप जीएफटी में चैंपियन बन जाओगे। ओके, अकाउंटिंग फॉर परचेज, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तब हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है? हमने कोई चीज खरीदी तो मैं क्या एंट्री करूंगा? देखो, मैंने इसको डिवाइड किया इन पार्ट में, जब मैं चीज खरीदूंगा, जब मैं चीज वापस दूंगा, जब मैं फिक्स एसेट खरीदूंगा, जब मैं खर्चा करूंगा, जब मैं गुड विड्रॉन करूंगा, जब मैं गुड गिवन फॉर द सैंपल करूंगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ओके, याद तक समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं परचेज ऑफ द गुड। तो परचेज ऑफ गुड देखो, मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का पार्ट है, देखो एक पार्ट है विद इन स्टेट का मतलब है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो जयपुर का माल जोधपुर में, दोनों राजस्थान में है, और एक है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब जयपुर का माल लेट सपोज मुंबई में, जयपुर का माल मुंबई में या महाराष्ट्र में, ठीक है? मतलब अगर सेम स्टेट में होगा तो क्या करेंगे? सुनो, परचेज ऑफ द गुड। ओके, मैंने सपोज करो 100 रुपए का सामान लिया, मैंने 100 रुपए का सामान लिया और उस पर जीएसटी लग रहा है 18%। ओके, इजिकल टू 18 रुपीज। ओके, तो मतलब मैंने 100 रुपए का प्लास्टिक लिया, मैं रहता हूं जयपुर, अभी हम एज्यूम करते हैं मैं जयपुर रहता हूं, तो मैंने जयपुर का माल मैंने जोधपुर से लाया, सेम स्टेट में जयपुर का माल जयपुर से लाया या फिर उदयपुर से लाया, मतलब राजस्थान से लाया, तो मैंने खरीदा। रूल नंबर वन क्या है? परचेज हमेशा डेबिट, हमेशा उस पे होता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे होता है। कभी भी परचेज और सेल्स के अंदर आप जीएसटी मत लिया ना। ओके, तो परचेज हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे होता है। मैंने सामान कितने का लिया? 100 प्लस 18% टैक्स 118, पर सामान कितने का है? 100 रुपए का। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपए। मतलब मैं सामान खरीद रहा हूं, कितने का खरीद रहा हूं? 100 रुपए का मैं सामान खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्लास्टिक खरीदना है। अच्छा, तो परचेज हमेशा किस पे डेबिट होगा? ध्यान रखना, हमेशा जीएसटी रेट उसके अंदर कभी नहीं होगी। अच्छा, जीएसटी कितना लगा? 18%। अच्छा, क्या मैंने जयपुर का माल जयपुर से लिया या जयपुर का माल जोधपुर से लिया? सेम स्टेट में है, हाँ, तो दो टैक्स लगेंगे। बता चुका हूं ना, सेम स्टेट में दो टैक्स लगते हैं। तो आपने जब चीज खरीदते हो तो आप टैक्स लगाओगे इनपुट कौन सा? दो टैक्स, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, दो टैक्स लगेंगे, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। सर ये दोनों को आप डेबिट क्यों करोगे? देखो, खर्चा मान लो, खर्चा मान लो, और अगर आपको एसेट, मैंने आपको कहा था इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों मेरे एसेट है, या तो खर्चा मानो या एसेट मानो, दोनों केस के अंदर मेरा रूल क्या अप्लाई होता है? मेरा डेबिट इंक्रीज हो रहा है, मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है या मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा। तो ये इनपुट मैं एसेट मान रहा हूं अभी, तो मैंने क्या किया? 100 रुपए का सामान लिया। ओके, टैक्स कितना लगा? 18%, पर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। 100 रुपए पे 18%, 18 रुपए उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, 9 और 9। तो इनपुट जब मैं खरीदता हूं तो इनपुट, और अगर मैंने पैसा पे कर दिया है तो टू बैंक, और अगर मैंने पैसा पे नहीं किया है तो टू क्रेडिटर, अगर मैंने पैसा पे नहीं किया 118। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पे करना है, अगर मैंने पैसा पे कर दिया तो मेरा बैंक अकाउंट चला गया तो क्रेडिट, और अगर मैंने पैसा पे नहीं किया तो मुझे टू क्रेडिटर, मुझे लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये मिला। क्लियर है? दोनों केस में क्रेडिट ही होगा, अगर मैंने पैसा दे दिया या दे दिया, कंसेप्ट समझ में आया? अगर मैंने सेम स्टेट में नहीं किया तो मैंने दूसरे स्टेट में, जयपुर का माल मैंने मुंबई से खरीदा, मैंने कहा मुंबई की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, वहां से खरीदता हूं, तो भी एंट्री क्या होगी भैया? परचेज और डेबिट होगी। और एक ध्यान रखना, ये बात गांठ बांध लो, परचेज और सेल्स में कभी भी जीएसटी नहीं आता है,
तो मैंने 100 का खरीदा। अच्छा तो भैया ये इनपुट कितना, अब बताओ सेम स्टेट के अंदर हुआ, ओके नहीं अलग स्टेट में, जयपुर का माल मुंबई में, तो यहाँ पे ओहो मतलब मैंने मुंबई से माल खरीदा, दो अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो मेरा लग जाएगा IGST और इनपुट क्या लग जाएगा, हो सर गजब बताया आपने, IGST और कितना लगेगा, अरे एक ही टैक्स है ना, तो 18% लगेगा, टैक्स दोनों में 18% ही लगेगा, और मैंने अगर पे कर दिया तो टू बैंक, और अगर नहीं पे किया तो क्रेडिटर 118 रुपये। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपने सेम स्टेट में खरीदा तो दो टैक्स लगेंगे, 9 और 9, और दोनों को डेबिट कर रहा हूं, और अगर सेम स्टेट में नहीं अलग स्टेट में है तो यहां पे अलग टैक्स लगेगा, इनपुट IGST 18, दोनों में 18 लग रहा है, देखो दोनों में 118 पे करने हैं, पर यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, और रूल क्या है, परचेज और सेल्स कभी भी GST के एक्सक्लूडिंग ही होते हैं, कभी भी मिक्स मत करना, परचेज में कभी भी 118 मत डाल देना, तो रूल ध्यान रखोगे, परचेज और सेल्स में कभी भी टैक्स नहीं आएगा, कभी भी टैक्स नहीं आएगा, ओके फर। अब मैं करूंगा परचेज रिटर्न, अब मैं क्या कर रहा हूं, परचेज रिटर्न, चलो मैंने परचेज रिटर्न किया, तो हो मैंने सपोज करो ये सामान वापस कर दिया, 100 रुपए का सामान वापस कर लिया 18 रुपए, तो जब मैं सामान वापिस करता हूं तो मेरा परचेज रिटर्न होता है, हाँ, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, आपको मैं बता चुका हूं, जब मैं खरीदता हूं तो मेरा खर्चा होता है, और जब मैं वापिस देता हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और मैं अकाउंट यूज करता हूं टू परचेज रिटर्न, हाँ सर, हाँ आपने बताया था, और अगर आपको ये नहीं आता प्लीज मेरा जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज देखो, और वहां पे बच्चे एक्सपर्ट बन चुके हैं जनरल एंट्री के अंदर, परचेज रिटर्न ध्यान रखना 100 रुपए में ही होगा, 100 रुपए में ही होगा भाई साहब, कभी भी परचेज या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में कभी भी GST नहीं आएगा। अच्छा तो परचेज रिटर्न हो गया, जहां परचेज वहीं कहा वहां पे ही इनपुट GST, ये मेरा इनपुट जो CGST है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, जब मैं कोई चीज वापस करता हूं तो भैया मैंने जब लिया था तब मैंने टैक्स को एसेट माना था, अब मैं उसको वापिस कर रहा हूं तो टैक्स को वापिस रिवर्स करना पड़ेगा, तो टू इनपुट सेम स्टेट में है CGST टू इनपुट FGST कितना है भाई साहब, 9 और 9 रुपए, और मुझे क्रेडिटर से पैसा, अगर उसने मुझे पैसा दे दिया बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मुझे उससे 118 रुपए लेने हैं, क्लियर है, मतलब परचेज करूंगा तो परचेज के साथ दो टैक्स आएंगे, परचेज रिटर्न करूंगा तो दो उसके बाद दो टैक्स आएंगे, वापस रिवर्स कर रहा हूं, टू इनपुट CGST टू इनपुट FGST, ध्यान रखना सी और एफ, क्लियर है, समझ में आया, रिवर्स कर रहा हूं, पर रिवर्स क्यों कर रहा हूं, अरे सामान वापस दे रहा हूं, पहले एसेट माना भाई, मैंने टैक्स को एसेट माना, जब मैं सामान वापस कर दिया तो टैक्स का एसेट रिवर्स होगा ना, टैक्स क्रेडिट हो जाएगा ना, ओके परफॉर्म आया, और सेम यहां पे आप करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सेम यहां पे एक ही टैक्स आएगा, क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न 100 रुपीज ही आएगा, और यहां पे इनपुट IGST आएगा 18 रुपए और 18 रुपए, यहां पे एक टैक्स आएगा, यहां पे दो टैक्स आएगा, फर्क तो अकाउंटिंग दोनों में सेम है, पर यहां पे एक आएगा बिकॉज दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, चलो अगर क्लियर हुआ तो अब आगे बताओ, मैंने फिक्स एसेट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, तो उस पर भी तो टैक्स मिलता है भाई साहब, हाँ मिलता है ना सर, उस पर भी टैक्स मिलता है, तो उसमें क्या एंट्री करेंगे, उसमें भी हम वही एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, सेम एंट्री होगी, जब मैं कोई फिक्स एसेट खरीदता हूँ तो एंट्री क्या करता हूँ, अरे भैया 100 रुपए का माल लिया 18 रुपए का, तो सपोज करो 100 रुपए का माल लिया तो मैं परचेज, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूँ, सपोज करो मैंने व्हीकल खरीद लिया या फिर मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट करता हूँ, हाँ अरे परचेव अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, कौन बोला परचेव अकाउंट डेबिट होगा, कौन बोला, अरे भाई आपने जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज नहीं देखी थी क्या, जब मैं कोई अपना गुड्स खरीदता हूँ, पेन का प्लास्टिक, पेन का नेप, पेन का कलर, वो मेरा परचेज में जाएगा, मैं पेन बनाने के लिए मशीनरी परचेज में नहीं जाएगा, पेन बनाने के लिए लैंड वो परचेज में नहीं जाएगा, पेन बनाने के लिए फर्नीचर वो मशीनरी में नहीं जाएगा, वो मेरा परचेज में नहीं जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट फॉर्म, और मशीनरी खरीदी भाई साहब टैक्स भी तो पे किया 18%, हाँ तो सेम टैक्स यही होगा आपका इनपुट CGST,
और आपका इनपुट, बस वो तो सेम ही रहेगा। अरे क्या है भाई, 9, 9 और 9, और अगर मैंने कैश पे कर दिया तो 118 रुपये। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने मशीनरी खरीदी, यहाँ तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप समझ जाओगे। यहाँ पे एक ही टैक्स आएगा, टैक्स एक ही आएगा, IGFT और 2 कैश, 118 रुपये। क्लियर है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 1, 2, 3, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा खर्चा करूंगा। अरे भाई खर्चा करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, ये देखो सेम स्टेट में है, ये सेम स्टेट में है, मैंने आपको लिखा हुआ है सेम स्टेट के अंदर जयपुर का माल लिख देता हूं, जयपुर का माल जोधपुर, ठीक है। और ये है आपका, ये है आपका क्या कहते हैं, इंटर स्टेट का मतलब हो गया आपका जयपुर, मैंने जयपुर और मुंबई, लेट सपोज, ठीक है ना। चलो मैं मुंबई रह चुका हूँ 10 साल, ठीक है ना। ओके, मुझे पता है कैसा स्टेट है वो, कैसा सिटी है। ओके एक्सपेंस, अच्छा अब एक्सपेंस का क्या करेंगे, अरे खर्चा हो गया यार, कोई भी मैंने खर्चा किया, सपोज करो मैंने खर्चा किया 100 रुपये का, 100 रुपये का खर्चा, हाँ 100 रुपये का खर्चा किया तो 100 रुपये का खर्चा हो गया, हाँ, और 18% GST, तो एंट्री क्या करूँगा, फिर मैं एंट्री करूँगा, एक मिनट, एंट्री करूँगा खर्चा, अरे भाई खर्चा हुआ, सपोज करो कोई भी खर्चा है तो 100 रुपये, सपोज करो मेरा खर्चा हो गया रेंटल खर्चा, या मैंने कोई टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया उसका खर्चा, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, जो भी एक्सपेंस डेबिट करेंगे उस पर टैक्स भी तो लगेगा, तो सेम लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट, दोनों मेरे खर्चे हैं ना, हाँ, तो 100 रुपये, 9 रुपये, 9 रुपये, और अगर मैंने खर्चा पे कर दिया तो 118 रुपये। बेसिकली जहाँ पे खर्चा डेबिट होगा, जहाँ पे परचेज डेबिट होगा, जहाँ पे मशीनरी डेबिट होगा, वहीं टैक्स आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैंने खर्चा इंटर स्टेट में किया, मैंने मुंबई का बिल, मुंबई का है जो बिल है वो मैंने यहाँ पे, मैंने जयपुर में हुआ, मुंबई से मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटर स्टेट लग जाएगा। ओहो, इनपुट, मैंने कोई चीज़ खरीदी और इनपुट CGST, सॉरी, इनपुट, दो टैक्स लगेंगे, कौन से, इनपुट IGFT, 2 कैश, कितना है सर, 100 रुपये और आपका 18 रुपये और 118 रुपये। यहाँ पे एक टैक्स लग रहा है, यहाँ पे दो टैक्स लग रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। खर्चा, जहाँ खर्चा, खर्चे में कभी भी टैक्स नहीं आएगा, परचेज में टैक्स नहीं आएगा, टैक्स की अकाउंटिंग हमेशा अलग होगी, या तो उसको आप खर्चा मानोगे या आप उसको एसेट मानोगे, दोनों केस में ये डेबिट होगा। ओके, समझ में आया। चलो अब आया बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, गुड विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको ये बता दिया परचेज, अब मैं आपको बता रहा हूँ गुड विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। जब गुड विड्रॉ करते हैं तो आपको याद है कि मैंने जनरल एंट्री क्या करता था, देखो जीएसटी में आपको जनरल एंट्री आनी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आती तो आपको फिर ना वो अकाउंटिंग कैसे करोगे, रूल्स तो आपको आने चाहिए ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक दिया हुआ है जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज का, तो वो देख लेना। ओके, तो फिर एक बात बताओ, गुड विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ये क्या होता है, गुड विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर मतलब गुड्स लेके चला गया, जब गुड्स लेके चला गया तो मेरा ड्रॉइंग डेबिट होता है या नहीं होता, सर नहीं पता, अरे भैया कितनी बार बोला, जब मेरा, मैं हूँ बिजनेस, मेरा सामान मेरा मालिक ही लेके चला गया, तो भैया मालिक और मैं अलग अलग एंटिटी हूँ, मालिक और मैं अलग अलग एंटिटी हूँ, मैं बिजनेस बोलेगा मालिक तू मेरा सामान लेके गया, मैं तेरे से सामान वापस लूँगा, तो मैं मालिक से पैसे लूँगा, जब मुझे किसी अपने मालिक अपने ओनर से पैसे लेने होते हैं तो वो होता है ड्रॉइंग अकाउंट, और मेरा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्यों होगा, अरे भाई मेरे को पैसे लेने हैं उससे, तो या तो एसेट मानो लेने हैं, या मानो कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है या डेबिट, दोनों केस में डेबिट होगा, या तो आप ये सोचो कि मुझे ओनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट होगा, एसेट है किसी से पैसे लेने हैं डेबिट ही होता है, और उसको हम अकाउंट क्या ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट, और यहाँ पे आपको ड्रॉइंग की एंट्री आनी बहुत जरूरी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना, सर एक मिनट रुको, वो क्या लेके गया, सामान, जब वो कोई सामान लेके जाता है तो मैं परचेज अकाउंट करता हूं, आपको याद है ना, याद है ना, यहां पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है,
अगर आपने जर्नल एंट्री ठीक से नहीं किया है। तो मैं आपको वापस बता देता हूं, जब मेरा कोई ओनर सामान लेके जाता है तो मैं परचेस को क्रेडिट करता हूं, मैं कभी भी कैश को क्रेडिट नहीं करता हूं। सामान लेके गया, गुड्स लेके गया, तो जब वो गुड्स लेके जाएगा तो बट ऑब्वियस कॉस्ट पे लेके जाएगा। मैं ये पेन बनाता हूं 10 रुपए में, मार्केट में बेचता हूं 12 रुपए में, मालिक को, मेरे ओनर को ये पेन अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो मैंने कहा ये ले 10 रुपए का पेन, ये ले 10 रुपए का पेन, मैं इसको 12 में बेचूंगा। अपने मालिक को ही मैं 12 में थोड़ी बेचूंगा यार, उसको तो यार कॉस्ट पे बेचूंगा ना। आपकी मिठाई की दुकान है, 400 रुपए किलो बाजार में मार्केट में बेचते हो, घर पे फंक्शन आया तो घर पे 100 जो आपकी कॉस्टिंग आती है, सब करो 100 रुपए की मिठाई बनाते हो तो 100 रुपए लगाओगे ना, 400 में थोड़ी बेचोगे। बस यही कंसेप्ट यहां लगाना है, जब मैं कोई सामान अपने ओनर को बेचता हूं देता हूं तो मैं टू सेल्स नहीं करता, सेल्स नॉर्मली मार्केट प्राइस पे होता है, परचेस हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसमें परचेस को क्रेडिट कर रहा हूं, सर परचेस वो क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज वो मेरा सामान लेके जा रहा है, तो जब मेरा सामान जाता है तो मेरा सामान, मेरा एफर्ट कम हो रहा है, मेरा एफर्ट कम हो रहा है, पर वो एफर्ट कौन सा कम हो रहा है, परचेस कम हो रहा है, या मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, परचेस। और जहां परचेस आएगा वहां पे उसके साथी आएंगे, टॉम एंड जेरी साथी, या टॉम एंड जेरी एंट्री आएगा या आएगा, इनपुट, जहां टॉम वहां पे जेरी, CGFT 2 इनपुट, जहां पे वो वहां पे वो, ओके, 9 और 9, और मैं 118 रुपए लूंगा। जब भी मैं कोई सामान मेरा ओनर लेके जाता है तो 2 परचेज होगा, और जहां परचेज आ गया वहां पे टैक्स भी आएगा। यहां पे परचेज डेबिट हो रहा था, यहां परचेज डेबिट हो रहा था तो यहां टैक्स आया, डेबिट हुआ। यहां परचेज क्रेडिट हो रहा है, एंट्री तो आती है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री तो आपको आती है ना। देखो ये एंट्री नहीं आती तो नीचे लिंक दिया हुआ है, सर्च कर लेना, एंट्री फॉर द ड्रॉइंग लिंक दिया हुआ है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 15-20 मिनट का लेक्चर के अंदर, वहां पे कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जब मैं कोई सामान ओनर लेके जाता है, मुझे ओनर से सामान लेना है, पैसा लेना है उससे, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट एसेट बन गया, और वो सामान लेके गया तो नॉर्मली मैं टू सेल्स करना चाहिए, पर मैं अपने ओनर को यार कॉस्ट पे दूंगा, यार मेरा मालिक है उसको मैं कॉस्ट पे दूंगा। जब मैं कॉस्ट पे देता हूं तो मेरा परचेज अकाउंट आता है, तो टू परचेज अकाउंट, और इनपुट CGFT दोनों के दोनों साथ में आएंगे, बिकॉज सेम स्टेट के अंदर है। और अगर ओनर सामान बाहर लेके गया, वो ओनर बाहर रहता है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, वही यार एंट्री फॉर, ये तो फॉर हम बच्चों वाली एंट्री है, और कुकी फॉर, आपने परचेज तो क्रेडिट करोगे फो, और यहां पे आप इनपुट IGFT लगा दोगे, यहां पे आप इनपुट IGFT लगा दोगे 18%। क्लियर है, नहीं क्लियर है, यहां पे 2 टैक्स, यहां पे 1 टैक्स, यहां पे 2 टैक्स, यहां पे 1 टैक्स, बस फर्क इतना ही है, जहां परचेज वहां टैक्स, जहां परचेज रिटर्न वहां टैक्स। बस आपको कंसेप्ट क्या याद रखना, जहां परचेज होगा वहीं तो टैक्स होगा, जहां खर्चा होगा वहीं टैक्स होगा, परचेज डेबिट होगा तो खर्चा टैक्स डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा तो टैक्स क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो टैक्स भी क्रेडिट होगा। ओके, हाँ, गुड्स गिवन, ये वाला हो गया, कौन कौन से हो गए मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ना, हाँ ये भी हो गया। ओके, गुड्स गिवन एट द फ्री सैंपल, गुड, सेम एंट्री, गुड्स गिवन एट द फ्री सैंपल, सेम स्टेट में हो रहा है, जयपुर जोधपुर सेम स्टेट में है, तो वही होगा। गुड्स गिवन एफ द फ्री सैंपल, किसको दिया मैंने, 2 परचेज होगा या 2 क्रेडिट होगा, मुझे बताओ, 2 परचेज होगा या 2 क्रेडिट होगा, जब मैं फ्री सैंपल, देखो मैंने यहां पे क्या बताया, यहां पे जब मैंने परचेज किया तो क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट किया, परचेज अकाउंट क्या किया, डेबिट किया। अब अगर मैं सपोज करो किसी को फ्री सैंपल दे रहा हूं, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा, क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल और लॉस ऑफ द गुड। तो सपोज करो अगर मान लो मेरा फ्री सैंपल हुआ तो मैं आपको बता चुका हूं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेज हो गया है, आपको बता चुका हूं 2 परचेज अकाउंट। एक बात बताओ सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्या बात करते हो यार, जनरल एंट्री में समझाया था, मैं ये फ्री सैंपल की बात कर रहा हूं, अगर मैंने ये किसी को मेरा नुकसान हो तो लॉस बाय थेफ्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा या लॉस बाय थेफ्ट होगा, दोनों केस में सुनो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, मैं किसी को फ्री सैंपल क्यों देता हूं, मैं ये पेन बना रहा हूं, मैंने कहा यार कोई खरीद नहीं रहा, मैं मॉल में गया, सब बच्चों को पेन बांटा, या बच्चे पेन यूज करो फ्री में, फ्री, तो भाई साहब फ्री में दिया, मैं फ्री में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको फ्री में देना इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप यूज करोगे, कल मेरा माल खरीदोगे, तो इनडायरेक्टली मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एडवर्टाइजमेंट, मेरा खर्चा हो रहा है, और जब मैं, मेरा सामान तो जा रहा है,
जब मेरा सामान जाता है तो टू परचेज होता है ना, एंट्री याद नहीं क्या? एंट्री सर्च करो, नीचे लिंक दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, मैंने लिंक दिया हुआ जनरल सीरीज में, लिखो एडवर्टाइजमेंट का, वो वीडियो देख लेना। टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट खर्चा हो रहा है। मैं किसी को फ्री में सैंपल दे रहा हूं तो मेरा खर्चा एडवर्टाइजमेंट का, ओके खर्चा कितने का सामान दिया मैंने सर? 100 रुपए का सामान दिया, उस पर टैक्स कितना लग गया सर? इनपुट सीजीएसटी 9 रुपए, टू इनपुट एसजीएसटी 9 रुपए। जब मैं परचेज करता हूं तब हमेशा इनपुट ही आता है, परचेज रिटर्न में भी इनपुट आएगा, ड्राइंग परचेज और परचेज रिटर्न में हमेशा इनपुट आएगा, आउटपुट मत डाल देना। मैं बेच नहीं रहा हूं, अब आपको लग रहा होगा फिर यहां पे मैं ड्राइंग अकाउंट में मैं उसको बेच रहा हूं, नहीं ये मैं रिवर्स कर रहा हूं, ये मैं रिवर्स कर रहा हूं एंट्री जो मैंने परचेज की थी ना, जब मैंने तब मैंने ये इनपुट डेबिट किया था, जब मैं परचेज रिटर्न जब मैं कोई सामान वापस लेकर आया तो मैं इसको रिवर्स करता हूं, इसको आउटपुट मत मान लेना, डोंट से आउटपुट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर मैं सामान बेच रहा हूं ना आउटपुट होगा, नहीं सामान बेच नहीं रहा हूं, सामान अपने ओनर को दे रहा हूं फ्री, उसको एट कॉस्ट दे रहा हूं तो रिवर्स करूंगा, इनपुट सीजीएफटी ना इनपुट एसजीएफटी। सिमिलरली यहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा? बिकॉज मैं सामान फ्री में फ्री दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, मेरा खर्चा नुकसान कितना हुआ 118 का, क्योंकि जब मैंने खर्चा किया था मेरा, मैंने परचेज डेबिट किया था 100 से, जब मैं सामान वापस जाता परचेज क्रेडिट कर रहा हूं 100 से, और जहां परचेज वहां पे टॉम एंड जेरी एंट्री इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एसजीएफटी 9 रुपए 118। और सिमिलरली ये भी एंट्री आपको आ गई होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा और टू इनपुट आईजीएफटी 118 118। अगर दूसरे स्टेट के अंदर मैं सैंपल दे रहा हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, मैंने मुंबई में सैंपल दिया तो भैया अलग स्टेट हो गया, इन्वॉल्व हो गया, क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैंने गलत लिखा हुआ है, ये ड्राइंग अकाउंट नहीं होगा, ये होगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है ना? इसको ठीक कर लेना, मैं आपको दे दूं जो आपको नोट्स दूंगा ना, नोट्स आपने ज्वाइन किया नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट। और अगर मैंने फ्री सैंपल मैंने अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है तो मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, जो भी मैं एंट्री करूंगा, क्लियर है? समझ में आया? चलो ये हो गया, अब मैं सेल्स की एंट्री करूं या नहीं करूं, सो लेट्स नाउ डू द अकाउंटिंग फॉर सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, तो स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी अकाउंटिंग ऑन द सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तब हम अकाउंटिंग क्या करेंगे, तो ये रहा, या तो मैं सामान बेचूंगा या मेरा सामान वापिस आएगा, बेचा हुआ सामान वापिस आएगा या मेरी कोई अदर इनकम होगी, दोनों तीनों केस में मेरी इनकम हो रही है, ओके तो मैं एंट्री क्या करूंगा, चलो सेल ऑफ द गुड। जब मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूं क्या? हाँ फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लो, चलो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है विद इन स्टेट का मतलब होता है मैं सामान जयपुर का माल लेट सपोज जोधपुर में बेच रहा हूं, या सपोज करो जयपुर का माल मैं उदयपुर में बेच रहा हूं या जयपुर में बेच रहा हूं, और एक हो गया आपका इंटर स्टेट मतलब जयपुर का जो माल है मैं बेच रहा हूं मुंबई में, ठीक है ना, कोई भी आप स्टेट मान लो मुंबई में, तो मैं क्या करूंगा, ओके देखो जब मैं सेल्स करता हूं नॉर्मल एंट्री क्या करता हूं, जब मैं किसी को सेल्स करता हूं मैंने सपोज करो 100 रुपए का सेल्स किया और उस पर 18% जीएसटी है, जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो एंट्री क्या करता हूं सर? एक मिनट, जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करता हूं, हाँ तो यही एंट्री करनी है आपको, बैंक टू सेल्स ही करनी है, हाँ कितने का माल आपने कस्टमर को बेचा, ये कैलकुलेटर मैंने कस्टमर को 100 रुपए प्लस जीएसटी में बेचा तो इसका मतलब है कि 118 रुपए कस्टमर देगा, हाँ 118 देगा, तो मतलब मेरे पास कस्टमर से या तो बैंक अकाउंट होगा या फिर डेटर अकाउंट होगा, दोनों केस में मुझे 118 ही होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट जितने पे मैंने बेचा उतने पे होगा, मैंने माल 100 में बेचा ना तो 100 में होगा, माल 1000 में बेचूंगा 1000 में, कभी भी सेल्स में जीएसटी नहीं आएगा, परचेज में और सेल्स में कभी भी जीएसटी मत डाल देना मेरे भाई, ओके तो टू सेल्स हो। अच्छा सेम स्टेट में है क्या? हाँ सर सेम स्टेट में है, तो इनपुट जीएसटी नहीं आएगा, जब मैं कोई सामान बेचता हूं तो आउटपुट आता है, जब मैं कोई सामान बेचता हूं तो क्या आता है, आउटपुट आता है, तो यहां लिखूंगा टू आउटपुट,
आउटपुट, और दो टैक्स लगेंगे, आपको पता चला ही होगा, मैं आपको बता चुका हूं, अगर सेम में है तो एफ जी एफ टी, ₹9 18% टैक्स है तो दो टैक्स में, बिकॉज जोधपुर का माल जयपुर, जयपुर जोधपुर सेम स्टेट में है। तो ध्यान रखना, जब मैं सामान सेम स्टेट में बेचता हूं तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमेशा सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी आएगा, टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट आउटपुट, आउटपुट आएगा आउटपुट, जब मैं सामान बेचता हूं तो आउटपुट, जब मैं सामान खरीदता हूं तो इनपुट, खरीदूंगा तो इनपुट, बेचूंगा तो आउटपुट, इनपुट याद क्या करना, खरीदा इनपुट, बेचा तो आउटपुट, ओके। और अगर मैंने मुंबई बेचा तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट ओके टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी सेम ही रहेगा ना यार, एक ही टैक्स लगेगा वहां पे, 18% टैक्स लगेगा, ₹100 का माल बेचा 18 और ₹118 में लूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, दोनों केस में आपका पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके चलो। अगर ये हो गया तो मैं अब आपको दूसरा बताऊं, चलो अब अगर यहाँ पे मैंने सामान वापस कर दिया ₹100 का 18, जब मैं सामान वापस करता हूँ तो मेरी एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होती है, यही एंट्री होती है ना, हाँ सर, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, हाँ यार, जब मैं सामान बेचता हूँ तो मेरी एंट्री क्या होती है, सेल्स कहाँ गया, हाँ जब मैं सामान बेचता हूँ तो मेरी एंट्री क्या होती है, जब मैं बेचता हूँ तो इनकम हो रही है क्रेडिट, जब मेरा कोई सामान वापस कर रहा है, ओहो मैंने किसी को पेन बेचा, उसने कहा पेन अच्छी क्वालिटी का नहीं, वापस कर दिया तो मेरी इनकम कम हो रही है तो डेबिट होगा, और डेबिट क्या करता हूँ मैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करता हूँ, ओके। जहाँ पे ध्यान रखना, सेल्स अगर डेबिट या क्रेडिट, जितने भी डेबिट होगा जीएसटी कभी भी नहीं आएगा, 100 का वापस किया सामान, और जहाँ पे सेल्स वहाँ पे आउटपुट, और ये आउटपुट भाई सेल्स के अंदर आउटपुट लगा होगा ना पहले, तो आउटपुट और आउटपुट दोनों जो भी सेम स्टेट में है ₹9, और अगर आपने उसको पैसा दे दिया ठीक है, वरना डेटर या फिर आपने उसको पैसा दे दिया तो ₹118। क्लियर है, डेटर क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज पहले जब मैंने डेबिट किया था तो मैंने डेटर डेबिट किया था, मैं उसको क्रेडिट करूंगा डेबिट या फिर कैश, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो। पर ध्यान रखना भाई साहब कि आपका सेल्स रिटर्न जहां पे आएगा वहीं टैक्स आएगा, और सेल्स के अंदर हमेशा मैं आउटपुट यूज करता हूं, बिकॉज जब मेरा सेल्स किया था तब मैंने आउटपुट किया था, तो सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट ही यूज करूंगा। सिमिलरली यहां पे क्या करूंगा सर, सेल्स रिटर्न डेबिट करूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट करूंगा और आउटपुट आईजीएसटी डेबिट करूंगा, और टू कैश करूंगा या डेटर करूंगा, जो भी मैं करूंगा, ₹100, ₹118। नेवर राइट कि आपको सेल्स या परचेज में कभी भी क्या है जीएसटी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये बात तो आपको ध्यान रहेगी नहीं रहेगी, हाँ फिर ध्यान रहेगी, ओके। और हमेशा सेल्स जहाँ होगा वहाँ आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा। सिमिलरली इनकम हुई, आपकी इनकम हुई, सपोज करो आपकी इनकम कैश में हुई, ओके आपकी इनकम कुछ भी हुई, सपोज कोई भी इनकम हुई, कमीशन इनकम हो गई या कोई भी इनकम हो गई, तो टू इनकम अकाउंट, तो आपकी इनकम हुई लेट सपोज ₹100, आपने 18% जीएसटी भी तो लिया होगा, आपकी इनकम हुई ₹100, आपने 18% जीएसटी भी तो लिया होगा, तो 100 + 18, ओहो जब इनकम जहां पे इनकम आएगी वहां पे आएगा, और जब आपको इनकम, जब आपको सेल्स होती है या आप वो होता है, तो आपको आप कस्टमर से अमाउंट कलेक्ट करते हो टैक्स का जो आपको गवर्नमेंट में देना है, तो आपका हमेशा आउटपुट आएगा, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट, ठीक है ना, एफजीएसटी, तो ₹100, ₹9, ₹118। सिमिलरली यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, इनकम हुई है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है ₹100, और टू इनपुट सॉरी आउटपुट, टू आउटपुट आईजीएसटी ₹18। समझ में आया, तो ध्यान रखना सेल्स में आउटपुट होता है, सेल्स रिटर्न में आउटपुट होता है, जहां पे सेल वहां पे टैक्स, जहां पे सेल्स रिटर्न वहां पे टैक्स, जहां पे इनकम वहां पे भी आउटपुट, जहां पे इनकम वहां पे आउटपुट। परचेज के केस में मैं आपको बता चुका हूं, सेल्स में जहां पे फेल वहां पे आउटपुट, 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 जहां पे इनकम वहां पे आउटपुट, वहां पे आउटपुट, और जब आपकी परचेज होती है तो जहां परचेज वहां इनपुट, जहां परचेज वहां इनपुट, जहां परचेज रिटर्न वहां इनपुट, अगर परचेज इनपुट रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट भी क्रेडिट ही होगा, परचेज में इनपुट होता है, सेल्स में आउटपुट होता है, और इनकम में भी आउटपुट होता है। कंसेप्ट में आया, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट,
अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि मैंने भैया सेम स्टेट में बेचा है या अदर स्टेट में बेचा है, तो मैं एज्यूम करूंगा भैया मैं अपनी स्टेट में ही काम कर रहा हूं। मतलब अगर मैं राजस्थान में हूं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि भैया माल राजस्थान में बेचा या मुंबई में बेचा, तो आप एज्यूम करोगे यार राजस्थान का है ना, राजस्थान में बेचा होगा ना मुंबई का माल, मुंबई में मुंबई का माल, दिल्ली में बेचा होगा, तो यही आप एज्यूम करोगे। यू विल नॉट एज्यूम कि मैं मुंबई का माल सॉरी जयपुर का माल मुंबई में बेचा, नहीं, आप जयपुर का माल जयपुर ही एज्यूम करोगे अगर आप जयपुर में हो तो। सेम स्टेट इफ द लेट एज्यूम द सेम इज विद इन द स्टेट। ओके चलो, अगर ये हुआ तो एक फटाफट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका इस कंसेप्ट पे होल्ड जबरदस्त आ जाए। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। पास द एंट्री इन द बुक ऑफ राहुल एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द महाराष्ट्र। लो भाई वो बोलता है राहुल भी महाराष्ट्र में है और सब महाराष्ट्र में। अभी मैंने जयपुर का एग्जांपल, वो तो मेरा एग्जांपल था, अब क्वेश्चन पे अपन जाओ। बोलता है ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन है महाराष्ट्र में हुआ, मतलब वो राहुल भी महाराष्ट्र में रहता है और उसने सारी जो डीलिंग है मुंबई का माल थाने में, मुंबई का माल पुणे में, मुंबई का माल मुंबई में, उसने मुंबई में ही किया हुआ है, तो इसका मतलब है IGFT इसमें आएगा ही नहीं, फिर CGFT और SGFT ही आएगा। ओके, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नेहा। ओके चलो मुझे बताओ 4 जनवरी का, अरे भाई जब मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट करता हूँ, कितने का लिया 30,000 का, 30,000 का। जब मैं परचेज करता हूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ इनपुट CGFT आएगा और आपका इनपुट SGFT आएगा। क्यों सर महाराष्ट्र में? अरे भाई राहुल भी महाराष्ट्र में, कहाँ लिखा हुआ है? लिखा ना विद इन महाराष्ट्र, ऑल द ट्रांजेक्शन मतलब महाराष्ट्र में ही, विद इन महाराष्ट्र मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र में हुई है, मतलब राहुल भी महाराष्ट्र में ही होगा ना, तो इसका मतलब दो टैक्स लगेंगे आपके इनपुट CGFT एंड इनपुट SGFT। क्या टैक्स है? 6% assuming CGFT है, 6% है, मतलब 6% ऑफ 30,000 कितना होता है 1800, 6% ऑफ 30,000 कितना होता है 1800। और 2 मैंने क्रेडिट पे किया तो भैया मुझे नेहा को पे करने हैं तो 33,600, 1800 कितने होते हैं 3600, तो 33,600 मुझे नेहा को पे करने हैं, नेहा मेरी लाइबिलिटी, मुझे नेहा को पे करने हैं 33,600 मेरी लाइबिलिटी है। अरे भूल गए क्या? लाइबिलिटी, अरे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी। ओके समझ में आ गया। ओके उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनवरी 14th को क्या लिखा हुआ है कि मैंने मशीनरी परचेज की ऑफिस यूज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मैं डेबिट करता हूं, कितने की मशीनरी ली 10,000 की, उस पे मेरा टैक्स लगा होगा, जब सेम लिखा हुआ है सेम CGFT और इनपुट SGFT कितना टैक्स लगेगा 6% ही लगेगा, तो 600 रुपये और मैंने क्या उसको मैंने चेक से पेमेंट दिया तो 2 बैंक। अब आप यहाँ पे ये मत एज्यूम करो कि मैं आपको ये बताऊंगा जनरल एंट्री करते कैसे हैं, वो आप मेरे से अच्छी तरह से जानते हो, क्यों? क्योंकि मैं आपको चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान रखना जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में आपको समझा चुका हूँ कि आपका मशीनरी क्या कहते हैं आपका जो टैक्स होगा जहाँ पे वहीं आएगा, और प्लस आप बैंक क्रेडिट क्यों करोगे, बिकॉज आपने बैंक से पेमेंट किया। ओके सोल्ड गुड्स वाया चेक, लो भाई मैंने सामान बेचा, मैंने 18 जनवरी को सामान बेचा, कितने का सामान बेचा भाई, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हाँ भाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके कितने का सामान बेचा, ओके रुको अभी एंट्री मत करो, 2 सेल्स, वो बोलता है आपने 80,000 का सामान बेचा, अरे भाई जब 80,000 का सामान बेचूंगा तो मेरा एक GST भी तो आएगा और सेल्स में आउटपुट आता है, परचेज में इनपुट, सेल्स में आउटपुट, और आउटपुट CGFT और आउटपुट SGFT, समझ में आया? सेल्स में आउटपुट और परचेज में इनपुट कितना है सर, 6% है, तो 6% लगेगा। ओके 80,000 का 6% कितना होता है सर, 4,800, तो 89,600, मेरा पैसा कितना आएगा, इतना आएगा, क्रेडिट में बेचा क्या मैंने, फोर गुड वाया चेक तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो रेंट ऑफ रुपीज पेड बाय द चेक, रेंट पे किया मैंने, क्या पे किया मैंने, रेंट पे किया, ठीक है ना, रेंट पे किया ना, कितना पे किया मैंने 20 जनवरी, जब मैं कोई खर्चा करता हूं तो रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, कितना पे किया भैया मैंने रेंट 40,000, अरे 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 कितने का, 4,000 का रेंट पे किया। अब मैं ना देखो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में फिर GST है तो मैं सब पे GST एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, रेंट पेड बाय द चेक तो इनपुट, अभी मैं सब पे GST एज्यूम कर रहा हूँ, CGFT इनपुट
SGST एज पर द न्यू रूल रेंटल पे भी टैक्स लगता है, कितना है 4000 पे 6% कितना हुआ सर 240 और आपने रेंट पे कर दिया क्या, चेक से पे किया, हाँ सर, तो टू बैंक कितना सर 4480 क्लियर है, इनपुट लगेगा ठीक है ना 20th January ओके okay, उसके बाद क्या है आपका 24th January क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ओह ओनर लेके चला गया गुड्स मेरा तो ओनर को डेबिट करूंगा, अरे भाई तू मेरा गुड्स कैसे लेके चला गया, ओनर लेके गया पर्सनल यूज के लिए, जब भी ओनर लेके जाता है तो तू मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ 400 कितना 4000 कितना अकाउंट जितना अमाउंट होता है ओके पर उसमें मैंने आपको बताया था जहां परचे वहां पे इनपुट आ जाएगा वहां पे टैक्स आ जाएगा तो टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST 6% 240 कितने का फॉर 4480 समझ में आया नहीं आया, मैंने गुड्स ओनर लेके गया पर्सनल यूज के लिए तो जब मैं ओनर लेके जाता है तो जनरल एंट्री में चैंपियनशिप सीरीज में क्या बताया था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है पर जहां परचेज आ गया वहां पे टैक्स आ जाएगा, परचेज में हमेशा इनपुट लगता है तो क्रेडिट भी इनपुट ही होगा, इनपुट IGFT और फॉर इनपुट CGFT और इनपुट SGFT 240 ठीक है ना, ये 6% उतना ही होता ना, हाँ उतना ही होता है। फिर कमीशन इनकम रिसीव, अरे भैया तो इसमें क्या बड़ी बात है यार, कमीशन इनकम मिल गई है हमें बहुत ही अच्छी बात है, 25 January रिसीव्ड हो गया ना चेक से मिली है तो बैंक टू कमीशन इनकम कितनी मिली है सर, कमीशन इनकम मिली है 5000 रुपए और जब मेरे को इनकम होती है इनकम में मुझे आउटपुट होता है, आपको भूल गए क्या, आउटपुट CGFT इनकम में आउटपुट होता है, एक्सपेंस में क्या होता है इनपुट होता है, 6% 6% ऑफ 5000 300 यहां पे हो जाएगा और मुझे 5600 रुपए आएंगे, अरे भैया लिखा हुआ है ना 6% है तो 6% ऑफ 300 हो जाए 5600 भाई, जहां पे कमीशन इनकम होगा वहां पे आउटपुट ही आएगा, तो ध्यान रखो वापिस रिपीट कर रहा हूं, परचेज जहां पे आएगा वहां इनपुट, जहां पे परचेज होगा वहां इनपुट, जहां सेल्स होगा वहां पे आउटपुट, जहां पे इनकम होगी वहां पे आउटपुट, जहां पे परचेज डेबिट तो इनपुट डेबिट, परचेज क्रेडिट तो इनपुट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट तो इनपुट क्रेडिट होगा, क्लियर है समझ में आ गया, परचेज के साथ इनपुट हमेशा आएगा, सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट जरूर आएगा और कमीशन के इनकम के साथ भी हमेशा आउटपुट जरूर आएगा, यानी बता दिया सेम स्टेट में है तो दो टैक्स लगेंगे CGFT और आपका ये खत्म हो गया, अब आपको भी सेटलमेंट नहीं करना होगा, आपको बाद में बताऊंगा सेटअप कैसे करेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया है, क्लियर है। तो अब आप तो चैंपियन बन गए हो या नहीं बन गए हो, किसके अंदर, इसके अंदर द अकाउंटिंग ऑन परचेज एंड सेल्स में, अभी सेट ऑफ नहीं बताया, सेट ऑफ अभी बताऊंगा ना आपको, इतना मजा आने वाला है ना सेट ऑफ में, तो वो अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ओके। तो अब मैं आप इसमें तो आप बन गए हो, अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अभी मैंने आपको बता दिया एक, ये दो तीन चार, ये मैंने आपको चारों डील कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब मैं स्टार्ट करूंगा GST ट्रीटमेंट ऑफ द कैश एंड द ट्रेड डिस्काउंट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट वी विल स्टार्ट विद द पार्ट 5 ऑफ दिस लेक्चर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फॉर कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पे जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें, पर मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल है, बिकॉज आप अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हो तो आपको तो इजी लगनी है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 5 कि भाई कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के केस में जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी। सो स्टूडेंट ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये रहा आपके लिए एग्जांपल। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैभव लिमिटेड जो जयपुर में है ओके, वो जयपुर रहता है, एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन राजस्थान में एंटर हुई है और रेट दे रखी है 6% रेट दे रखी है ओके, CGFT 6% FGST 6% मतलब 12% का मेरा ब्रैकेट है, आधा आधा 6% ओके, मतलब मैं जयपुर का माल या तो जयपुर उदयपुर जोधपुर में बेच रहा हूं, मतलब सेम स्टेट के अंदर। परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर समीर ओके उदयपुर एट अ लिफ्ट प्राइस ऑफ 1 lakh rupees ओके, ट्रेड डिस्काउंट 20% कैश डिस्काउंट 5% ऑन द परचेज ऑफ द गुड इज अलाउड, जीएसटी रेट आपकी 12% है, पूरा का पूरा मैंने पेमेंट चेक से दे दिया। ओहो
सर ये तो मेरा कंफ्यूजन पॉइंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, जीएसटी भी है, अरे सर ये तो मुश्किल है। अरे बहुत इजी है सिस्टमैटिक वे से, बस मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। इफ एंट्री में कोई भी एंट्री हो शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना, अपने को आराम आराम से करेंगे। अरे बहुत टाइम मिलता है एग्जाम में, अगर आप कितना भी आप ट्राई कर लो आपको बहुत टाइम मिलेगा। चलो आपने सामान कितने का लिया, सर मैंने 1,00,000 का सामान लिया, वो तो एमआरपी है, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी लिस्ट प्राइस, और ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, मैं आपको बता चुका हूं जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज के अंदर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो माइनस करना ही करना है, वो हर को मिलेगा। आप मोबाइल लेने गए एमआरपी 25,000 है, वो सबको 20,000 में दे रहा है, सबको दे रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 20% है तो 20% कितना हुआ 20,000, तो इसका मतलब है मैंने 80,000 का माल खरीदा, 80,000 का माल खरीदा, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ, तो दिस इज द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 1,00,000 का मेरा एमआरपी थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट सबको देता है, 1,00,000 माइनस 20,000 80,000 रुपए, ओके 80,000 रुपए। तो आपको मैंने जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में आपको मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, कि जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मैं परचेव अकाउंट करूंगा, जब मैं कोई सामान खरीदूंगा हाँ परचेव अकाउंट होगा, और परचेव अकाउंट हमेशा डेबिट किससे होता है, फॉर हमेशा परचेव अकाउंट डेबिट होता है विद द प्राइस आफ्टर पे ट्रेड डिस्काउंट, मैंने लिखा हुआ भी है शायद यहां पे, परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड विद द प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये पता है दो रूल होते हैं, परचेव हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है, और परचेव में कभी भी जीएसटी नहीं आता, परचेज में कभी भी जीएसटी नहीं आता, और परचेज में हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही पड़ता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ जर्नल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में, जिन्होंने नहीं देखी नीचे लिंक दिया हुआ देख लेना। तो परचेव अकाउंट तो भाई साहब कुछ भी हो जाए वो 80,000 से ही डेबिट होगा, क्लियर है। चलो ये तो बात बहुत सिंपल है। अच्छा, उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, पर जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ, अभी आप डिस्काउंट भूल जाओ, जीएसटी कितना लग रहा है देखो, इनपुट जब मैं परचेव करता हूं तो इनपुट सीजीएसटी, और सर आपका लगेगा इनपुट एसजीएसटी, ओके 6% लगेगा, हाँ 6% लगेगा, ओके। एक बात ध्यान रखो, हमेशा डिस्काउंट जो टैक्स होता है जीएसटी वो परचेज पे लगता है, जितना मैं परचेज को डेबिट करूंगा उतना मेरे को डिस्काउंट, उतना ही मुझे जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट कभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ, कितना जीएसटी रेट है 6% ऑफ 80,000 कितना होता है मेगा 5400 होता है, 80,000 नहीं 4800, तो 4800 कितना है सर 6%, ओके। तो 80,000 का 6% हाँ 4800, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, ओके। परचेज कितने का किया, इतने का, देखो ध्यान से करेंगे, ये इतने का, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सुनो, मैंने परचेज 1,00,000 का किया, हाँ अब मैंने पेमेंट कितना दिया, सब पूरा पेमेंट दे दिया, कितना पेमेंट दिया, मैंने पेमेंट इमीडिएटली दे दिया चेक से, ओके। हिसाब कितने का हुआ, हाँ हिसाब सब पूरा 80,000 दिस और दिस पूरे का हिसाब हो गया, मैं आपको हिसाब लिख रहा हूं यहाँ पे, जहां हिसाब कितने का हुआ सर 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 का हिसाब हो गया, रुको अभी एंट्री नहीं करनी है, तो 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 सर हिसाब 89,600 का हुआ, हिसाब 89,600 का हुआ, रुको इसका मतलब है मैंने किसी से सामान लिया, 1,00,000 का सामान था, 20% तो वो हर को देता है, अरे गहरे को भी देता है, तो वो मुझे भी मिल जाएगा, 80,000 हो गया, 80,000 में मेरे का गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 6% इनपुट 6% एसजीएसटी, बिकॉज सेम स्टेट में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हिसाब कितने का हुआ 89, अब वो बोलता है पूरा का पूरा मैं पेमेंट दे चुका हूं, मतलब मैंने जो सामान खरीदा पूरा पेमेंट दे दिया, अरे भाई जब मैं किसी को पूरा पेमेंट दूंगा तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर कौन सा मिल तो गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा 5% मिलेगा। अच्छा अब एक रूल बता देता हूं,
कैश डिस्काउंट हमेशा हमेशा परचेज या सेल्स पे मिलता है, कभी भी टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं आप डिस्काउंट दो, आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया ना उस पर जीएसटी का बेनिफिट मिल गया, आपका जीएसटी 80,000 पे लगा। कैश डिस्काउंट पे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, आपने परचेज किस पे डेबिट किया 80,000 पे, तो अब इस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं लगेगा। यू विल नेवर एवर गेट एनी डिस्काउंट ऑन द जीएसटी। मैंने शायद ये पॉइंट लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट इज नेवर गिवन ऑन द जीएसटी। याद बैठा दो कि जीएसटी पे कभी भी कैश डिस्काउंट लगता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा बिकॉज वो हर को मिलता है, पर कैश डिस्काउंट कभी भी जीएसटी पे नहीं लगे, जीएसटी पे नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आप कितना पेमेंट करो या नहीं करो, गवर्नमेंट ने बोला आपने खरीदा सामान आप टैक्स दे दो, बस उसके बाद आप दोनों हिसाब करते रहो, डिस्काउंट दो, बैड डेट करो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है पैसों से मतलब है। गवर्नमेंट ने कहा डिस्काउंट पे मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट तो बिकॉज वो सब पे दे रहा है, डीलिंग इस पे हो तो उस पे करेंगे। ओके, तो समझ में आया। तो अब मुझे बताओ मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा जब मैं किसी को पेमेंट देता हूं, तो मुझे डिस्काउंट मिलता है? हाँ, डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे? मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मैंने कितने का हिसाब किया, मैंने हिसाब इतने का किया, उसमें से वो बोलता है गवर्नमेंट ने कहा इस पे और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इन दोनों पे नो डिस्काउंट। ओके, तो इसका मतलब है मुझे मात्र 80,000 पे डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 80,000 पे डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 5% इंटू 5% इजिकल टू 400 रुपए, इजिकल टू 400 रुपए। 80,000 पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज मैंने पूरा हिसाब कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंट दे दिया। 80,000 पे कितना? 400 रुपए। बाकी का पैसा मुझे देना पड़ेगा। मुझे टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 5%। 5% कितना होता है? 4,000 होता है क्या? 10%? हाँ, 4,000 होता है। कितना होता है? 4,000। 80,000 का कितना होता है? 80,000 का 5% 4,000 रुपए। तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला? 4,000 रुपए। दैट्स इट, मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, बाकी का मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। मैंने चेक से पेमेंट दिया है तो मैं बैंक से पेमेंट दूंगा। मुझे पेमेंट कितना देना था? मुझे ये भी देना है, मुझे ये भी देना है, मुझे ये भी देना है, पर मुझे 4,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे पेमेंट 89,600 देना था, उसमें से मुझे 4,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे 85,600 हो गया, 85,600 हो गया। 89,600 माइनस 4,000, 85,600, और वो मैंने बैंक से पैसा दे दिया। वापिस समझा रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो मेरे ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करूँगा हमेशा, ठीक है, ये कर दिया। परचेज में कभी जीएसटी आता नहीं, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है। आफ्टर, ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है, बिफोर कैश डिस्काउंट है। ओके, टैक्स तो लगेगा, इस पे 6%, इस पे 6%। अब हिसाब की बार आई, मैंने पूरा हिसाब किया, आधा हिसाब किया, पर पूरा पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पूरा एक देव पूरा हिसाब किया। डिस्काउंट हमेशा इस पे मिलता है, इस पे कभी नहीं मिलता। जितने का मैं हिसाब करूंगा, मैंने हिसाब किया है, पूरे का हिसाब किया है, तो इसमें से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है जिसमें जीएसटी नहीं है? 80,000 में 5% डिस्काउंट मिलेगा, 4,000 रुपये। बाकी का मैं पेमेंट कर लूंगा। मुझे पेमेंट ये भी करना है, मैं जब कोई सामान खरीदा मुझे टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना, तो देव तीनों पेमेंट करना है, पर डिस्काउंट मुझे मात्र 4,000 मिला। बच्चों ने गलती का कि इस पे भी डिस्काउंट दे दिया, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं भैया डिस्काउंट से, गवर्नमेंट ने बोल दिया खरीद लिया अब आपने, अब डिस्काउंट तो आपका इंटरनल मैटर है। ओके, अब एंट्री करो। अरे फर इफ एंट्री में कितना? तो फर बहुत ईजी है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अरे परचेज अकाउंट फॉर हमेशा डेबिट होता है, खर्चा है। इनपुट सीजीएसटी भी तो डेबिट होता है, और ये भी डेबिट होता है। जहां परचेज वहां पे टैक्स एसेट बन रहा है, डेबिट एसेट बन रहा है, बढ़ रहा है। याद नहीं है क्या यार? परचेज डेबिट। ओके, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी हो गया। डिस्काउंट मुझे, जब मैं किसी को पेमेंट देता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है ना, मेरा फायदा है, ये मेरी इनकम है। इनकम हो रही है तो क्रेडिट, इनकम हो रही है क्रेडिट। सर इनकम कैसे? अरे यार, जब मैं किसी को पेमेंट देता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने सामान खरीदा, मुझे 5% डिस्काउंट मिला बिकॉज मैंने पैसा कैश में दिया, तो मुझे 400 डिस्काउंट मिलेगा। और फिर मैंने बैंक से उसको पैसा दिया, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंट्री हो गई। क्या एंट्री करनी है अब आपको? आपको क्या क्या डेबिट करना है? परचेज अकाउंट डेबिट, तो आपने एंट्री कर ली परचेज अकाउंट डेबिट। अरे फिर बड़ा ये है, फिर है इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एफजीएफटी। परचेज कितने का किया? फिर 80,000 का।
फिर आपको टैक्स कितना लग गया, 4800, आपने कितना पे किया सर, आपने आपको डिस्काउंट कितना मिला, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला मेरे लिए इनकम है, और इनकम कितने की है सर, 400 का डिस्काउंट, 4000 का डिस्काउंट मिला, ओके। बाकी का आपने क्या किया, आपने पेमेंट कर दिया, कितने का पेमेंट किया सर, 85,600 का। खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो टोटल मैच हो रहा है क्या, देखते हैं भैया, चलो ओ हो टोटल मैच हो रहा है। तो आपने पेमेंट कितना किया, कैश में पेमेंट किया, डिस्काउंट मिल गया, ये आपकी इनकम है और इनपुट होगा। कभी भी ध्यान रखना नो डिस्काउंट मैंने लिख दिया, देखो ये बात गांठ में बांध दो कि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कैश डिस्काउंट पे कभी भी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जीएसटी पे कभी नहीं मिलेगा, परचेज ऑलवेज डेबिटेड विद द प्राइस नेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज नेवर एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेज, ओके। चलो अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करें। अभी हम चार पॉइंट करने वाले हैं और आपको एक्सपर्ट होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बस एक मेरे साथ ही रहो। क्या लिखा हुआ है, पास जनरल एंट्री एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव एंटर्ड राजस्थान, मैंने जोधपुर को गुड्स बेचा एट लिस्ट प्राइस, फुल पेमेंट रिसीव बाय द चेक, ओके। मैंने सामान कितने का बेचा, 80,000 का। भैया ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर लो, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर लो, कितना है 30% कितना होता है सर, 24,000, तो ये तो माइनस कर दिया, तो 56,000 सही है ना भाई। मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं बिलीव कर लूँ अपना आप पे कि अभी हाँ आपको पढ़ाते हुए नहीं, ओके। वो बोलता है सेल इज गुड विलाउ जीएफटी 12% है, फुल पेमेंट चेक से मिल गया, ओके। सबसे पहले तो मैंने सेल्स की, मैं आपको बता चुका हूँ सेल्स इज सेल्स एंड परचेज हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है, बिफोर कैश डिस्काउंट होता है। दिस इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट, ओके ध्यान रखना, ओके बिफोर कैश डिस्काउंट, ओके। चलो उसके बाद जब मैं कोई सामान बेचता हूँ तो मेरा टैक्स आउटपुट लगेगा, हाँ। अब यहाँ पे इनपुट मत कर लेना, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ओ सॉरी मैंने सेम जगह लिख दिया, हाँ ठीक है। चलो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है ना, कितना है सर 56,000 पे। अरे भाई टैक्स हमेशा इस पे सेल्स पे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा भूल जाओ, कैश डिस्काउंट को भूल जाओ, कैश डिस्काउंट को गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनटू 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 कितना है, कितना रेट है, 6%, तो 3360, मैं वापस देख लेता हूँ, 80,000 में मैंने सामान लिया, 30% माइनस किया, इनटू 6% लगाया, 3360, 6% और 6%, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। हिसाब कितने का हुआ, मैंने किसी को सामान भेजा, आपने पूरा पेमेंट दे दिया क्या, अरे बल्ले बल्ले पूरा पेमेंट मिल गया, पूरा पेमेंट मिल गया, ओके। तो मेरा हिसाब कितने का हुआ, देखो मैं हिसाब लिख रहा हूँ, हिसाब कितने का हुआ सर, हिसाब पूरे का हो गया, पूरे का हो गया, पूरा पूरे का हिसाब हो गया, रुको 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 रुको, तो कितने का हुआ सर, 56,000 प्लस 3360 प्लस 3360 सर 62,720, ओके ओके। रुको 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 भाई साहब रुको, अभी कहीं भागो मत। अच्छा हिसाब हुआ, तो यार एक बात बताओ, मैंने उसको कहा था मैं देखो कैश डिस्काउंट भी दूंगा, 5% कैश डिस्काउंट भी दूंगा, तो वो क्या छोड़ देगा मेरा कैश डिस्काउंट, बेवकूफ तो रही है, बोलेगा कि डिस्काउंट दो, मैं कहूँगा हाँ मैंने बेचा है, जब जो सामान बेचता है वो डिस्काउंट देता है, उसके लिए खर्चा है, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ यार देखो डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, ओके। कितना डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको बता चुका हूँ, क्या वो परचेज हो क्या वो सेल्स हो, हमेशा जीएसटी पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता, भूल जाओ। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा सब पे, पर जीएसटी पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, भूल जाना। कोई बोले तो जीएसटी पे डिस्काउंट मिलेगा का, नहीं भैया नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं देंगे, ये आपका इंटरनल मैटर है। तो आपका हिसाब कितने का हुआ, पर इतने पूरे का हिसाब हो गया, उसमें से मेरी जीएसटी हटा दो, ये और ये हटा दो, तो ये वाला, तो 56,000 पे कितना डिस्काउंट है, 5%, तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, 56,000 पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, इज इक्वल टू 2,800 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, उसको यस। पर जीएसटी पर डिस्काउंट नहीं,
मैंने उसको, उसने मुझे पेमेंट दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, पर उसने डिस्काउंट मांगा, तो मैं डिस्काउंट कितने का हिसाब किया, उसने इतने का पेमेंट दिया ना, तो इतने का कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितना पैसा देगा उतने का डिस्काउंट दूंगा, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया आपको 2800, और बाकी का उसने मुझे पैसा दे दिया, चेक से दिया या बैंक से दिया सर? कैश में दिया सर, चेक से दिया। और कितना पैसा देगा वो? मेरा हिसाब कितने का हुआ सर? 62,720, उसमें से मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 2800 का, तो वो मुझे जो पैसा देगा वो 62,720 में से 2800 काटेगा सर, 59920 का देगा, 59920 का देगा। ओहो, 59920 का वो मुझे पैसा देगा, क्योंकि मुझे पैसा उससे इतना लेना है, डिस्काउंट सिर्फ इस पे मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 5% डिस्काउंट मिल गया, बाकी वो मुझे डिस्काउंट हटाने के बाद मुझे इतना पैसा देगा। अच्छा अब एंट्री करो ना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम है क्रेडिट होता है, आउटपुट GST, जहाँ पे सेल्स वहाँ पे टैक्स, जहां पे सेल्स वहां पे टैक्स, तो आउटपुट GST इनपुट एंड आउटपुट CGST दोनों क्रेडिट होगा। अच्छा मुझे मैंने जब मैं सामान बेचता हूं तो मैं डिस्काउंट देता हूं, तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा, और खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट, और मुझे पैसा मिला, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो डेबिट। बस एंट्री कर लो, हो गई एंट्री। क्या एंट्री करनी है आपको? आपको एंट्री करनी है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर लो, कितने का है, कितना पैसा मिला आपको सर? 59920, आपका डिस्काउंट आपने कितना दिया, आपने डिस्काउंट अलाउड, जब मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो मैं डिस्काउंट अलाउड बोलता हूं, 2800 दोनों मेरे खर्चे। फिर उसके बाद मेरा सामान बिक गया, कितने का सामान बिका पर? हमेशा 56 जितने का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और फिर मैंने आउटपुट दे दिया CGST, और फिर मैंने आउटपुट दे दिया SGST, कितना दे दिया? 3360, खत्म हो गया। देखो एक बार चेक करो, टोटल मैच हो रहा है क्या? 56,000 × 1.12 = −59920, यस सर मैच हो रहा है, क्लियर है, कितना सिंपल है ये वाला पॉइंट। अभी तो डिफिकल्ट पॉइंट तो अब आएगा आपको, पर कंसेप्ट वही है। अब मैं आपको बताऊंगा द डिफिकल्ट पॉइंट जो आने वाला है, अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बच्चों को लगता है आप तो भैया अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हो, इसी बात पे फॉलो करो, अकाउंट फंडा को अभी के अभी करो, क्यों वेट कर रहे हो? अगर अकाउंट में अगर आपको स्ट्रांग बनना है, अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब करो यार, चलो लाइक तो कर लो, चलो सब्सक्राइब नहीं करो, चलो आपकी मर्जी, चलो ये तो आपका क्लियर हो गया, चलो ये समझ में आ गया आपको। अब आया डिफिकल्ट वाला, डिफिकल्ट आया, ये रहा क्वेश्चन डिफिकल्ट, पास द नेफेबरिया एंट्री इन द वैभव मिल लिमिटेड, हमने ये करना है, सोल्ड गुड्स टू अमित जयपुर एट द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट ये, कैश डिस्काउंट ये, सेल ऑफ द गुड इज अलाउड, ओके, जीएसटी ये, 60% पेड मेड, अरे बाप रे, 60% ही पैसा मुझे कैश में मिला, 60% ही मुझे मिला पैसा मिला। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, अभी तक मेरा जो भी मेरा पॉइंट थे ना उसमें मुझे पूरा हिसाब मिला, पर यहाँ पे कितना मिल गया मुझे? 60% मिला, कोई नहीं हम तो एक्सपर्ट हैं, कितने का सामान बेचा? 50,000 का, ओके, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट 20% और 50,000 सर 10,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा सर? 40,000, मैंने सामान बेचा, हाँ सामान बेचा, तो जब मैं सामान बेचता हूँ तो मैंने आपको कहा था कभी भी उस पर GST नहीं आता, तो GST नहीं आता, फिर जब मैं कोई सामान बेचता हूँ तो मेरा आउटपुट लगेगा, सिंस जयपुर और जयपुर में बेचा है, तो CGST और आउटपुट, सर मज़ा आ गया क्वेश्चन करने में, मज़ा आ रहा है, 40,000 पे, अभी टैक्स तो भूल जाओ, GST लगाते हुए टैक्स हो गया, डिस्काउंट को भूल जाओ, 6% टैक्स है, GST रेट से 12% है, अरे भाई GST 12% है पर दो टैक्स पर डिवाइड करूंगा ना, 6% ओके, तो आउटपुट CGST 6% ऑफ 40,000 सर 2400 सर 6% ऑफ 40,000 2400 ओके फिर ये तो खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ, सुनो, उसने हिसाब कितने का किया? उसने मात्र 60% पे किया, 7% पेड किया है, पेमेंट मेड बाय चेक इमीडिएटली, उसने मुझे सिर्फ 7% ही दिया है, मतलब पेमेंट मेड नहीं, पेमेंट रिसीव
मुझे सिर्फ 60% ही मिला। जब मैं सामान बेचा मुझे पेमेंट मिलेगा ना, मतलब मैंने सामान बेचा उसने हिसाब सिर्फ 60% का किया है। अब यहाँ पे आपके कंसेप्ट काम आएंगे जो मैंने आपको बताया है। देखते हैं हमसे होता है क्या। देखो हिसाब कितने का हुआ, हिसाब कितने का हुआ, हिसाब कितने का हुआ सर, हिसाब कितने का हुआ सर, 60% का हिसाब हो गया। तो 60% ऑफ 40 दिस और दिस, तो इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 इज इक्वल टू 44,800। इतने का हिसाब हुआ। अरे नहीं 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 सॉरी सर, एक मिनट, हिसाब कितने का हुआ, 60%। ओके 60% का, तो इसका इनटू 60% मतलब 40,000 प्लस दो, मैं अगर यह, मैं यहाँ पे एक मिनट रुको 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 इनटू 60% उसने ये जो अमाउंट मुझे कितना लेना है, मैं जब अमाउंट, जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ ना, मैं पैसे लूंगा ना, उसने मुझे हिसाब इसका भी, इसका भी, इसका भी 60% दिया। लिखा ना 60% पेमेंट रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, मुझे 60% पेमेंट मिल गया। ओके तो 60 इस पूरे का हिसाब का 60% मिल गया। अभी रुको, बाकी का 40% का नहीं मिला। हाँ बाकी का 40% का नहीं मिला, किसको मैंने बेचा भाई साहब, मैंने बेचा अमित टेक्सटाइल को। तो मैं अमित टेक्सटाइल को क्या करूँगा, रुको बाकी का 60% नहीं मिला, एक मिनट, हाँ तो बाकी का अमित टेक्सटाइल, अमित टेक्सटाइल दिख रहा है आपको, नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके बाकी का हिसाब कितना रह गया सर, ये टोटल जो अमाउंट है उसका 40% नहीं दिया। अरे अमित ने मुझे 60% दे दिया, 40% नहीं दिया, तो 40% मुझे उससे लेने बाकी है। टोटल कितना ड्यू है अमित का सर, अमित का ड्यू है टोटल 40,000 रुपये प्लस 2,400 प्लस 2,400, उसका उसने 40% नहीं दिया, 40% नहीं दिया, 60% दे दिया, 40% नहीं दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो मैंने अमित को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अमित को जो माल बेचा वो कितने का माल बेचा सर, मैंने अमित का माल बेचा 50,000 का, उसमें फिर डिस्काउंट लगा दिया 20% फ्लैट, तो 40,000, तो 40,000 उसमें GST कभी भी नहीं आएगा, और कभी भी उसमें वे कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, तो डेबिट यहाँ पे कर लिया, फिर उस पर आउटपुट लग गया, दोनों टैक्स लग गए। उसने, अमित ने मुझे पैसा दे दिया, कितने का हिसाब किया सर, उसने मुझे हिसाब कितने का किया सर, हिसाब 60% का, तो इस टोटल का 60% का उसने हिसाब कर दिया। हाँ ओके, और इस टोटल का 40% नहीं दिया, लिखा ना 60% दे दिया, 40% नहीं दिया, 40% नहीं दिया। ओके चलो अमाउंट बताओ सर, अमाउंट बताओ सर, एक मिनट, 40,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 इंटू 60%, देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बच्चे यूं ही कंफ्यूज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करो, एक मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। ओके इंटू 60%, 40,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 इंटू 40%, सो तो सर 17920, क्लियर है, एक बार चेक करूँ, हाँ 44,800, ठीक है, ओके समझ में आ गया। ओके मतलब ये वाला, ये 17920, ये वाला मैं 17920, यही आ रहा है, एक बार देखो, 40,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 इंटू 40% 17920। ओके चलो, अब उसने हिसाब कितने का किया इसका, सुनो सुनो मेरे बच्चों, अब वो जब मेरे को पैसा देगा, सुनो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट आता है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आप नहीं होगे। कंसेप्ट क्या है, जितने का हिसाब करेगा उतने का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ तो उसने हिसाब कितने का किया है सर, ये वाला हिसाब किया, ये वाला उसने हिसाब किया है, उसने पैसा दिया है, तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। हाँ सर उसको डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट मैं जब किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे लिए खर्चा। हाँ अब मैं उसको डिस्काउंट कितने का दूंगा, थोड़ा मन में सोचो, सुनो क्या मैं 40, उसको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो अब क्या उसको 40,000 पे पूरा 5% डिस्काउंट दे दूँ, इस पूरे पे 5% दे दूँ, नहीं। मैंने आपको कहा था GST पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता, कभी भी GST पे डिस्काउंट नहीं मिलता, ये याद रखना प्लीज, मैं आपको बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, GST पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके तो उसने हिसाब ये और ये भी किया, बट इस पे गवर्नमेंट ने कहा नो डिस्काउंट, इस पे गवर्नमेंट ने कहा नो डिस्काउंट, मतलब गवर्नमेंट ने कहा 40,000 का आपको, आपने 60% का हिसाब किया, हाँ उसमें से आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5% डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ में आई नहीं आई, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि आपने हिसाब किया 40,000 का,
उसका 60%, तो 40,000 का 60% कितना होता है? सर ये होता है, उस पर 5% मिलेगा, मतलब 40,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 उतना डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो 40,000 का 60% का उसने हिसाब किया, उस पर 5% डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 1200 डिस्काउंट दूंगा मैं उसको। ओके, अब बाकी का पैसा नहीं देगा वो मुझे, बाकी का वो मुझे पैसा देगा। उसने कितने का हिसाब किया सर? 26880, उसमें से उसने मुझे 1200 रुपये, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। हाँ भाई, टोटल इतना अमाउंट लेना है, तो 26880 में से 1200 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने मुझे पेमेंट कितना दिया? 25680। समझ में आया नहीं आया? वापिस बता रहा हूँ, देखो सेल्स क्या 40 का, ये तो कंसेप्ट है, 40 का आ गया, इस पर टैक्स लग गया, फिर उसने हिसाब इस टोटल उस मुझे इतना पैसा उस अमित टेक्सटाइल से लेना है, उसका 40-60% ही आ गया, तो उसका 60% उसने हिसाब दे दिया, तो 60% कितना आता है? 26880, 26880 का उसने हिसाब कर दिया, उसने जो हिसाब किया 2580, उस पर से मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज लिखा हुआ है कि मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट देने वाला हूँ, और कैश डिस्काउंट जितना कैश देगा उस पर मिलता है, पता है आपको। तो उसने कैश कितना दिया सर? इतना तो नहीं दिया, उसमें से 40 का 60% दिया, पर GST पे डिस्काउंट कभी नहीं मिलता, तो 40,000 पे 60% पे 5% कैश डिस्काउंट कितना होता है? तो फिर ये दिस 1200 होता है, मुझे लेना कितना उसे पैसे? इतने लेने, लेना तो ये भी है पर लेने इतने, 26880 माइनस 1200 करूंगा, इतने लेने हैं तो माइनस 1200 करूंगा, तो मुझे इतने लेने हैं जिसमें 1200 डिस्काउंट, तो 2580। ओके, और अब एंट्री करो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, आउटपुट CGFT हमेशा क्रेडिट होता है, आउटपुट FGFT हमेशा क्रेडिट होता है, बता चुका हूँ ना यार, सेल्स जब फेल जाएगा वहीं होगा। अच्छा, मुझे डिस्काउंट जब मैं किसी को देता हूँ, मेरे लिए खर्चा डेबिट होगा। मुझे कोई जब मैं सामान बेचता हूँ तो मुझे पैसा आएगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा, तो डेबिट होगा। अमित से मुझे इतने का पैसा और लेना है सर, 2400 प्लस 2400, ये दिस प्लस दिस इंटू 40%, ये पैसा लेना है अमित से, पैसा लेना है तो मेरा एसेट बन रहा है। 60% ही तो दिया भाई साहब ने, 40% नहीं दिया ना, तो ये मुझे उससे लेना है, तो ये क्या होगा आपका? डेबिट होगा। ये क्या होगा? मुझे अमित से पैसा लेना है। अब एंट्री करो, क्या एंट्री करोगे यार आप भी ना यार, क्या एंट्री करो? डेबिट करता हूं, चलो पहले अमित टेक्सटाइल जो है पर अमित टेक्सटाइल लिमिटेड, सॉरी अमित टेक्सटाइल, अरे कहां गया था, लिमिटेड डेबिट, कितना मुझे उतना उसको 40% लेना है। ओके, फिर उसने मुझे ये वाला डेबिट हो गया, फिर उसने मुझे कितना दे दिया सर? उसने मुझे दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट दे दिया 25680 दे दिया, फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ, हाँ सर मैंने उसको मात्र 1200 रुपये का डिस्काउंट दिया। ओके, फिर मेरी सेल्स कितनी हो गई सर? मेरी सेल्स हो गई है आपकी 40,000 की सेल्स हो गई है। मेरा आउटपुट CGFT कितना आता है? आउटपुट CGFT कितना आता है सर? 2400 रुपये। और मेरा आउटपुट FGFT कहाँ पे आता है? FGFT कहाँ आता है सर? 2400 रुपये। अब आप चेक करो, क्या चेक करो, टोटल मैच हो रहा है क्या? भगवान का नाम लूँ भैया, टोटल मैच करा दो, मुझे पता है अगर मैंने कंसेप्ट ठीक किया है तो मेरा टोटल मैच होगा ही होगा। चेक कर लो टोटल मैच हो रहा है, क्लियर है नहीं? क्लियर है, समझ में आया? मेरा हिसाब कभी भी GFT पे डिस्काउंट नहीं मिलता, तो 40% का 60% का हिसाब किया तो उस पर 5% मिलेगा, लेना इतना है तो दिस माइनस, ये तो उसने दिया ही नहीं, तो ये तो मुझे उससे लेना है तो उसको डेबिट करूंगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको परचेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो हो सकता है कि आपने पॉज करके किया होगा, ट्राई किया होगा, ट्राई करो ना दुनिया में। चलो क्या बोलता है, मैंने परचेस किया, जूही से परचेस किया, जैसलमेर भी राजस्थान में है, 10,000 का मेरा प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो वो तो लगेगा 9,000 रुपये। कैश डिस्काउंट 5% ऑन द परचेस ऑफ द गुड इज अलाउड। ओके, GST रेट 12% है, 30% पेमेंट कर दिया मैंने 30% पेमेंट किया। अभी तो रुको, तो भाई पेमेंट की बात बाद में करते हैं, मैंने परचेस किया। ओके,
जब मैं परचेव करता हूं तो उसमें जीएसटी नहीं डालता, और जब मैं परचेव करता हूं तो मेरा इनपुट लगता है। ये तो आपको बात पता है या नहीं पता, या ये भी बात मैं आपको बताऊं, इनपुट एसजीएसटी लगता है, हाँ सर परचेव में लगता है। तो 9000 पे 6% कितना लगेगा, 6% 9000 पे 5400 होता है ना, 9000 पे 6% 540 होता है, 540 और 540, ठीक है। चलो अब उसने हिसाब कितने, मैंने हिसाब कितने का किया, मैंने मात्र 30% पेमेंट दिया है, मैंने 30% ही पेमेंट दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, 30% दिया है। तो अब मुझे बताओ हिसाब कितने का हुआ, सर हिसाब मुझे देना कितना है, मैंने सामान कितने का लिया, सर 9000 प्लस दिस प्लस दिस, तो मैंने सामान लिया 9000 का, प्लस मुझे उस पर टैक्स देना है 540 टैक्स देना है, और मैंने उसका हिसाब 30% का ही किया है, लिखा है ना 30% मैंने पेमेंट चेक से दिया, ओके। बाकी का 70%, बाकी का 70% कौन देगा, बाद में दूंगा ना, तो बाद में दे दूंगा। किससे लिया, मैंने जूही से लिया, किससे लिया, जूही से लिया, तो ठीक है भैया, बाकी का पैसा मैं जूही को बाद में दूंगा, ओके, जूही को बाद में दूंगा। कितना दूंगा, कितने का हिसाब है, 9000 दिस और दिस, सुनो 9000 प्लस 540 प्लस 540 इनटू कितना, अरे भाई कितना है भाई, कितना 30 इनटू 70%, कैसे सर 70% कैसे, अरे भाई सुनो 9000 प्लस 540 प्लस 540 मुझे उसको इतना पैसा देना है, उसमें से 30% का मैं हिसाब कर चुका हूँ, 70% का नहीं किया, तो इंटू 70% कर दिया। चलो भाई 540 प्लस 540 प्लस 9000 इंटू 70%, सर 7056 का हिसाब मैंने नहीं किया, जूही को मुझे पैसा देना है, 30% हो गया, 70% नहीं दिया। अच्छा अब मुझे उसका पेमेंट देना है, जब मैं किसी को पेमेंट दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, हाँ डिस्काउंट जब मुझे मिलता है तो मेरे लिए इनकम है, तो मुझे डिस्काउंट, जब मैं किसी को पेमेंट दूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा ना, कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे ये बताओ सर, एक मिनट, 5% 5% ऑफ व्हाट अमाउंट, टैक्स पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई साहब, हाथ जोड़ देता हूँ टैक्स पे डिस्काउंट मत देना। तो मैंने कितने का हिसाब किया, सर 9000 का, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इनटू 30% का मैंने हिसाब किया, देखो 9000 का 30% मैंने पे किया, उस पे मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है सर 5%, तो 5% मिलेगा, तो कितना होता है सर 9000 × 30/100 × 5/100 = कितना बताओ कितना, चलो मैं करके बताता हूँ ना, 9000 का 30% मैंने पेमेंट दिया, उसमें से 5% मुझे मिलेगा, मात्र 135 का डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 135 का मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ओके। बाकी का मैं पैसा दे देता हूँ, मैं मुझे देना पड़ेगा ना, खरीदा है, कितना पैसा का हिसाब किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इजिकल टू 9000 प्लस 540 प्लस 540 इंटू 30% माइनस 135 इजिकल टू 9000 प्लस 540 प्लस 540 इंटू 30% कितना होता है सर 3024 माइनस 135। अरे भाई 9000 प्लस 540 प्लस 540 इंटू 30% 3024 में से मुझे डिस्काउंट, ये मेरा जो डिस्काउंट है, ये मेरा डिस्काउंट मुझे मिला, तो ये मुझे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 135, तो मैं 2889 का पैसा दूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई, वापिस समझा रहा हूँ, मैंने हिसाब इतने का किया, उसमें से 9000 का 30% पे 5% में डिस्काउंट मिलेगा, मैंने इतने का हिसाब किया, ये जिसका 30% उसका 30% में से मैं डिस्काउंट माइनस करूंगा, बाकी का पेमेंट दूंगा। अब एंट्री करो, परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट बता चुका हूँ, इनपुट CGST डेबिट होता है, इनपुट FGST डेबिट होता है। अरे भाई FGST, SGST, CGST और परचेज, इनपुट हमेशा डेबिट ही होता है, जहाँ परचेज वहाँ पे वो, डिस्काउंट मुझे मिला इनकम, अरे इनकम हो रही है यार, जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ मुझे डिस्काउंट मिलता है कितना खुश होता हूँ, तो इनकम, जब मैं किसी को पैसा दूंगा तो मेरा क्रेडिट होगा ना, एसेट मेरा माइनस हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और मुझे जूही को बाकी का पैसा देना है, अरे भाई मैंने 70% का हिसाब तो किया ही नहीं, तो मुझे उसको पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी बन रही है, मुझे उसको पैसा देना है, तो क्रेडिट हो जाएगा।
क्लियर है नहीं क्लियर है तो अब एंट्री करें क्या? अरे सर एंट्री तो बच्चों का खेल है, अब तो हो गया एंट्री हमने, परचेज अकाउंट डेबिट 9000, फिर उसके बाद इनपुट एफ जी एफ टी कितना पर? 540 ओके। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना मुझे डिस्काउंट मिला? फॉर 135 क्रेडिट होगा। मैंने पैसा कितना पे किया? अरे भाई मैंने कितना पे किया? 2889। और मुझे पैसा कितना और पे करना है जूही को? सर मुझे 7056। अब भगवान का नाम लो और बताओ चलो कि आप ये मैच होना चाहिए। अरे भाई अगर मैच नहीं हुआ तो सोचो क्या होगा, फिर मेरा दिमाग खराब होगा कि यार मैच नहीं हो रहा और मेरा मैच हो रहा है क्योंकि हमने फंडामेंटल किया है। हम कभी शॉर्टकट अप्लाई करते नहीं, अकाउंट फंडा का स्टूडेंट कभी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करता। इसी बात पे सब्सक्राइब करो यार। मैं आपको सिर्फ मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बता दो कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में बता दो। ओके समझ में आ गया तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूँ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी टैक्स पे कैश डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा और परचेज हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है, पर बिफोर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, वही सेल्स रहता है। क्लियर है? चलो समझ में आया। चलो अब आप बन चुके हो चैंपियन, है सुपरमैन बना ना, चैंपियन बन चुके हो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। ओके अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हमने ये कर दिया। ये सारे लेक्चर का लिंक नीचे दिया हुआ भी है। अब हम करेंगे ये जीएसटी और सेट ऑफ। यो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेट ऑफ कैसे करें। अरे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी है, प्रोवाइडेड आप फंडामेंटली पढ़ो। ओके चलो अब हम क्या क्या करेंगे? द जीएसटी सेट ऑफ ऑफ द सीजीएसटी एंड द एफजीएसटी। ओके स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई जीएसटी की एंट्री कैसे होती है, वो हम पढ़ चुके। अब हम करेंगे जीएसटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशल पार्ट, द सेट ऑफ ऑफ द सीजीएसटी एफजीएसटी एंड द आईजीएसटी। बिलीव मी बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर सेट ऑफ समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रोसेस फॉलो करें, पहले सीजीएसटी होगा या फिर पहले एफजीएसटी होगा या फिर पहले आईजीएसटी होगा। मैं आपको बताता हूं सबसे सिंपल है अगर आपने सिस्टमैटिक बेसिस को कर लिया तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेट ऑफ, जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएफटी दिया हो एंड एफजीएफटी हो, आईजीएफटी नहीं हो, तब हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएफटी और एफजीएफटी हो, आईजीएफटी नहीं हो, सीजीएफटी और एफजीएफटी और आईजीएफटी नहीं हो, मतलब अगर मैं सेल्स विद इन द सेम स्टेट कर रहा हूँ, सपोज करो मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में रहता हूँ और मैं अपना सामान सिर्फ मुंबई में बेचता हूँ या मुंबई का माल मैं पुणे में बेचता हूँ, मतलब मैं सेम स्टेट में बेचता हूँ मुंबई का माल मुंबई या मुंबई का माल पुणे और कहीं मैं सेल नहीं करता हूँ, तब बट ऑब्वियस मेरे दो टैक्स लगेंगे। कौन से लगेंगे? जब मैं सेम स्टेट में सेल करता हूँ तो मेरे लगते हैं CGST एंड द FGST। मतलब मैं महाराष्ट्र का माल बाहर बेचता ही नहीं हूं, मैं ना राजस्थान बेचता हूं ना गुजरात बेचता हूं ना मैं तमिलनाडु बेचता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ माल अपने स्टेट के अंदर ही बेचता हूं। तो अगर सिर्फ मैं अपना माल अपने स्टेट में बेचता हूं, मेरा कोई भी डीलिंग बाहर नहीं है, आउटसाइड द स्टेट नहीं है, तो मेरे दो ही टैक्स लगते हैं। कौन से टैक्स? सीजीएफटी एंड द एफजीएफटी। मेरा आईजीएफटी तो होगा ही नहीं, बिकॉज आईजीएफटी कब लगता है? आईजीएफटी लगता है तब जब मैं माल महाराष्ट्र में हूं और मैं माल बेच रहा हूं राजस्थान, मैं माल बेच रहा हूं गुजरात, तब मेरा आईजीएफटी लगता है। तो अगर मैं सेम स्टेट के अंदर अपना माल बेचता हूं और खरीदता हूं, तब मेरा क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएफटी और एफजीएफटी आएगा, आईजीएफटी होगा नहीं। तो इस केस के अंदर मैं सेट ऑफ कैसे करूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, यहां पे हाथ पे लिख दो और हमेशा के लिए याद कर लो, यू कैन नेवर एवर एडजस्ट सीजीएफटी विद द एफजीएफटी। ये बात लिख दो, पक्की है, पत्थर की लकीर है। आप
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो जीएफटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के जीएफटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको जो महाराष्ट्र को जो टैक्स पे करना है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते। रिमेंबर, याद रहेगा, यू कैन नेवर एडजस्ट सेंट्रल जीएफटी विद द स्टेट जीएफटी। एफजीएफटी और सीजीएफटी कभी भी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। वापिस बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लाइन याद कर लो, आप कभी भी एफजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी सीजीएफटी को एफजीएफटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये बात तय है और ये बात मैं कभी भी आप इसको भूलना मत। क्लियर है? तो यू कैन नेवर एडजस्ट सीजीएफटी विद द एफजीएफटी। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यार देखो, जैसी कोई मैं सेल करता हूं, परचेस करता हूं, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना पड़ता है। अब वो टैक्स पे करने के लिए आपको याद होगा, जब मैं सामान खरीदता हूं तो मैं इनपुट भी लेता हूं, तो इनपुट को मैं आउटपुट से एडजस्ट करूंगा। पर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको थ्रू द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो क्या करता हूं मैं, आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। Pass the necessary entries in the books of the Rahul, assuming that all the transaction has been entered within the state of Maharashtra. मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई का माल मुंबई में बेचता हूँ या मुंबई का माल पुणे बेचता हूँ, बस मैं यही यहाँ मैं महाराष्ट्र के अंदर ही ऑपरेट करता हूँ, महाराष्ट्र का माल मैं कहीं बाहर नहीं बेचता। इसका मतलब मेरे दो ही टैक्स लगने वाले हैं, कौन सा, सीजीएफटी एंड एफजीएफटी। आईजीएफटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है जनवरी 4 को क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नेहा। मैंने नेहा से 30,000 रुपए का सामान लिया। अब इसके एंट्री करके बताओ, मैंने नेहा से 30,000 का सामान लिया। जब भी मैं सामान खरीदता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज। कितने का परचेज किया, 30,000 का, 30,000 का। तो मैं एंट्री सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 4th जनवरी 19th को, क्या एंट्री करूंगा, परचेस। मैंने परचेस किया, कितने का परचेस किया सर, मैंने परचेस किया 30,000 का, 30,000 का मैंने परचेस किया। जब मैं परचेस करूंगा तो बट ऑब्वियस मुझे टैक्स भी लगाना पड़ेगा, मुझे टैक्स भी लगेगा। कितना टैक्स है सच, सीजीएफटी और एसजीएफटी 6% है, मतलब टोटल 12% है। तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो आपको पता है मैं एंट्री क्या करता हूं, इनपुट सीजीएफटी डेबिट। कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 1800। सिमिलरली इनपुट एफजीएफटी, बिकॉज सेम स्टेट के अंदर है तो 1800। मतलब 6% ऑफ 30,000 कितना होता है सर, 1800। तो 1800 और 1800 मेरा दो टैक्स लग गए, टोटल 12% मेरा टैक्स लग गए। और मैंने नेहा से क्रेडिट में लिया, मैंने नेहा से क्रेडिट में लिया, इसका मतलब मैंने नेहा को पे नहीं किया, तो मुझे नेहा को पे करना है, मुझे नेहा को पे करना है। कितना पे करना है सर, इतना 30,000 दो, तो 33,600। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर, यहां तक तो हमें पूरा समझ में आ गया, पहली वाली एंट्री समझ में आ गई। ओके, चलो दूसरी एंट्री करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैंने जनवरी 20 को, चलो पहले अपन डेट लिखते हैं, जनवरी 20 को मैंने 50,000 का सामान चेक में बेच दिया, मतलब मुझे पैसा मिल गया, मैंने सामान बेच दिया, बल्ले बल्ले। तो मेरे जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा सेल्स क्रेडिट होता है। अरे भाई, जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा सेल्स होगा, सेल्स कितने का हुआ सर, 50,000 का। ओके, तो सेल्स टू सेल्स कितना हुआ सर, 50,000। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, 250,000। और जब मैं सेल्स बेचूंगा तो बट ऑब्वियस उस कस्टमर से मैं जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा। हाँ, मैं कलेक्ट करूंगा, और कौन सा जीएसटी लूंगा सर, अरे भाई दो ही जीएसटी है लिखा ना, सब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट
एफ जी एफ टी कितना लगेगा? सर 6-6% क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके सेम स्टेट में है तो 50,000 का 6% कितना होता है? सर 3,000। इसका कितना होता है? सर 3,000। इसका मतलब है 50,000 का 6% कितना होता है? 3 और 3। सीजीएफटी और आउटपुट सीजीएफटी एंड आउटपुट एसजीएफटी दो टैक्स लगेंगे, सेम स्टेट के अंदर है और मैंने बैंक के थ्रू बेचा है, मतलब मुझे पैसा मिल गया। आई एम हैप्पी, मुझे पैसा मिल गया। कितना मिला? 56,000। चेक करते हैं 50,000 इंटू 1.12 56,000 ही होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? सर यहां तक तो हमें आप समझा चुके हो। तो पहले मैंने परचेस किया, नेहा से परचेस किया और फिर मैंने सामान बेचा, ठीक है। अब और कुछ नहीं है और बोलता है 31 जनवरी को पूरे जब मेरा मंथ खत्म होता है तब मुझे सेटलमेंट करना होता है, नहीं होता है? पर सेटलमेंट करना होगा ना, तो सेटलमेंट कैसे करूंगा? यहां अब आया इंपॉर्टेंट बात, ये आई आपकी इंपॉर्टेंट बात, सुनो। मुझे बताओ कि जब मैंने सामान खरीदा था तो मुझे इनपुट कितना लग गया? 1800 लग गया सीजीएफटी। मेरे पास इनपुट कितना पड़ा है? इनपुट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था जब भी मैं कोई सामान खरीदूंगा, मैं आपको बता चुका हूं जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो जो इनपुट लगेगा वो मुझे एज अ एसेट दिखाऊंगा। मैंने आपको बता चुका हूं इनपुट एज अ एसेट दिखाऊंगा, मतलब ये जो इनपुट है ये मैं आउटपुट से एडजस्ट करूंगा। वापिस समझा रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है? मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 3,000 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,000 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट को 3,000 रुपए। वापिस बता रहा हूं, जब मैंने सामान बेचा, एक कस्टमर है उसको सामान बेचा, उसने पैसे दे दिए, 50,000 का सामान बेचा, उससे मैंने दो टैक्स लिए, 50,000 का तो मैंने सामान बेचा और उसने मुझे दो टैक्स और दिए 3,000 3,000 6-6% के हिसाब से, तो उसने मुझे कितने रुपए दिए? उसने मुझे 56,000 रुपीज दिए। उस 56,000 में से 50,000 तो मेरा पैसा है, बाकी के 6,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, बाकी के 6,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। हाँ सर, वापिस बता रहा हूं, 50,000 का मैंने सामान बेचा, 6,000 रुपए प्लस टैक्स लगा के, तो कस्टमर ने मुझे 56,000 दिए, तो 50,000 तो मेरी इनकम है, मेरी सेल्स है, 6,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। हाँ करने हैं, बट रुको, 6,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं जिसका ब्रेकअप है 3,000 सीजीएफटी एंड 3,000 एसजीएफटी। अच्छा, तो अब क्या मैं 6,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करूं? नहीं, मैं पे नहीं करूंगा। सर क्यों पे नहीं करोगे? आप फ्रॉड करोगे? नहीं, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। मैंने कस्टमर से टैक्स के रूप में 6,000 रुपए लिए, उसका ब्रेकअप है 3,000 सीजीएफटी 3,000 एसजीएफटी, बट मैं गवर्नमेंट को 6,000 पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि आप इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जब आप कोई सामान खरीदते हो उस पर जो टैक्स लगेगा, इनपुट जो टैक्स लगेगा वो आप आउटपुट पे एडजस्ट कर सकते हो। ओहो, यस सर, याद आया। तो सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? गवर्नमेंट को 3,000, कस्टमर से 50,000 रुपए आए, 6,000 रुपए टैक्स आए, 3,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 3,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 3,000। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इनपुट पड़ा हुआ है क्या? हाँ सर, 1800 इनपुट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इनपुट आउटपुट सीजीएफटी को इनपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करोगे। तो सुनो, आप एंट्री क्या करोगे? देखो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी एंट्री है। देखो मुझे पे कितना करना है, 31/1/19 को मुझे पे कितना करना है? आउटपुट सीजीएफटी कितना है? सर एक मिनट, सर आउटपुट सीजीएफटी है आपका 3,000, तो उसको डेबिट करो, उसको डेबिट करो। सर क्यों डेबिट क्यों करो? मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 3,000, 1800 पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मेरी लायबिलिटी मैं 3,000 से कम कर रहा हूं। मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 3,000, तो अब मैं उनको सेटलमेंट कर रहा हूं, तो जब मैं लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट हो जाएगा, तो मैंने आउटपुट सीजीएफटी को डेबिट कर रहा हूं और मेरे पास पहले से ही एसेट पड़ा हुआ है, मैंने वो एसेट यूज कर लिया। जब मैं वो एसेट यूज करूंगा
तो मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट सीजीएफटी। इनपुट सीजीएफटी कितना पड़ा हुआ है सर? 1800 पड़ा हुआ है। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं 3000 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं 3000 रुपए, पर पहले से ही मेरे पास गवर्नमेंट के 1800 रुपए पड़े हुए हैं। पहले से ही गवर्नमेंट के 1800 रुपए पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि मैं गवर्नमेंट को 3000 नहीं दूंगा। 3000 में से 1800 माइनस करूंगा, मैं गवर्नमेंट को 1200 रुपए दूंगा। मैं गवर्नमेंट को 1200 दूंगा, क्यों? मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को 3000 रुपए देने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने पहले 1800 पे कर चुका हूं जब मैंने परचेस किया, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से 1800 लेने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1800 लेने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3000 रुपए पे करने हैं, इसका मतलब है मुझे नेट 1200 पे करने हैं। तो अब मैं 1200 पे करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने देने हैं? 3000। तो भाई मैं लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, तो आउटपुट सीजीएफटी को 3000 से मैंने डेबिट कर दिया। ओके, डेबिट कर दिया। और मैंने मेरा इनपुट सीजीएफटी कितना है? 1800 एडजस्ट कर दिया और बाकी का मैंने पैसा पे कर दिया। बाकी का मैंने पैसा पे कर दिया 1200 रुपए। वापिस समझा रहा हूं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने रुपए देने थे? 3000। ओके, तो 3000 की लायबिलिटी सेटल कर रहा हूं। जब मैं लायबिलिटी सेटल करता हूं, पे करता हूं, तो लायबिलिटी को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। फिर डेबिट क्यों करूंगा? जब मेरी लायबिलिटी कम हो रही है ना, मैं सेटल कर रहा हूं, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, 1800 लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो 3000 से मैंने लायबिलिटी कम कर ली 3000, उसमें से मैंने ये जो एसेट है इनपुट सीजीएफटी एडजस्ट कर दिया। अब मैं एसेट जब एडजस्ट करूंगा तो मेरा एसेट कम होगा। जब मेरा एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। मैंने इनपुट को एडजस्ट कर लिया, बाकी का 1200 रुपए मैंने गवर्नमेंट को चेक दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो मेरा जो पूरी इंडिया का जो मेन गवर्नमेंट है, उसको मैंने क्या दे दिया? 1200 रुपए पे कर दिया। मतलब 3000 रुपए मुझे देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1800 लेने थे उससे, तो 3000 से 1800 एडजस्ट किया, बाकी का मैंने 1200 पे कर दिया। सिंपल सी बात है। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं ना, अभी खत्म तो रही हुआ है। सिमिलरली 31/1/19 को मुझे स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, अपने महाराष्ट्र वालों को कितना पे करना है? मुझे महाराष्ट्र वाले को पे करना है 3000 रुपए। मुझे महाराष्ट्र वाले को पे करना है 3000 रुपए, और मैंने महाराष्ट्र को पहले से ही इनपुट है मेरे पास 1800 रुपए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना 3000, लेना है 1800, तो 1200 पे करना है ना, तो 1200 पे करना है ना, समझ में आया? तो क्या एंट्री करूंगा? वही एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? आउटपुट, मैं ये एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूं, आउटपुट एसजीएफटी डेबिट 3000 रुपए मुझे देने हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जिसमें से मेरे पास पहले से ही मैंने दिए हुए हैं 1800 रुपए। तो इसका मतलब है बाकी का जो पैसा है मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दूंगा। बात समझ में आई? मतलब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने 3000 रुपए, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी मैं कम कर रहा हूँ 3000 रुपए, पर मेरा एसेट पहले से ही मैंने इनपुट एसजीएफटी, मेरे पास पहले से ही एडजस्टमेंट एसजीएफटी था 1800 रुपए, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। जब मैं एडजस्ट करता हूँ तो एसेट मेरा, जब मेरा कम होता है तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ, और क्रेडिट करने के बाद टू इनपुट एसजीएफटी, और बाकी का पैसा मैंने 1200 दे दिया। क्वेश्चन खत्म। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ एसजीएफटी और सीजीएफटी है। ध्यान रखना, देखो मैंने कभी भी सीजीएफटी को एसजीएफटी से एडजस्ट नहीं किया। सीजीएफटी सीजीएफटी से होगा, एसजीएफटी एसजीएफटी से होगा। समझ में आया नहीं आया? यही तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर आपका आउटपुट, अगर आपको सीजीएफटी एडजस्ट करना है तब आपको ये करना है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको ये पूरा जो ये जो लाइन है ना, आपको समझ में आएगा। रुको समझाता हूं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल एज्यूमिंग द ऑल द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, मैंने परचेज किया गुड 30,000 का। चलो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है 4/1/19। मैंने परचेज किया गुड। जब मैं परचेज करता हूं तो आपको पता है मैं परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। मैंने 30,000 का सामान लिया। ओके, जब मैं सामान लेता हूँ, सारा महाराष्ट्र के अंदर ही हुआ है, तो मेरे दो टैक्स लगेंगे। एक लगेगा भाई इनपुट सीजीएफटी, इनपुट सीजीएफटी डेबिट 1800 रुपए,
और एक लगेगा भैया मेरा इनपुट FGFT डेबिट 1800 रुपये। ओके, और मैंने नेहा को पे नहीं किया, क्रेडिट में मैंने खरीदा, तो टू नेहा अकाउंट करूंगा 33,600 रुपीज़। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अभी तो सर, सेम क्वेश्चन है ना? नहीं, थोड़ा फर्क अलग है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं। चलो, उसके बाद मैंने 20 जनवरी को नेहा को मैंने सामान बेचा 20,000 का। अच्छा ठीक है भैया, मैंने सामान बेचा 2 sales 20,000 रुपीज। जब मैं सामान बेचूंगा तो कस्टमर से टैक्स भी तो लूंगा, हाँ टैक्स लूंगा, और जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगता है, क्या लगता है? आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट FGST। तो 20,000 पे दो आउटपुट लग रहे हैं, 6-6% कितना हो जाएगा सर? 1200 रुपये। और सर 1200 रुपये, इसका मतलब है उस मुझे पूरा पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट, लिखा है ना भाई मैंने सामान बेचा तो मुझे 22,400 रुपीज़ मिल गए। समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने सामान बेचा 20,000 का, उस पर 6% टैक्स लगेगा, 6-6% टैक्स लगेगा, तो 6% कितना होता है 1200, तो टोटल मुझे 22,400 मुझे पैसे मिल गए। तो अब आप सोचो, ये नया पॉइंट आ गया, सुनो, मुझे सेंटर, अब 31 मार्च 31 वो आ गया, क्या आ गया भाई, 31 आ गया आपका 3119, ओके 31 जनवरी आ गया। अब 31 जनवरी को मुझे सेटलमेंट करना होता है गवर्नमेंट को। अच्छा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 1200। कितना पे करना है? 1200। मुझे गवर्नमेंट को पे करना है सेंट्रल को 1200, पर 1800 तो पहले ही पे कर चुका हूं, अरे इसका मतलब है मुझे देना है 1200, लेना है 1800, ये मैं पहले पे कर चुका हूं, देना है 1200 मुझे गवर्नमेंट को। भाई मैंने जब कस्टमर को बेचा तो मैंने कस्टमर से 1200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लिया ना, CGFT लिया, तो मुझे वो गवर्नमेंट को पे करना है, पर मैं पहले 1800 पे कर चुका हूं, तो मैं क्या करूं, 600 रुपये गवर्नमेंट से रिफंड लूं क्या? मुझे गवर्नमेंट को देना है 1200, पहले मैं 1800 पे कर चुका हूं, तो क्या मैं गवर्नमेंट से रिफंड लूं क्या? नहीं, रिफंड कभी नहीं मिलेगा, टैक्स का, GST का रिफंड कभी नहीं मिलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, GST का रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप खरीद चुके हो सामान, तो अब आपको देना कितना है? 1200 गवर्नमेंट को देना है, 1200 पहले से 1800 जमा है। तो सुनो, एक काम करता हूं, पहले 1200 को तो एडजस्ट कर लूं, मतलब मुझे गवर्नमेंट की जो ये जो लाइबिलिटी ये तो खत्म करूं। हाँ, तो एक काम करता हूं, मैं एंट्री करूंगा आउटपुट, पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आउटपुट CGFT डेबिट 1200 मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब वो मुझे गवर्नमेंट को तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं मुझे 1200 देने, 1800 पहले से ही जमा है, तो मैं इनपुट CGFT को मैं 1200 से एडजस्ट कर लूंगा। मतलब मुझे देने 1200 है, पहले से 1800 देने, 1800 दिए हुए हैं, 1800 दिए ना, रुको, बट मैंने देने कितने हैं गवर्नमेंट को? 1200, मेरे पास तो 1800 गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, इसका मतलब है मैं 1 रुपये भी गवर्नमेंट को अब पे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे देने 1200 हैं, 1800 पहले ही दे चुका हूं, तो मैं बोलूंगा गवर्नमेंट एडजस्ट करो ना, तो मैंने एडजस्ट कर दिया, 1200 से मैंने डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई और मैंने अपना एसेट 1200 से कम कर दिया। बट सर एक बात बताओ, आपके तो 1800 रुपये पड़े हुए हैं, आपके तो 1800 गवर्नमेंट को दिए हुए, तो 600 रुपये रिफंड क्यों नहीं लेते हो गवर्नमेंट को? आपने 1800 पहले जमा करा दिए ना, जब आपने खरीदा था सामान, रिफंड नहीं देगी, तो अब क्या करोगे आप? इसको एसेट में दिखाओगे, क्या दिखाओगे? इनपुट CGFT 1800 रुपये है ना, आपने 1200 तो यूज कर दिया, तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, सुनो अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, सपोज करो 31 मार्च की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये रहा आपका एसेट, तो आप दिखाओगे अभी भी आपको गवर्नमेंट से कितने रुपए लेने हैं? 600 रुपए।
कैसे सर? अरे भाई 1200 मुझे पे करने थे, उसमें से 1800 पहले पे किए थे, तो 1800 में से 1200 एडजस्ट हो गए। अभी भी मुझे गवर्नमेंट से कितने वापस लेने हैं? 600। रिफंड नहीं देगी वो, अगली बार जब आप बेचोगे तब एडजस्ट करेगी। मतलब मेरा एसेट में 600 रुपये दिखेगा, क्योंकि मैंने 1800 रुपये गवर्नमेंट को जमा किए हुए हैं, वो एसेट के अंदर है। 1200 पे करने थे, 1200 एडजस्ट हो गए। तो इनपुट CGFT और इनपुट CGFT देखो कितने पे क्रेडिट हुआ, 1200 से, तो 600 बच गए। 600 आप एसेट में दिखाओगे, आप 600 एसेट में दिखाओगे, रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपका अगला वाला पॉइंट है, कौन सा, 31/1/19 को आपको आउटपुट CGFT अकाउंट डेबिट, सॉरी आउटपुट SGST कितना देना है आपको गवर्नमेंट को, आपको महाराष्ट्र कितना देना है, 1200। पहले से ही महाराष्ट्र वाले को 1800 दे चुके हो, तो पहले आप एडजस्ट करो, इनपुट SGST 1200 रुपए है सर। मुझे देने हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 1200, पहले से 1800 जमा करा चुका हूँ, मैं कहा एडजस्ट करो ना। अरे आप अपनी दुकान पे जाते हो, आप सिंपल से एग्जांपल समझो, आप दुकान पे जाते हो, उसको आपने पहले से 1800 दे दिए, अभी आपने 1200 का सामान लिया, तो 1200 एडजस्ट करोगे ना, दुकानदार ने कहा कोई रिफंड नहीं मिलेगा, होता है ना, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, अगली बार एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब है कि मेरा 1800 का मुझे 1200 पे करना है, तो 1200 तो मैंने एडजस्ट कर दिया, 1200 पे करने थे, लाइबिलिटी कम कर ली और मेरा एसेट 1200 पे कम हो गया, तो अभी भी मेरे पास इनपुट SGST 600 रुपये पड़ा हुआ है। सिंपल केस है, आप कोई दुकान पे जाते हो, आपने सामान लिया, 1800 रुपये आपने जमा किए हुए हैं, अब आपने 1200 रुपये का एडजस्ट कर दिया, तो 600 रुपये अभी भी उस दुकान वाले के पास पड़े हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेरी अमानत पड़ी हुई है, 600 रुपये महाराष्ट्र के पास मेरी अमानत पड़ी हुई है। कंसेप्ट समझ में आया? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? पहले क्वेश्चन के अंदर मेरा मुझे गवर्नमेंट को पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे गवर्नमेंट को 3000 रुपये देने थे, 1800 लेने थे, तो मैंने 1200 का बैंक से पे किया, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सिमिलरली मुझे स्टेट गवर्नमेंट को 3000 देने थे, 1200 और मैंने 1800 पहले दिया हुआ था, तो मैंने 1200 रुपये पे किया, पे कर दिया, और यहाँ पे बैलेंस शीट जो बनेगी ना, उसमें मेरे इनपुट CGFT और इनपुट SGFT 0 आएगा। जो पहले क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, पहले क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें मेरे एसेट के अंदर इनपुट CGFT और इनपुट SGFT 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया मैंने पूरा का पूरा 1800 एडजस्ट कर लिया, गवर्नमेंट को 3000, 1800 एडजस्ट कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया आपको गवर्नमेंट को देने 1200, 1800 रुपये आपने पहले जमा करा दिए, तो रिफंड नहीं मिलेगा आपको, 600 बाकी का जो बैलेंस 600 आप एडजस्ट करोगे और आप यहाँ पे दिखाओगे। और यही मैंने पॉइंट आपको, ये पूरा का पूरा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आप CGFT को SGFT से एडजस्ट करो, सिंपल है, सॉरी CGFT को CGFT से एडजस्ट करो, आउटपुट CGFT टू इनपुट CGFT, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो शो द एक्सेस। अगर इनपुट ज़्यादा है, अगर मेरा 1800 इनपुट था, 1200 पे करने थे, तो 600 रुपये का मुझे एसेट में दिखाऊंगा, और अगर आउटपुट ज़्यादा है, 3000 रुपये आउटपुट था और 1800 पहले से जमा थे, तो 1200 पे करना है, तो वो मैं पे करूंगा। सेम टू सेम मैंने ये लिखा हुआ है, पर ध्यान रखना कभी भी CGFT और SGFT कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो वापस फटाफट मैं रिपीट करता हूँ, CGFT SGFT पे कभी भी नहीं होगा। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनपुट से एडजस्ट करूंगा, अगर मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है तो इनपुट यूज करूंगा, और अगर इनपुट बच गया तो एसेट में दिखाऊंगा, इनपुट नहीं बचा तो भैया मुझे बाकी का बैलेंस मुझे महाराष्ट्र या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है, ओके। तो अगर आपको यह समझ में आ गया, तो अब मैंने आपको क्या बता दिया, अब आप चैंपियन बन चुके हो सेट ऑफ ऑफ द CGFT एंड SGFT। अभी आपने IGFT वाला नहीं किया, हाँ उसमें बड़ा बड़ा मतलब बच्चों को बता रहा हूँ कंफ्यूजन होता है, फिर IGFT के अंदर क्या करोगे? अरे यार उसमें भी मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, एकदम से जंप नहीं मारेंगे। अभी CGFT SGFT समझ में आ गया, CGFT SGFT क्वेश्चन में, IGFT
नहीं हो तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या करा दिया, अभी आपको ये सब करा दिया, ये करा दिया और ये करा दिया अगर सीजीएफटी हो। अब मैं क्या कराऊंगा आपको अगर क्वेश्चन के अंदर आईजीएफटी भी हो, क्वेश्चन के अंदर सीजीएफटी भी हो। मतलब अगर मैं सेल्स महाराष्ट्र में भी करता हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र में भी करता हूं, राजस्थान में भी सेल्स करता हूं और दिल्ली भी करता हूं, गुजरात भी करता हूं, तमिलनाडु भी करता हूं, सब जगह सेल्स करता हूं, तब मैं क्या करूंगा वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, द सेट ऑफ ऑफ द आईजीएफटी सीजीएफटी एंड द एसजीएफटी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हमने अगर क्वेश्चन में सीजीएफटी और एसजीएफटी हो तो उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे क्वेश्चन में आईजीएफटी भी हो, सीजीएफटी भी हो और एसजीएफटी भी हो। ये वो टॉपिक है जिसमें सभी बच्चे डरते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, समझ ही नहीं आता सर एडजस्टमेंट कैसे करें, आईजीएफटी को सीजीएफटी पे करें, सीजीएफटी एसजीएफटी करें, सर बहुत कंफ्यूजन है, हवा बना रखा है। और मैं बोलता हूं सबसे सिंपल टॉपिक है, बस एक शर्त है, ये लेक्चर को एंड तक देख लो और उसके बाद आप मुझे खुद ही कमेंट करोगे सर इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब क्वेश्चन में आईजीएफटी सीजीएफटी एंड एसजीएफटी तीनों हो तब हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट किया सीजीएफटी और एसजीएफटी। जब क्वेश्चन में आईजीएफटी हो नहीं, मतलब अगर सपोज करो मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेचता हूं, मुंबई का माल मुंबई, मुंबई का माल पुणे, बस यहां पे मैं बेचता हूं, मतलब मैं दूसरे स्टेट में डील नहीं करता हूं। और उस केस में हम सेटअप कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बट अगर मैं अपने स्टेट में हूं महाराष्ट्र में, मैं अपना माल दिल्ली बेचता हूं, गुजरात बेचता हूं, राजस्थान बेचता हूं, तब मेरा पिक्चर में आईजीएफटी आ जाता है। आईजीएफटी कब लगता है, कब लगता है आईजीएफटी, जब मैं अपना सामान दूसरे स्टेट में बेचता हूं। तो अगर मैं मुंबई में हूं तो अगर मैं दिल्ली में बेचूंगा तो मेरा आईजीएफटी लगेगा, मैं मुंबई में हूं और अगर मैंने गुजरात में बेचा अहमदाबाद में तो मेरा क्या लगेगा, आईजीएफटी लगेगा, बिकॉज दूसरा स्टेट हो गया। अगर मुंबई का माल मुंबई में बेचूंगा तो क्या लगेगा, सीजीएफटी एंड द एसजीएफटी। ये सब तो आपको आता है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब जब पूरा मंथ खत्म हो जाता है, भाई मैं बिजनेस पूरे इंडिया में करता हूँ, मुंबई में भी बेचता हूँ, राजस्थान में भी बेचता हूँ, सब जगह बेचता हूँ, तो अब मुझे 31st December हर मंथ के एंड में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब मुझे टैक्स का पेमेंट कितना करना है, आपको पता है कि आपको इनपुट भी मिलता है, जब आप कुछ खरीदते हो तो इनपुट मिलता है, जब आप कुछ बेचते हो तो आप आउटपुट लगता है, तो आपको ये टैक्स का ये जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होगा कि आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कितना करना है। और यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये आईजीएफटी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सीजीएफटी एसजीएफटी फिर भी हम कर लेंगे, पर जहां पे क्वेश्चन में आईजीएफटी आ जाता ना है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कंफ्यूजन है। और मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, और ये मैं आपको थ्रू अ कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पर पहले मैं आपको क्वेश्चन का एक एंट्री कराऊंगा जो अभी तक आपको आती है, पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके थ्रू आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट मैं अगर आपको थ्योरेटिकली समझा दूं ना ऐसे एंट्री करो ये सेटअप करो तो आपको ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले ये क्वेश्चन, भाई मैं हूं अमित लिमिटेड और मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं और मेरा दो टैक्स लगते हैं सीजीएफटी एंड एसजीएफटी 6% ओके। मैंने गुड्स परचेस किया दिल्ली से, ओहो मैं मुंबई में हूं, मैंने दिल्ली से परचेस किया, ओके डेट कब खरीदी, 1/8/2022 को मैंने दिल्ली से खरीदा, ओहो तो मेरा परचेस कितना आ गया, परचेस अकाउंट डेबिट, मैंने 1,00,000 का सर माल लिया, ओके जब मैं मुंबई हूं, मैं खुद मेरा बिजनेस मुंबई में है, मैं दिल्ली से माल लूंगा, ओहो मुंबई का माल दिल्ली से लूंगा तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएफटी एसजीएफटी या आईजीएफटी, आईजीएफटी। अलग अलग स्टेट हो गए ना यार, क्या करते हो, अलग अलग स्टेट हो गए, तो मैं लिखूंगा इनपुट आईजीएफटी। जब स्टेट अलग हो गया तो मेरा आईजीएफटी लगेगा, कितना लगेगा, 6% या 12%, 12%। आईजीएफटी इज सम टोटल ऑफ द सीजीएफटी एंड एसजीएफटी, आपको पता ही है, तो 12% लगेगा 1,00,000 पे 12,000। और सर इनपुट क्यों हुआ, अरे जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो इनपुट ही तो लगेगा, आपको बता चुका हूं, क्या मैंने उसको पे कर दिया क्या, हाँ मैंने कैश में पे कर दिया,
तो मैंने 112,000 रुपए पे कर दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, प्लीज इसको बिल्कुल लेना फ्रेश माइंड से देखना। उसके बाद मैंने 5 अगस्त को मैंने क्या किया, मैंने सामान बेचा चेन्नई। जब मैं सामान बेचता हूँ चेन्नई तो 2 सेल्स करूंगा। हाँ ओके, कितने की सेल्स की है सर? मैंने 2 सेल्स की है 30,000 की। ओके सेल्स कितने की? 30,000 की। मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई। मुंबई का माल चेन्नई, दो अलग अलग स्टेट हैं, किसी को भी पता है मुंबई अलग है चेन्नई अलग है? तो मुंबई का माल चेन्नई मुझे लगेगा IGST लगेगा, तो 2 आउटपुट लगेगा। जब मैं बेचता हूं तो मेरा IGST लगता है कितना, 12% ऑफ 30,000 इज इक्वल टू 3,600 रुपए। 12% ना, 6, 12% आपको समझा चुका हूं। और मैंने माल क्रेडिट पे बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मैं डेटर अकाउंट को डेबिट करूंगा, तो 33,600। ठीक है, मैंने सामान बेचा, मुझे पैसे लेने हैं, 30,000 का सामान बेचा, उस पर टैक्स लग गया 3,600, आउटपुट लग गया। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। ओके उसके बाद क्या किया, उसके बाद 6 अगस्त को मैंने वापिस माल बेचा, जयपुर में माल बेचा। मैं मुंबई में रहता हूँ, सेम मैंने 2 सेल्स किया, कितने का किया सर? 10,000 का। और जब मैं जयपुर में माल बेचूंगा तो मेरा क्या लगेगा सर? मेरा लगेगा आउटपुट। आउटपुट IGST या CGST? सर IGST। कितना लगेगा IGST सर? 1200, 12%। और मैंने क्रेडिट में बेचा, सिमिलरली डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, तो 11,200 रुपये, 10,000 का माल बेचा, पहले 30 का बेचा फिर 10 का बेचा। फिर मैंने परचेस किया 50,000 का फ्रॉम मुंबई, मैंने 50,000 का मुंबई से परचेस किया, पेमेंट कैश में किया। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में भी आ गया। अब मैं कहाँ रहता हूँ? मैं तो मुंबई में रहता हूँ ना। हाँ 8 अगस्त 22, तो जब मैं परचेस करूँगा, परचेस कितने का किया सर? परचेस किया 50,000 का, तो 50,000 फिर डेबिट करूंगा। जब मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई में तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे ना, सेम स्टेट में ना, मैं खुद भी तो मुंबई में हूं, तो मेरे इनपुट भी लगेगा, CGST और FGST भी लगेगा, तो 2 टैक्स लगेंगे, इनपुट CGST और इनपुट FGST। ओके और 2 कितने का लगेगा? 50 का 6% सर 3,000, क्या मैंने पे कर दिया क्या? हाँ सर मैं पेमेंट कर लेता हूँ टाइमली। अभी आने वाला है मजा, आपको बड़ा मजा आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेंथ से नहीं डरते। हम डरते हैं तो किससे डरते हैं कि भैया हमें कंसेप्ट नहीं आया तो क्या होगा, हम उससे डरते हैं। हमें कंसेप्ट तो हम उसके अंदर एक्सपर्ट बन ही लेंगे। तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, आप खुद ही मुझे बोलोगे कि बर्फ मजा आ गया। मैंने पुणे बेचा, मैं मुंबई पुणे यार सेम स्टेट है ना यार, तो मैंने मुंबई में माल बेचा, पुणे माल बेचा, कितने का माल बेचा? 90,000 का। 90,000 का माल बेचा, उस पर टैक्स कितना लग गया सर? 90 पुणे, मुंबई से पुणे सर 2 टैक्स लगेंगे आपके CGST एंड SGST, तो 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट FGST। आउटपुट ही तो लगेगा भाई साहब, जब मैं बेचता हूं तो आउटपुट, सेम स्टेट में हो तो CGST और FGST। ओके कितना लगेगा? 90,000 पे 6% निकालो, मेरे ख्याल से 5,400 होता है। 90,000 पे 6% 5,400, तो 5,400 देफ हो जाएगा आपका। आपने क्या सामान क्रेडिट पे बेचा क्या? हाँ, तो डेटर अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो गई है, बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब मेरी 5 एंट्री थी, मैंने 5ों की 5ों एंट्री कर ली। अब क्या हो गया, 31 अगस्त आया, 31 अगस्त को मुझे सेटलमेंट करना होता है, मतलब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ CGST SGST हो तब तो आपको पता है कि आपको सेटलमेंट कैसे करोगे, बट जब क्वेश्चन में IGST भी पिक्चर में आ जाएगा तब हम सेटलमेंट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसमें गवर्नमेंट ने एक अलग रूल्स बना रखे हैं। बहुत बच्चों को लगता है सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है,
अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके समझाता हूं जो मैंने बहुत रिसर्च करके मुझे लगता है कि ये मेरा एक सिंपल तरीका है। आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको लिखना है आउटपुट, आउटपुट IGST, फिर आपको लिखना है इनपुट IGST, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करना है आपको। फिर आपको लिखना है आउटपुट CGFT, पहले CGFT आएगा और फिर आउटपुट FGFT, फिर आएगा आपका इनपुट CGFT और आपका आएगा इनपुट FGFT। यही फॉर्मेट में आपको टेबल बनानी है। ओके, ध्यान रहेगा। चलो ध्यान, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास जो एंट्रीज है, मेरे पास कितनी एंट्री है, टोटल 5 एंट्री है। देखो अब इसमें क्या है, मुझे आउटपुट IGFT कितना टोटल है, सब पूरे महीने के अंदर, पूरे अगस्त के अंदर मेरा कितना आउटपुट IGFT लगा। आउटपुट IGFT आउटपुट सर 3600, एक तो सर ये, एक ये और एक ये दो ही लगे, और तो आउटपुट IGFT है नहीं। तो 3600 प्लस 1200 कितने होते हैं, 4800। तो टोटल 4800 मेरा आउटपुट IGFT है। आउटपुट IGFT कितना है, 3600 प्लस 1200, 4800। सिमिलरली इनपुट IGFT कितना है सर, 12000। और क्वेश्चन में कोई भी इनपुट IGFT नहीं है, तो सर क्वेश्चन में आ गया यहां पे 12000। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके सर, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आउटपुट CGFT कितना है, आउटपुट 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 CGFT ये रहा 5400 और 5400 5400। ओके, उसके बाद इनपुट CGFT कितना है सर, 3000 और 3000, और कोई क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 3000 और 3000। बात समझ में आई नहीं आई? कितना सिंपल है, अभी तक तो सिंपल लग रहा है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है। ओके, पहले आपने टोटल निकाल दिया, टोटल क्वेश्चन में आउटपुट IGFT कितना है सर, 2 थे तो एक और ये 2, फिर उसके बाद आपका ये वाला था आपने ये डाल दिया, फिर उसके बाद ये और ये था आपने ये डाल दिया और ये डाल दिया। ओके, समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखो यहां पे गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है। गवर्नमेंट का रूल कहता है पहले आप IGFT को IGFT से एडजस्ट करोगे। जब क्वेश्चन में IGFT हो, CGFT, SGFT हो ना, तब पहला मेथड, पहला जो स्टेप होता है, मैं यहां पे आपको स्टेप लिखा देता हूं। फर्स्ट स्टेप ऐसे मैंने लिखा हुआ है, एडजस्ट IGFT इनपुट IGFT विथ आउटपुट IGFT। मतलब पहले आप IGFT को एडजस्ट करो। सुनो, मुझे व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है मुझे गवर्नमेंट को 4800 पे करना है, 4800 पे करना है, और पहले से मैंने गवर्नमेंट को 12000 रुपए दिए हुए। अगर आपने कोई दुकान में पहले से जमा करा रखे हैं 12000 और अब आपको उस दुकान को 4800 पे करना है, तो क्या आप उसको बेवकूफ की तरह पे करके आओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे एडजस्ट करो। सेम ही तो है IGFT, मतलब मैंने, मुझे गवर्नमेंट को 4800 देने हैं, 12000 पहले से जमा किए हुए, इनपुट का मतलब है पहले से जमा किए हुए हैं, तो इसका मतलब है पहले मैं इन दोनों को एडजस्ट करूंगा। और एडजस्ट कितना करूंगा, देने हैं 4800, जमा है गवर्नमेंट में 12000, तो 4800 ये एडजस्ट करोगे ना। आप कोई दुकान में 12000 रुपए आपके जमा है, आपने जमा करके आ गए हो दुकान में, आपने पहले से पैसे दिए हुए हैं, अब आपने 4800 एडजस्ट करना है, तो आप एडजस्ट 4800 ही करोगे ना, 4800 करोगे ना। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा सर, 12000 माइनस 4800 सर मेरे पास बच जाएगा 7200 इनपुट IGFT, इनपुट IGFT। सर कैसे, इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है? सर इनपुट ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट को जमा कराए थे 12000, 12000 में से मैंने 4800 एडजस्ट कर दिए, अब मेरे पास गवर्नमेंट के पास कितने जमा है, 7200। तो पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा, जो मैंने 4800 एडजस्ट किए ना उसकी एंट्री करूंगा। तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी, मैं आपको वो बताऊंगा। देखो यहां पे मैं एंट्री बता रहा हूं, आप 31 अगस्त को एंट्री करोगे,
देखो आप क्या कर रहे हो, आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर रहे हो। आप लायबिलिटी, जब मेरी लायबिलिटी कम होती है, मुझे गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं ना, मैं एडजस्ट कर रहा हूं ना, तो जब मेरी लायबिलिटी कम होती है तब मैं क्या करता हूं, लायबिलिटी कम होती तो क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। तो मैं लायबिलिटी जब मेरी कम हो रही है, आउटपुट आईजीएसटी कितने से कम हो रहा है 4800, और उसको मैं अपने जो मैंने एडवांस जमा करा रखा है तो आईजीएसटी से एडजस्ट करूंगा 4800। समझ में आया नहीं आया? तो पहले मैं इन दोनों को एडजस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास कितना जमा है, इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास 7200 इनपुट आईजीएसटी है, 7200 इनपुट आईजीएसटी है। तो इसका मतलब है, अब मेरे दो सिनेरियो होते हैं, या तो ये इससे ज्यादा होगा या ये इससे ज्यादा होगा। ये सिनेरियो नंबर वन है जहां पे इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट के पास पहले ही मेरे 7200 इनपुट पड़ा हुआ है। ये तो मैं एडजस्टमेंट कर चुका हूं, 4800 की एंट्री कर चुका हूं, 4800 आउटपुट आईजीएफटी और इनपुट आईजीएफटी। भाई आउटपुट को डेबिट क्यों किया, लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, भाई लायबिलिटी पे करना है, इसको डेबिट कर रहा हूं, और इनपुट को मेरा एडवांस जो है, मेरा एसेट कम हो रहा है, अल्टीमेटली 4800 तो कम हो रहा है। तो अभी मेरे पास गवर्नमेंट में कितने जमा है, कितने जमा है गवर्नमेंट में ये बताओ, 7200 आईजीएफटी जमा है। ओके, यहां तक रुको। अच्छा, अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 5400। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5400। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से कितने जमा है, 3000। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से कितने जमा है आपका, 3000। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो कैसे एडजस्ट करें, पहले इन दोनों को एडजस्ट करें या क्या करें, या इसको भी एडजस्ट करें। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर आपके पास इनपुट, सिनेरियो नंबर वन, इफ मैं आपको बता रहा हूं सिनेरियो, अब यहां पे दो सिनेरियो हो गए। अगर आपका इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी, मैं ये वाला सिनेरियो बता रहा हूं, यहां पे इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये जो इनपुट है सबसे पहले आपको आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करना है, उसके बाद एसजीएसटी से। मतलब सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 5400, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, 5400, और मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 5400। पर पहले से ही मैंने आईजीएसटी जमा किया हुआ है, 7200 पड़े हुए हैं, तो 12000 थे ना, 12 में 4800 तो चले गए, खत्म हो गए, ये दोनों एडजस्ट कर दिए। अब मेरे पास जमा कितने हैं गवर्नमेंट के पास, जमा है 7200। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 7200 अगर आपके पास पहले से ही जमा है तो पहले आप इसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद इसको एडजस्ट करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सीजीएसटी, सेकंड प्रायोरिटी एसजीएसटी। तो 7200 को पहले आप सीजीएसटी से एडजस्ट कर लो, 5400 पहले इसको एडजस्ट कर लो, और जो बच गया 7200 माइनस 5400 कितना होता है, पर 1800। तो मतलब 7200 पहले आप इसमें से एडजस्ट कर लो 5400, और फिर 1800 इसमें से एडजस्ट कर लो। इसका मतलब है अब मेरे पास ये कितना बच गया, 5400 माइनस 1800 3600। क्लियर है, नहीं क्लियर है, 3600। मतलब गवर्नमेंट कह रहा है कि आपने पहले से जमा करा रखे इनपुट 7200, उसमें से पहले अगर पहले से जमा है आईजीएसटी तो वो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के से एडजस्ट करो, पहले इन दोनों में एडजस्टमेंट नहीं करो, पहले यहां से एडजस्ट करो फिर यहां से एडजस्ट करो। ये नया रूल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, मतलब 7200 मैं पहले एडजस्टमेंट करूंगा सीजीएसटी से, फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा एसजीएसटी से। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, 31 अगस्त में एंट्री करूंगा। सुनो, जब मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखना, इनपुट हमेशा डेबिट होता है ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, टू इनपुट आईजीएसटी, कितना एडजस्ट कर रहा हूं, 7200, और कहां से एडजस्ट कर रहा हूं, सर एक तो आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर रहा हूं। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट सीजीएसटी, और सर मेरा आउटपुट एसजीएसटी कितने पे एडजस्ट कर रहा हूं, सर मैं एडजस्ट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिखा हुआ है 5400 मैंने आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट किया और 1800 मैंने इसमें से एडजस्ट कर लिया। टोटल मेरे पास कितने थे, 7200 थे इनपुट, इनपुट पड़ा हुआ था 12000। ओके,
अब इनपुट मतलब गवर्नमेंट में जमा है एसेट, अब मैं वो एडजस्ट कर रहा हूँ 7200, जब मेरा एसेट कम होता है तो वो मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है, आईजीएस क्रेडिट। अब मुझे गवर्नमेंट को पे कितना करना था भाई, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को 5400, उसने कहा यहाँ से एडजस्ट करो, फिर जो बच गया वो 1800। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये मेरी बैलेंसिंग है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करेंगे फिर स्टेट गवर्नमेंट का एडजस्ट करेंगे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आपने यहां पे इसकी एंट्री भी कर ली, इसकी एंट्री भी आपने कर ली, आपने 4800 की एंट्री कर ली, हाँ सर कर ली, आपने इसकी एंट्री कर ली, आपने इसकी भी एंट्री कर ली, हाँ सर इसकी भी एंट्री कर ली और इसकी भी एंट्री कर ली। ओके, अब तो क्वेश्चन सिंपल है, अब तो हलवा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएफटी कितना है, जीरो। आउटपुट सीजीएफटी कितना है, अब तो ये तो जीरो हो गया ना, इनपुट सीजीएफटी तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। 7200 आपने यहां एडजस्ट कर लिया, यहां एडजस्ट कर दिया, अब तो इनपुट आईजीएफटी जीरो हो गया। अब आपके पास आउटपुट सीजीएफटी कितना है, जीरो। आउटपुट एसजीएफटी कितना है आपका, 3600। आउटपुट इनपुट कितना है एसजीएफटी, 3000। इनपुट एसजीएफटी कितना है, 3000। मैंने आपको बता चुका हूं कभी भी सीजीएफटी एसजीएफटी से एडजस्ट नहीं होता, ये बात आप ना यहां पर ऊपर लिख दो, सीजीएफटी एसजीएफटी से कभी एडजस्ट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट से कभी एडजस्ट नहीं होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्स कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से एडजस्ट नहीं होगा। तो यहां पे आपका जीरो है, यहां पर 3600 है, तो आपको ये आउटपुट सीजीएफटी को इनपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करना है। ओके, तो सुनो 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 सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो ये तो पिक्चर खत्म हो गई, ये तो आपको मैं पिक्चर खत्म हो गई, आउटपुट इनपुट आईजीएफटी खत्म। अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है जीरो रुपए, एडजस्ट होने के बाद कितना देना है गवर्नमेंट को, कितना देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जीरो। और पहले से कितने जमा है, 3000 रुपए, पहले से 3000 जमा है, देना कितना है, देना कितना है 5400। मतलब मुझे गवर्नमेंट को देना है जीरो, गवर्नमेंट को देना है जीरो और पहले से जमा है 3000। सर रिफंड लो ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती, गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी का रिफंड नहीं देंगे, आप एसेट में दिखा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट पता है ना, एसेट और लाइबिलिटी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि मैं हूं बिजनेस, मुझे गवर्नमेंट को मुझे गवर्नमेंट को सीजीएफटी पे करना है जीरो, मात्र जीरो पे करना है, मतलब पे करना ही नहीं है, और पहले से जमा है 3000। तो गवर्नमेंट ने कहा उसको एसेट में दिखाओ, तो भाई इनपुट मेरा एसेट में आएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इनपुट सीजीएफटी आपका एसेट में आएगा, इसको आप एडजस्टमेंट एसजीएफटी से नहीं कर सकते। सिमिलरली मुझे इसका तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकता, तो ये वाला भी खत्म हुआ। अब स्टेट गवर्नमेंट को, मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे कितना करना है, 3600। कौन बच्चा बोला 5400, 5400 तो मुझे पे करना था, 1800 में एडजस्ट कर चुका हूं, तो अब मुझे पे कितना करना है, 3600 रुपए पे करना है, 3600 पे करना है, और पहले से कितना पे किया हुआ है, 3000, पहले से पे किया हुआ है 3000। तो सुनो मुझे पे कितना करना है, 3600। तो एक एंट्री और करें क्या, एक एंट्री और करें, 31/8/22 को एंट्री एक और करूंगा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 3000, कितना पे करना है, 3600, और पहले से 3000। तो इसका मतलब है मैं स्टेट गवर्नमेंट, मुझे स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600, और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पहले से 3000 रुपए दे चुका हूं, इसका मतलब है मैं 600 पेमेंट करूंगा। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600, पहले से 3000 रुपए जमा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो 600 मुझे और पे करने पड़ेंगे, 3600 माइनस 3600, तो बस मैं यही तो एंट्री करनी है, हो गया। क्या एंट्री करूंगा मैं, मुझे कितना पे करना है, आउटपुट एसजीएफटी कितना पे करना है, 3600, जिसमें से मैंने पहले से ही गवर्नमेंट को पे किया हुआ है 3000 रुपए, और बाकी का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा, ये लो भाई गवर्नमेंट आपका 600 रुपए का चेक, मात्र 600 पे करूंगा। क्यों सर इतना ट्रांजेक्शन 600 क्यों, क्योंकि ये मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो गवर्नमेंट को मैं पता कितना पे करूंगा, 3600 में से -3000 रुपये कर लूंगा, -3000 रुपये कर लूंगा, अल्टीमेटली मैं 600 रुपये गवर्नमेंट को पे करूंगा।
समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, अब हो गया खत्म क्वेश्चन। आपने क्या किया, पहले आप इन दोनों को एडजस्ट करोगे। इन दोनों को एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास इनपुट बच गया या आउटपुट बच गया? सर इनपुट बच गया। तो 7200 को आप पहले एडजस्टमेंट करोगे सीजीएसटी से, फिर आप इसमें पहले प्रायोरिटी सीजीएसटी फिर एसजीएसटी। तो 7200 को पहले आपने ये एडजस्टमेंट किया, 7200 को आपने एडजस्टमेंट किया सीजीएसटी से और एसजीएसटी से। अब आपके पास बच गया सीजीएसटी जीरो, बिकॉज ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया 5400 जीरो। तो अब आपको ये गवर्नमेंट को कितना पे करना है, जीरो। और आपके पास गवर्नमेंट ने कितने जमा है, 3000 गवर्नमेंट ने। कहा भाई साहब इसका रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये मैं अपने एसेट में दिखाऊंगा। फिर मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600, पहले से कितना जमा है 3000, तो मेरे पास कितना रुपये पड़ा, 600 रुपये। मेरे पास 600 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करूंगा। और ध्यान रखो अब मेरे पास इनपुट एसजीएसटी जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एसजीएसटी 3600 पे करना था, 3000 पहले से जमा है, तो अब मेरे पास इनपुट एसजीएसटी कितना है, जीरो है। और ये मैं तीन एंट्री करूंगा, इनपुट एसजीएसटी 3600, जिससे से मेरा इनपुट एडजस्टमेंट हो गया, बाकी का मैंने पे कर दिया। सर सीजीएसटी की एंट्री नहीं की, क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो सीजीएसटी देना ही जीरो था और पहले भी जमा 3000 है, तो इसलिए मैंने एसेट में दिखा दिया। कन्फ्यूजन हुआ? चलो मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इस लेक्चर को आप वापिस जरूर देखना, वापिस रिपीट पे रिपीट देखो, आपको समझ में आएगा। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। चलो ये सिनेरियो नंबर टू है, ये क्वेश्चन नंबर टू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिनेरियो अगर क्वेश्चन आपने बनाया, ये सिनेरियो आया आउटपुट आईजीएफटी, ये नया क्वेश्चन है, मैंने फाइनल फिगर बता दिया। अगर ये केस बनता आपका तो आप क्या करोगे, पहले आप इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करो 3000, तो आपको एडजस्ट करोगे आप एडजस्ट करोगे दिस को दिस एडजस्ट करोगे तो -14400 करोगे, तो कितना बन जाएगा सर, 32400 -14400 सर बच गया आपका 18000। कितना बच गया, 18000। ओके, तो अब इस केस में आप एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले आप आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट, आप जब भी आईजीएफटी आ जाए ना पहले आउटपुट इनपुट को एडजस्ट कर लो। आप एंट्री करोगे आउटपुट आईजीएफटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट, आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ ये सोचना है आपको गवर्नमेंट को पे करना है 14400, जिसमें से आपने गवर्नमेंट को पहले से 32400 दिए हुए हैं, तो 14400 ही एडजस्ट हो सकता है, 14400 ही एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि आपने गवर्नमेंट में जमा करा रखे 32400, पर गवर्नमेंट को पहले आपको देना कितना 14400, तो ये तो आप दोगे नहीं। अब कितना बच गया, अब ये कौन सा सिनेरियो है, ये सिनेरियो जब इनपुट आउटपुट से ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने कहा जब आपके पास पहले से ही इनपुट आईजीएफटी है, जब आपके पास पहले से ही गवर्नमेंट में जमा है इनपुट आईजीएफटी, तो पहले ये फिगर आप इससे एडजस्ट करोगे फिर ये एडजस्ट करोगे। टोटल कितना है आईजीएफटी, कितना पड़ा मेरे पास इनपुट आईजीएफटी, 18000, तो पहले इसको एडजस्ट करो। ओहो, पूरा का पूरा यही एडजस्टमेंट हो गया, इसका मतलब है नेट कितना बचा, 3000। टोटल आईजीएफटी कितना जमा है गवर्नमेंट के पास, 18000। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास पहले से आईजीएफटी जमा है तो पहले आप आउटपुट सीजीएफटी से एडजस्ट कर लो। तो मैंने 18000 जमा था, मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे 21000, 18000 एडजस्ट कर लिया, तो पहले मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा। और एंट्री क्या करूंगा, एक एंट्री करूंगा मैं आउटपुट सीजीएफटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएफटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएफटी 18000 में एडजस्ट कर लूंगा, 18000 में एडजस्ट कर लूंगा। क्यों सर, अरे भाई इसमें से इसमें एडजस्ट करने में कितने बचे, 18000, पूरा का पूरा 18000 सीजीएफटी से खत्म हो गया, फीजीएफटी पे खत्म हो गया। तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना था सीजीएफटी इतना, मैंने टोटल फीजीएफटी पे करना था 18000, मैंने मेरे पास एडवांस जमा थे आईजीएफटी 18000, तो अब मेरे पास आईजीएफटी कितना है, जीरो। माइनस 18000 करूंगा तो जीरो जमा है। अब मेरे पास सीजीएफटी कितना है नेट, सर 3000। कितना है नेट सीजीएफटी, सर इसमें एसजीएफटी एडजस्ट नहीं किया, पैसा ही नहीं इतना। सुनो,
गवर्नमेंट को पे कितना करना है जीएसटी 32,400 14,400 पहले से जमा पे करना 14,400 पहले से 32,400 है तो नेट कितना हो गया 18,000। तो इसकी एडजस्टमेंट कर लिया आपने 14,400 की, हाँ सर 14,400 की मैंने एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद 18,000 अभी इनपुट जमा है, मतलब इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है, जमा है पहले, तो 18,000 पहले आप इससे एडजस्ट करोगे फिर इससे। सिंस पूरा का पूरा पैसा यहीं यूज आ गया तो आपने एक एंट्री कर ली आउटपुट सीजीएसटी पूरा का पूरा 18,000 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया और इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। ओके अब मेरे पास अब तो सिंपल सिनेरियो हो गया, सीजीएसटी और एफजीएसटी कभी भी आपस में एडजस्टमेंट नहीं होते, ये बात आप लिख के ले लो, यू कैन नेवर एडजस्ट सीजीएसटी विद द एफजीएसटी। ओके अब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुनो अब तो आईजीएसटी पिक्चर में खत्म, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है 3,000, पहले से कितना पे किया हुआ है, पहले से कितना पे किया हुआ है 3,500। ओहो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 3,500, पहले से 3,500 पे किया हुआ है, इसका मतलब है 3,000 एडजस्ट करूंगा बाकी 500 एफर्ट में दिखाऊंगा। आपने दुकान पे, अब ये देखो सेंट्रल और सेंट्रल को देखो, स्टेट को मत देखो, सेंट्रल स्टेट का भी एडजस्ट एक साथ नहीं होते। सेंट्रल को गवर्नमेंट को देना है मुझे 3,000 रुपये और मैंने पहली जमा कर 3,500, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसको इससे एडजस्ट करो, इसको इससे एडजस्ट करो, तो भाई अब कितना है मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है 3,000, तो गवर्नमेंट को मुझे पे करना है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये पे करना है। ओके अब उसमें से आपके पास इनपुट यूज करो, इनपुट यूज करो 3,000 रुपये, आपने इनपुट सीजीएसटी यूज कर लिया, आपने इनपुट सीजीएसटी यूज कर दिया, बाकी कितना बच गया 500, वो आपको एसेट में दिखाना पड़ेगा, वो आपको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना पड़ेगा। सर क्यों उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, नहीं यू कैन नेवर एडजस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 500 रुपये समझ में आया। गवर्नमेंट में जमा थे 3,500, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,000 एडजस्ट करूंगा, एडजस्टमेंट की मैं एंट्री पास करूंगा, बाकी 500 रुपये मैं अपने एसेट में दिखाऊंगा सीजीएसटी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को पे करने 21,000, पहले से जमा है 3,500, पे करने 21,000, पहले से जमा है 3,500, तो गवर्नमेंट को पे करूंगा ना, मुझे पे करने 21,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पहले से 3,500 जमा है तो एडजस्ट करूंगा ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मुझे कितना, देखो हमेशा ध्यान रखना आउटपुट हमेशा जीरो हो जाना चाहिए, तो आउटपुट एसजीएसटी कितना पे करना है मुझे 21,000 पे करना है, 21,000 और मेरे पास इनपुट कितना है सर, इनपुट है एफजीएसटी है सर 3,500 ही है, हाँ तो इसका मतलब है बाकी का मुझे अपने स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 21,000 माइनस 3,500 17,500 मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 17,500। वापिस बता रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना था 3,000, पहले से जमा है 3,500 तो एडजस्टमेंट करूंगा 500 एसेट में दिखाऊंगा, एसेट में दिख दिया और मैंने एडजस्टमेंट कर दिया 3,000। सिमिलरली मेरा आउटपुट सीजीएफटी मुझे एफजीएफटी पे करना 21,000 और मेरा एडजस्टमेंट कितना होगा 3,500 का, जमा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में 3,500 रुपये ही है, अरे यार तो इसका मतलब है अगर 3,500 ही जमा है तो इसका मतलब बाकी का मुझे पे करना पड़ेगा, तो 21,000 से मैं डेबिट करूंगा और मैं एसजीएफटी डेबिट करूंगा 3,500, बाकी का मैं बैंक को पे करूंगा 3,500। सिनेरियो समझ में आया और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे को दो सिनेरियो होते हैं, लेट्स डील, अगर इनपुट आईजीएफटी आउटपुट आईजीएफटी से ज़्यादा है तब आप क्या करोगे, पहले इनपुट आईजीएफटी को एडजस्ट करोगे आउटपुट सीजीएफटी से और उसके बाद आप बैलेंस सेट ऑफ करोगे इससे, पहले सीजीएफटी से फिर एफजीएफटी से। ओके अगर फिर भी आईजीएफटी बच जाता है तब आप उसको एसेट में दिखाओगे। स्टेप टू, अगर बैलेंस लेफ्ट विद सीजीएफटी, आपको बता चुका हूँ सीजीएफटी को सीजीएफटी में एडजस्ट करो, बैंक से पे करो और एफजीएफटी को एफजीएफटी में एडजस्ट करो, ये मैं ये आपको नोट शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना,
ये तो आपको समझ में आ गया। अब सिनेरियो नंबर टू करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सिनेरियो नंबर टू समझना, ठीक है। लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आउटपुट आईजीएफटी इनपुट आईजीएफटी से ज्यादा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे होता है नहीं होता है। चलो पाफ द एंट्री इन द अमित मिल लिमिटेड जो मुंबई में है, एज्यूमिंग सीजीएफटी एंड एफजीएफटी 6% 6% है। चलो मैं एंट्री तो पास कर लेता हूं, 1 अगस्त 22 को मैंने परचेस किया। ओके, जब मैं परचेस करता हूं तो ये तो आपको पता है कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा। मैंने 1 लाख का सामान लिया, दिल्ली से लिया, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई का सामान मैं मुंबई में मैं सामान दिल्ली से ले रहा हूं, तो मेरा आईजीएफटी लगेगा, आईजीएफटी लगेगा, डिफरेंट स्टेट हो गया ना, तो आईजीएफटी डेबिट कितना लगेगा? अरे भाई 1 लाख का सामान लिया ना, तो 1 लाख का जो सामान है उस पर 12% कितना लगेगा? 12% पर 12,000 रुपए, और मैंने पे कर दिया था तो 1,12,000 रुपए। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। सिमिलरली 5 अगस्त को मैंने सामान बेचा, जब मैं सामान बेचता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? सर मैंने 1 लाख का सामान बेचा तो मैंने एंट्री क्या की? 1 लाख की मैंने एंट्री कर ली। ओके, जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगता है, सेम स्टेट में है क्या? मुंबई का सामान चेन्नई में बेचा, अरे भैया तो आउटपुट आईजीएफटी लगेगा 12,000 रुपए, और डेबिट क्या करूंगा? ऑन क्रेडिट में मैंने बेचा, मैं पैसे नहीं लिए तो डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा 1,12,000 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके चलो, उसके बाद 6 अगस्त को क्या हुआ? आपने सामान बेचा जयपुर में, बेचा 50,000 का, आपने सामान बेचा जयपुर में, बेचा 50,000 का, तो जब मैं जयपुर में बेचूंगा, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई का सामान जयपुर में, तो आईजीएफटी, तो आउटपुट आईजीएफटी कितना लिखा हुआ है? सर आउटपुट आईजीएफटी है आपका 50 का 12% बोले तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपी, और मुझे पैसा नहीं मिला तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 56,000 रुपी। क्लियर है? ओके, समझ में आया आपका? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री करते हैं, 6 अगस्त की भी हो गई, 8 अगस्त की भी एंट्री हो गई। क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम मुंबई, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा कितने का? सर 5 लाख का। कितने का करूंगा? 5 लाख का। ओके, 5 लाख में मुंबई से लिया, अरे भाई मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से सामान खरीदा हूं तो मेरा लगेगा 2 टैक्स, सीजीएफटी एंड एफजीएफटी इनपुट लगेगा। जब मैं खरीदता हूं तो इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एफजीएफटी 6% 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, और मैंने पैसा पे कर दिया 5,60,000 रुपए। क्लियर है? हाँ सर, हाँ क्लियर है। उसके बाद मैंने सामान बेचा पुणे में 4,80,000 का। ओके, कितने का सामान बेचा? 10 अगस्त को मैंने सामान बेचा पुणे में। चलो यार ये भी इसके एंट्री कर लेते हैं, जब मैं सामान बेचता हूं तो 2 सेल्स करूंगा ना, हाँ, कितने का बेचा? 4,80,000 का, और जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगेगा, आउटपुट सीजीएफटी। सर सीजीएफटी? अरे भाई पुणे और बॉम्बे एक, मुंबई एक ही तो स्टेट है महाराष्ट्र में। ओके हाँ सर, मैं भूल गया, एफजीएफटी 4,80,000 का 6% 28,800, तो 4,80,000 × 1.12, तो सर मुझे पैसा आया नहीं तो डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा 537,600। यहां पे आपकी सारी एंट्री हो गई नहीं हो गई? यस सर, सारी एंट्री हो गई है, टॉप से लेके यहां तक सारी एंट्री कर ली। ओके, मैंने पहले परचेस किया, सेल किया, फिर परचेस सेल किया, अब मुझे 31 अगस्त को मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट के लिए मैं क्या बनाऊंगा? टेबल बनाऊंगा। तो देखो पहले आप, सबसे पहले तो आप है ना आंख बंद करके पहले आप ये लिख दो, आउटपुट आईजीएफटी। ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद जो सबसे इजी हो सकता है ना मैंने वो बताया है।
आउटपुट, फिर आप लिखो इनपुट IGFT, फिर आप लिखोगे आउटपुट CGFT, फिर आप लिखोगे आउटपुट SGFT, फिर आप लिखोगे इनपुट CGFT, फिर आप लिखोगे इनपुट SGFT, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल अमाउंट निकालना है 31 अगस्त को। चलो टोटल IGFT कितना है, टोटल IGFT कितना है, सर एक मिनट, आउटपुट आउटपुट और आउटपुट, सर एक है, आपको दिख रहा है, बड़ा बड़ा कर लेता हूं, एक है 12,000 ये और एक है 6,000 ये, 12 + 6 कितने होते हैं 18,000, तो टोटल है IGFT 18,000 रुपए। आउटपुट इनपुट IGFT कितना है, सर एक तो 12,000 ये और इनपुट कुछ है क्या, नहीं सर इनपुट नहीं है, तो सर टोटल है 12,000 रुपए। आउटपुट CGFT कितना है, आउटपुट CGFT सर दो ही है, ये 28,800 और इनपुट CGFT कितना है सर ये 30,000 और 30,000, क्लियर है। अच्छा अब हुआ क्या, देखो सुनो, गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले आप IGFT को, जब भी क्वेश्चन में IGFT हो ना, पहले IGFT को IGFT से एडजस्ट कर लो। ओके, गवर्नमेंट ने कहा पहले इसको एडजस्ट कर लो, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 18,000 और पहले से जमा है 12,000, आपने कोई दुकान वाले को पहले से ही 12,000 जमा करा चुके हो और उसको पे करना आपको 18,000, तो पहले 12,000 एडजस्ट करोगे या डायरेक्ट 18,000 पे करोगे, पहले 12,000 पे एडजस्ट करोगे, तो फर्स्ट एडजस्ट करोगे आप 18,000 माइनस 12,000 = 6,000 और ये 6,000 को मैं बोलूंगा आउटपुट IGFT। सर आउटपुट IGFT क्यों बोलूंगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को पे करने 18,000, लेना 6,000, पे करना 18,000 लेना 12,000 है, तो अल्टीमेटली मुझे 6,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने है ना, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 18,000, पहले से जमा है 12,000, तो अल्टीमेटली नेट कितना पे करना है मुझे, सर नेट पे करना है 6,000, तो पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा, एडजस्टमेंट की एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, इसकी एंट्री करूंगा, और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी मेरी, कहां गया, हाँ मेरी एंट्री होगी, कब एंट्री करूंगा मैं, डेट क्या है सर 31 अगस्त को मैं एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा आउटपुट IGFT डेबिट टू इनपुट IGFT, कितना मैं एडजस्ट कर रहा हूं, सर मैं एडजस्ट कर रहा हूं 12,000 रुपए, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 18,000 रुपये पर 12,000, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और ये मैंने एंट्री कर ली है, मतलब मुझे गवर्नमेंट को पे करने 18,000, 12,000 पहले से जमा है, तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी 12,000 से, तो वो मैंने कम कर ली। अब गवर्नमेंट ने कहा रुको, गवर्नमेंट ने कहा रुको 6,000 रुपये पे मत करो, सुनो मुझे गवर्नमेंट को पे कितना करना है, सर मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 18,000, पहले से कितना जमा है IGFT 12,000, 18 - 12 ओहो 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये मेरा क्या है आउटपुट अभी भी गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो सर हिसाब से तो मुझे गवर्नमेंट को अभी पे कर देना चाहिए था, सर हिसाब से तो मुझे पे कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को तो 6,000 रुपये पे करने हैं, जब पेमेंट तो मैं पहले ही कर लेता हूँ, पर मैं पेमेंट नहीं करूँगा, गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो। और ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। मैंने अभी तक आपको जो 2 क्वेश्चन कराया था ना, उसमें पता क्या कराया था, कि जहाँ पे इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है, यहाँ पे तो आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है, ये हो गया सिनेरियो नंबर 2, जहाँ पे आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है, मतलब मुझे नेट गवर्नमेंट को पे करना है कितना 6,000, जब मुझे गवर्नमेंट को 6,000 पे करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा रुको अभी पेमेंट मत करो, पेमेंट मत करो, पहले आप नेट पेमेंट निकाल दो, तो अभी आप इसका पेमेंट नहीं करोगे, आपने इसकी एंट्री तो कर ली है, ओके पेमेंट नहीं करोगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करना बाकी है, मुझे IGFT पे करना है। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका आउटपुट IGFT से ज़्यादा है, आउटपुट IGFT इनपुट IGFT से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले इनको और इनको एडजस्ट कर लो,
सीजीएफटी को सीजीएफटी को, एफजीएफटी को एफजीएफटी से एडजस्ट कर लो। चलो अब पहले सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट करो। गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जब आपका एडजस्टमेंट करने के बाद आउटपुट बच जाता है, आउटपुट बच जाता है तो गवर्नमेंट को पे मत करो। गवर्नमेंट ने कहा पहले आप ये निकालो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कितना करना है और आपको ये स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करना है। तो सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 28,800, हाँ, और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने पहले से जमा किए हुए 30,000, इसका मतलब है 28,800 एडजस्ट करूँगा, हाँ करूँगा। तो यहाँ पे 28,800 एडजस्ट करूँगा और 28,800 सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट होगा, सीजीएफटी से एडजस्ट होगा। तो देखो मैंने इसको एडजस्टमेंट किया इससे, तो कितना आ जाएगा 28,800 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, कितना बच गया 1200 बच गया। तो पहले मैं इसको एडजस्टमेंट कर लूँ, सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट कर लूँ, हाँ सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट करता हूँ। तो पहले मैं एंट्री करूँगा आउटपुट सीजीएफटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएफटी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 28,800, पहले से जमा है 30,000, तो 28,800 की तो मेरा लाइबिलिटी खत्म हो गई, 28,800 की तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। अभी भी 1200 रुपये मेरे पास इनपुट सीजीएफटी बचे हैं, कोई नहीं। फिर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है 28,800 और मैंने पहले से पे किए हुए 30,000, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा, जीरो पेमेंट करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहां पे 28,800 एडजस्ट करूंगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहां पे 28,800 करूंगा तो ये 1200 बच जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं एक और एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा 31st को आउटपुट एफजीएफटी को एडजस्ट करूंगा इनपुट एफजीएफटी से एडजस्ट करूंगा 28,800 से। समझ में आया? गवर्नमेंट बोलता है कि जब आपके पास अल्टीमेटली ये इनपुट, आपके पास इनपुट तो ज़्यादा है नहीं, आउटपुट आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कितना पे करना है आपको, पे करना है 28,600 रुपये पे करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा अभी पे मत करो, अभी तक जो मैंने सिनेरियो कराया था ना उस वहाँ पे इनपुट पे कराया था, पर अभी यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, जब इनपुट ज़्यादा आएगा तो पहले मैं इस पे एडजस्ट करूँगा, जब आउटपुट आता है ना ज़्यादा इसका मतलब गवर्नमेंट को पे करना है 6,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने कहा अभी पे मत करो, पहले इनका निकाल लो पेमेंट कितना है। तो आउटपुट सीजीएफटी को इनपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करूँगा, इसको इससे एडजस्ट कर दो, कितना बच गया 1200 बच गया। ये एडजस्ट कर लिया, एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली, मुझे गवर्नमेंट को पे करना था 28,800, पहले से जमा थे 30,000, तो 28,800 एडजस्ट कर लिए, 1200 अभी भी बचे हुए हैं, 1200 अभी भी बचे हुए हैं। अब सुनो, ये दोनों एडजस्टमेंट कर दिया। अब हुआ क्या, सुनो, सोचो मैं हूं बिजनेसमैन, मुझे आईजीएसटी पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है 6,000, और पहले से ही मैं 1200 रुपये मेरे पास इनपुट सीजीएफटी पड़ा है और अभी भी इनपुट एफजीएफटी कितना पड़ा है 1200। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको ये पेमेंट करना है 6,000 तो इसमें से आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। इनपुट का मतलब है मैंने पहले से ही गवर्नमेंट पे जमा किए हुए हैं, हाँ। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो एडजस्टमेंट है आपने, सोचो मैं हूँ बिजनेस, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 6,000 रुपये, कितने पे करने हैं 6,000 रुपये आईजीएफटी, और मुझे दो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से 1200 रुपये इनपुट पहले से ही जमा है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद 1200 जमा है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको इससे एडजस्ट करो बाकी का पेमेंट करो। चलो भाई ठीक है, तो इसका मतलब है मैं क्या एंट्री करूंगा, सुनो, मुझे कितना पे करना है आउटपुट आईजीएफटी, सर मुझे पे करना है आउटपुट आईजीएफटी अकाउंट, मुझे पे करना है 6,000 रुपये डेबिट, उसमें से 1200 तो ये मैं एडजस्ट करूंगा, 1200 ये एडजस्ट करूंगा और 1200 ये एडजस्ट करूंगा। ओके, वो बोलता है आप जो आपका इनपुट सीजीएफटी बच गया 1200 वो एडजस्ट करो और जो आपका इनपुट एफजीएफटी बच गया वो एडजस्ट करो और बाकी का गवर्नमेंट को पे कर लो। समझे नहीं समझे, कन्फ्यूजन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए कन्फ्यूजन क्योंकि है ही थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक, पर सुनो समझो, वापिस समझो, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 6,000 रुपये,
कितना पे करना है? 6,000 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट करो, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करो। इन दोनों की मैंने एंट्री कर चुका हूँ और इन दोनों की एंट्री कर ली। फिर गवर्नमेंट ने कहा रुको एक और चीज करो, अब मुझे ये मेरे पास टैक्स अभी भी बचा है, गवर्नमेंट के पास जमा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1200 के पास। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको अब इससे एडजस्ट कर लो, तो 1200 और 1200 इससे एडजस्ट कर दिया। तो 1200 एडजस्ट कर लिया, मुझे गवर्नमेंट को देने 6000, पहले से जमा है 1200, बाकी का मैं पेमेंट कर दूंगा। 6000 रुपये -1200 -1200 तो 3600 का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा, 3600 का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा। मेरा खत्म। क्यों फर्क है, कैसे खत्म? 6000 में से 1200 गया ये, 1200 गया ये, और 3600 मैं पे कर दूंगा, 3600 मैं पे कर दूंगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, केस नंबर वन केस नंबर टू। ये केस नंबर टू है जहां पे आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, तो आपने आउटपुट एडजस्ट कर दिया, 6000 गवर्नमेंट को पे करना। गवर्नमेंट का पे मत करो, छोड़ो अभी रुको, पहले इसको इससे एडजस्ट करो। इसको इसको कभी एडजस्ट नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं होता। इसको इससे एडजस्ट कर दिया तो भी 1200 बचा है, इसको इससे एडजस्ट कर तो भी 1200 बचा है। गवर्नमेंट ने कहा पहले इसको एडजस्ट कर लो, तो 6000 को मैंने इससे एडजस्ट कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट को पे करो। तो देखो मैंने आउटपुट सीजीएससी मुझे गवर्नमेंट को देना है 6000 रुपये, मुझे पहले से जमा है 1200, बाकी का मैं चेक दे दूंगा। ओके चलो एक काम करता हूँ, एक और आपको सिनेरियो कराता हूँ और देखता हूँ अब आपसे होता है क्या। देखो यही वाला सिनेरियो है, ये दो आपको सिनेरियो और कराऊंगा। सुनो यहां पे आउटपुट आईजीएफटी कितना है, सपोज करो सिनेरियो ये बना हुआ है, आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया, ये बना हुआ है आउटपुट आईजीएफटी और इनपुट एजी कितना है, तो 54 ये तो आपका हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं, नहीं सॉरी रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या गया हाँ ये मैंने कर दिया -18000 रुपये, ये तो हो गया जीरो, और ये बच गया आउटपुट सीजीएफटी कितना बच गया 54,000 -18000 रुपये, 36,000 रुपीस बच गया। आउटपुट ज्यादा है इनपुट ज्यादा है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 54,000, पहले से जमा है 18,000, तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा आउटपुट आईजीएफटी टू इनपुट आईजीएफटी, कितने का एडजस्ट करूंगा 18,000, मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे 54,000, उसमें से 18,000 पहले से जमा है, तो अभी भी मुझे गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं, 36,000 रुपये पे करने हैं। सुनो पे करने हैं 36,000, रुको अभी गवर्नमेंट ने कहा चेक मत दो, अभी रुको, गवर्नमेंट ने कहा पहले इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लो, पहले इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं, 7,400, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने जमा है 6,600, तो -6,600 दोनों से कम कौन सा है, -6,600, तो अब ये कितना बच गया, ये कितना बच गया 900 रुपये, 900 बच गया, ये कितना बच गया 900 बच गया, सेंट्रल सॉरी ये कितना बच गया जीरो। पहले गवर्नमेंट ने कहा जब आपको कुछ गवर्नमेंट को पे करना होता है आईजीएफटी तो रुको इतनी जल्दी मत करो पेमेंट की, पहले आपने एडजस्टमेंट कर दिया, हाँ आपने आपने अरे कहाँ गया, हाँ पहले आपने एडजस्टमेंट कर दिया 18,000, आपने 18,000 एडजस्टमेंट कर दिया। अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आउटपुट ज्यादा है या इनपुट ज्यादा है, सर आउटपुट ये पे करना है, दिस इज आउटपुट, ये मेरा आउटपुट आईजीएफटी है। तो गवर्नमेंट ने कहा अभी पे मत करो, आउटपुट का अंदर पे करना है। गवर्नमेंट ने कहा पहले ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 7,500, पहले से जमा है 6,600, तो मैं पहले 6,600 की एडजस्टमेंट की एंट्री करूंगा। ओके तो मैं एंट्री क्या करूंगा, आउटपुट सीजीएफटी टू इनपुट सीजीएफटी कितना करूंगा 900 रुपये, सुनो 900 रुपये, सॉरी 900 नहीं 6,600। अब सुनो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ ये मैं इसको, अरे यार 18,000 मैं इसको सॉरी, हाँ 6,600 एडजस्ट कर दिया। अच्छा अभी 900 पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट करूंगा ना, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता, ये भी तो मुझे पेमेंट करना है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का इससे एडजस्ट करो,
स्टेट गवर्नमेंट का -6600 तो ये 0 हो जाएगा, ये 900 बन जाएगा। चलो एक और एंट्री करो सर, आउटपुट SGST डेबिट 6600 और उसको मैं एडजस्ट करूंगा, मैंने पहले से ही जमा किए हुए हैं आउटपुट SGST अकाउंट 6600। ओके अब मुझे सुनो, गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है, नेट कितना पे करना है, मुझे तीन चीजें पे करनी है। मुझे गवर्नमेंट को IGST पे करना है 36,000, मुझे गवर्नमेंट को CGST भी पे करना है, मुझे गवर्नमेंट को SGST पे करना है। तो तीनों को पे करूंगा, एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। अरे भाई एडजस्टमेंट कब होता है, जब एडजस्टमेंट कब होता है, एडजस्टमेंट जब होता है जब जब मुझे कोई इनपुट और आउटपुट हो। यहाँ पे तो मैंने इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट कर दिया, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है गवर्नमेंट को पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट के एडजस्टमेंट करने के बाद भी गवर्नमेंट को पे करना है, तो पे कर दो ना। जब मुझे पेमेंट करना ही है तो मुझे तीनों का पेमेंट करना पड़ेगा ना, अब इनपुट बचा ही नहीं, देयर इज नो इनपुट। तो अब मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 36,000 रुपये पे करना है। सिमिलरली मुझे पे करना है CGST पे करना है, कितना पे करना है, 900 रुपये। सिमिलरली मुझे SGST पे करना है 900 रुपये और मैं 2 बैंक कर लूँगा, मैं पेमेंट करूँगा 37,800 का गवर्नमेंट को चेक दे दूँगा। वापस समझ में आया, मुझे पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को, 54,000, लेना कितना है 18,000, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करना है 36,000। गवर्नमेंट ने कहा रुको अभी पेमेंट मत करो। सिमिलरली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करने के बाद मुझे 900 रुपये पेमेंट करना है, तो मुझे 900 रुपये का पेमेंट करना है। सिमिलरली ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, कहाँ गया यार, हाँ ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, हाँ ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया 6,600 दोनों का एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद भी मुझे नेट CGST और नेट SGST पे करना है 900 900, तो ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, ये भी करना, पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने गवर्नमेंट को चेक दिया था 37,800 का। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ओके समझ में आ गया। चलो एक और करें जिसमें अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। सुनो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, गवर्नमेंट को पे कितना करना है 54,000, पहले से जमा कितने हैं 18,000, तो माइनस 18,000 करो, नेट कितना बच गया सर, नेट बच गया 36,000। तो पहले मैं एंट्री करूंगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, कितना 18,000 रुपये, ये तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो, रुको अभी पेमेंट मत करो, अब इसको इससे एडजस्ट करो। चलो आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करें क्या, हाँ करते हैं ना, तो 7,500 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं, 50,000 पहले से ही जमा है, तो 7,500 तो माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे 7,500 माइनस हो जाएंगे तो 42,500 बचेगा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करूँगा तो 42,500 हो जाएगा। पहले हम इसकी एंट्री कर लें, एडजस्टमेंट की एंट्री कर लें। चलो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं 7,500, मेरे पास पहले से 50,000 जमा थे तो मैं एंट्री करूंगा 7,500 तो एडजस्ट करूंगा। सिमिलरली मुझे स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं 7,500 और मेरे पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से 7,500 जमा है। अब अल्टीमेटली कितने जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 42,500 और 42,500। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो अब मुझे बताओ, आप पॉज करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, मैं देखना चाहता हूँ आपको आंसर आता है क्या। सुनो मुझे गवर्नमेंट को IGST कितना पे करना है 18,000 के एडजस्टमेंट के बाद, पहले मैंने 18,000 एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद मुझे इसको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, पेबल है ना भाई, हाँ आउटपुट है, ओके अब ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो पिक्चर से गया। अब मुझे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पे करना है, कुछ पे नहीं करना, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, कुछ पे नहीं करना, जीरो पे करना है। अब मुझे
सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट कितना पड़ा है, इनपुट मतलब कितना लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है। गवर्नमेंट ने कहा जब आपको कुछ पे करना होता है तो आप इसको एडजस्टमेंट इनपुट इनपुट से कर सकते हो। पिछले वाले केस के अंदर इनपुट था ही नहीं, इधर देखो इनपुट आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पे कितना करना है 36,000। तो गवर्नमेंट ने कहा पहली जो प्रायोरिटी है, पहली जो प्रायोरिटी है आप आउटपुट, आपको आउटपुट IGST 36,000 है उसको आप एडजस्टमेंट कर दोगे इनपुट, पहली जो प्रायोरिटी है वो आप इनपुट CGST से करोगे और बट ऑब्वियस 36,000 से करोगे। आपको गवर्नमेंट को पे करना है 36,000 और पहले से ही पेमेंट हुआ हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का 42,500, तो अब आप गवर्नमेंट को पे कुछ नहीं करोगे। इसका मतलब है, इसका मतलब है इसको मैंने इससे एडजस्टमेंट कर दिया, अब कितना बचा, अब कितना बचा फॉर 42,500 माइनस 36,000 रुपये, सर 6,500। और ये कितना बचा 42,500। और जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी, जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी, यस बैलेंस शीट बनेगी, तो मेरा इनपुट CGST आएगा और इनपुट SGST आएगा। इनपुट CGST कितना आएगा, सर 6,500 और इनपुट SGST कितना आएगा, सर 42,500। क्यों सर ये वापस नहीं, इनपुट कभी भी वापस नहीं मिलेगा, एडजस्ट होगा। इधर सिचुएशन क्या थी, मुझे गवर्नमेंट को पे करना था, क्या पे करना था 35,000। गवर्नमेंट ने कहा रुको पहले इसको एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करने के बाद अरे बाप रे इनपुट अभी भी पड़ा है, गवर्नमेंट ने कहा 42,500 पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको जो आपको पे करना है इसको पहले इससे एडजस्ट करो फिर इससे एडजस्ट करो, तो मैंने इसी में पूरा एडजस्टमेंट हो गया, अब ये तो जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने एक एंट्री पास की इनपुट आउटपुट SGST को इनपुट SGST पे एडजस्ट, सॉरी इसको मैंने 36,000 एडजस्ट कर दिया और उसके बाद बच गया मेरे पास 6,500 रुपये CGST, तो मैंने यहाँ पे CGST मेरे 6,400 रुपये बच गया और यहाँ पे 42,500 मेरा SGST बच गया। बात समझ में आई नहीं आई आपको, तो यहाँ पे आपको मैंने अब क्या बता दिया कि IGST को CGST एडजस्ट कैसे एडजस्ट करेंगे। तो वापिस फटाफट मैं रिकैप कराता हूँ। देखो जब मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सुनो ये मैंने अपने नोट्स आपसे शेयर भी करूँगा। सबसे पहले दो सिनेरियो होंगे, अगर इनपुट IGST से ज़्यादा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट IGST को आउटपुट एडजस्ट करोगे। इनपुट अगर ज़्यादा आ रहा है तो पहले इनपुट को आउटपुट CGST पे एडजस्ट करोगे फिर आउटपुट FGST से। ये मैंने सब लिखा हुआ है और मैं आपको समझा भी चुका हूँ, आपको समझ में आ भी जाएगा, क्लियर। यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया भी था, अगर ये ज़्यादा आ रहा है, अगर इनपुट ज़्यादा आ रहा है 12,000 रुपये, देखो इनपुट ज़्यादा आ रहा है तो पहले ये एडजस्टमेंट आउटपुट से करोगे फिर आउटपुट से करोगे, उसके बाद जो बच जाएगा फिर इन दोनों में एडजस्टमेंट करोगे। और अगर आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो पहले आप आउटपुट CGST को इनपुट CGST एडजस्ट करोगे। मुझे पता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर पर वापस देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, जो मुझे चीज़ गवर्नमेंट को पे करनी हो पहले से ही जमा है, क्यों ना मैं इन दोनों को एडजस्ट करूंगा। पर वो एडजस्टमेंट कैसे होगा वो हम सिस्टम देखना है, पहले IGST से एडजस्ट होगा, अगर IGST पहले से ही हमारे पास इनपुट IGST ज़्यादा है तो वो मैं आउटपुट से एडजस्ट करूंगा पहले और फिर मैं CGST से एडजस्ट करूंगा। पर अगर मुझे गवर्नमेंट को पे करना है तो पहले मैं ये निकालूंगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है और उसके बाद मैं नेट अमाउंट मैं निकालूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ओके समझ में आया। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो GST का जो चैप्टर है ना वो मैंने खत्म कर लिया, यस 100%। अभी आप अगर आप ये लेक्चर वापस देखोगे ना, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इसके अंदर चैंपियन बन चुके हो सेट ऑफ के अंदर। एंड यस यहाँ पे GST चैप्टर खत्म हो गया, यस अब आपको यहाँ पे मैंने पूरा GST चैप्टर आपको जो 7 पार्ट में मैंने आपको कराया, सातों के सातों पार्ट, पहले आपको मैंने बताया कि भैया GST होता क्या है, फिर इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है,
परचेज सेल्स क्या होती है, इन सब का लेक्चर का मैंने लिंक भी नीचे दिया हुआ है, फिर सेट ऑफ भी है, सेट ऑफ कैसे होगा ये मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको पूरा बता दिया। तो प्लीज ये पूरा का पूरा लेक्चर देखना, लिंक भी नीचे दिया हुआ है, सीरीज भी है, पूरा लिंक नीचे देखना। एंड होपफुली आप जीएफटी में एक्सपर्ट बन गए हो। एंड जस्ट अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैं आपका पूरा जो 11th का कोर्स कवर करने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर, अगर आप मुझे सपोर्ट करो तो यस डू सपोर्ट मी इन माई जर्नी टू बिकम YouTube टीचर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज जरूर मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए एंड यस लाइक जरूर करो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फॉर दैट YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। एंड यस मेरी ये जो ऐप है क्या कहते हैं अकाउंट फंडा ऐप है, वो प्लीज डाउनलोड कर लेना, हजारों लोगों को डाउनलोड की हुई है, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स में 100% मार्क्स आए, तो आप डाउनलोड जरूर कर देना, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर देना, नीचे लिंक दिया हुआ है, यस टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक दिया हुआ है। एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो होपफुली आपको ये जीएफटी चैप्टर अच्छा लगा हो तो अपने प्लीज फ्रेंड्स को जरूर बताना है, नीचे कमेंट जरूर करना आपको ये पूरी जो सीरीज है जो मैंने आपको पूरा जो जीएफटी चैप्टर बताया वो आपको कैसा लगा। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।